हमने जितना ग्रुप टू में टाइम डाला है, ओके, ग्रुप वन में जितना टाइम डाला है उससे रिलेटिवली कम टाइम ग्रुप टू में जाएगा, दैट फॉर श्योर। पेपर चार उधर भी है, पेपर चार इधर भी है, लेकिन उधर डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आया? एक्चुअली तो डायरेक्ट टैक्स को एक ग्रुप देना चाहिए था, मतलब ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री डायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूमलेस की बात कर रहा हूं, बट अदर देन दैट इफ आई डिस्कस अबाउट ग्रुप टू, ओके, रिलेटिवली स्मॉल क्यू हो जाता है। रीजन सिंपल है, उसके मल्टीपल एलिमेंट्स है। यहां पर डायरेक्टली दो पेपर थियरी है, जो चीज थियरी आ गई, ओके, वो 101% रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज हो जाती है। जब आपका प्रैक्टिकल एलिमेंट आता है तो आपको वो 101% टाइम स्पेंड करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना, प्रैक्टिकल चीजें ध्यान में रखना, इट टेक्स अ टाइम। और एक्चुअली देखा जाए तो ग्रुप टू में थियोरिटिकल पेपर आपके दो होने की वजह से 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कौन सा हो गया? थियरी। ओके, बिफोर गोइंग और स्टार्टिंग एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब आप ये समझ लीजिए, पहला एक शॉर्ट आप दिमाग में रखिए कि ग्रुप टू प्रिपेयर करना है, उसके लिए सबसे पहले दो चार चीजें आप एकदम, मतलब उसको बोलते हैं ना, एकदम दिमाग में बिठा दीजिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम योर परसेप्शन। एक पहली चीज जो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ओके, अगर मैं अपने EIS SM की बात करूं, इट इज अ मैटर ऑफ 50-55 डेज, इट इज अ मैटर ऑफ 50-55 डेज। ओके, यानी तुम्हें सुबह उठ के आना है, ओके, 8 बजे क्लास में पहुंच जाना है, ओके, कितने दिन? ओके, इट्स ऑल अबाउट 50-55 डेज। एंड 50-55 डेज में आपका संडे रिलेटिवली ऑफ है। जब मैं रिलेटिवली बोल रहा हूं, एक आध बार एडजस्टमेंट हो सकता है, एक आध बार यार, मैं बाकी संडे मैं खुद जानता हूं यार, संडे अपनी जिंदगी में बचपन से जो बताया गया है वही मैं अडॉप्ट करता हूं। बचपन से बोला गया था बेटा संडे हॉलीडे होता है, ओके, सीए में आने के बाद वो चीजें थोड़ी अलग हुई है, मतलब अगर सीए में आने के बाद ऐसा लगा कि संडे, अरे अच्छा हॉलीडे होता है क्या? अभी तो कितने दिन पहले ये भी नहीं पता होगा आज क्या है, किसी को लग रहा है आज संडे ही है, क्योंकि अपनी जिंदगी वैसी ही गई है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ रिलेटिवली, मतलब कभी ऐसा हो सकता है, कुछ सिनारियो हो सकता है, कुछ छुट्टी हो सकती है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, उस वीक का पॉइंट है। अदरवाइज मैंने प्लानिंग वैसी ही रखी है कि संडे ऑफ है, यानी कितना भी कर ले, मॉर्निंग टू लेट उठ सकता है संडे। देखो भाई, कुछ कुछ चीजों में एक चीज क्लियर है कि भाई सुबह उठने का कार्यक्रम, तो उठने के कार्यक्रम में 8 बजे का टाइम आई डू थिंक एप्रोप्रिएट, एंड दैट वाज द मेन रीजन आई एम टेलिंग यू, जिसकी वजह से मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर बिठाया। अदर देन दैट अगर मैं क्लासेस का पॉइंट करूं तो बहुत सारे इसमें आधा पन्ना घंटा अपन लेट करके और 15-20 दिन आगे करके सब कर सकते थे, बट मेरा लॉजिक सिंपल है भाई, अगर अपन ने 8 बजे चालू किया, उसकी वजह से लास्ट के अगर 15 दिन तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी के टाइम मिलते हैं, दैट इज वेल इनफ, है ना। आपको ये अभी नहीं समझेगा, वो कब समझेगा? जब वो आपको 15 दिन मिलेंगे, ओके। और मेरे को नहीं लगता कि आधा घंटा एक्स्ट्रा सोने से तेरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था। तू वैसे ही 6 बजे उठ जाता था, 6:30 को उठ जाता था, उसके बाद तू बिस्तर पे बैठा रहता था और सोचता था कि आधा घंटा स्नूज ऑफ करके बैठ जाते हैं। हो सकता है एक्सेप्शनली कोई हो जो सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ रहा होगा, कोई ऐसा भी हो सकता है जो रात भर बैठ रहा है सुबह तक पढ़ रहा है, ठीक है, जिंदगी जाती है वैसे, ओके, जिसमें कोई डिबेट नहीं है। बट टू द एक्सटेंट 50-55 डेज की बात है मालिक, मॉर्निंग में उठ जाइए और सीधा क्लास को आ जाइए, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग थोड़ी मत करिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सर मैं बाद में नहीं देख सकता, मेरे को ये ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, देखने का ऑप्शन अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है मालिक यार, सब, अरे दुनिया भर के ऑप्शन आपकी जिंदगी में अवेलेबल है। प्रॉब्लम यही है कि अपन एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। अपनी जिंदगी स्टार्ट होती है, ओके, पर्टिकुलर एक ऑप्शन से, और फिर बाद में मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं एंड वी एंड अप, ओके, डूइंग नथिंग विथ मल्टीपल ऑप्शंस। तो जब अपने पास ऑप्शन है, हाँ भाई यार मेरे को वीडियो लेक्चर मैं घर पे बैठ के देख सकता हूं, मैं ये देख सकता हूं, वो देख सकता हूं, अरे वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन एक्सट्रीम केस में यूज करने चाहिए। तो राइट नाउ बी कंसिस्टेंट, फर्स्ट थिंग, ये चीज याद रखिए, क्योंकि अगर आपने मेरे को इतने दिन दिए, मेरी गारंटी तुम जिस दिन निकलोगे उस दिन आउटकम करते वक्त, ओके, तुम्हारा ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं, आपका 70-75% क्लास में रट जाएगा। और मैं वापस बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखिए, जब मैं बोल रहा हूं रट जाएगा, इसका मतलब मिठू पर जैसे नहीं रटेगा, अब्बा डब्बा चब्बा नहीं होगा तेरा, कॉन्सेप्चुअली रटेगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्यों है, क्या है, क्या नहीं है। अभी तक माइंडसेट जितने भी यहां पर बैठे होंगे सबका मेरे ख्याल से माइंडसेट एक ही होगा कि भाई ये पेपर टेक्निकल है, पहली चीज। दूसरा पेपर ये इस डब्बे का पेपर है, ये जो सबको डब्बा दिख रहा है, ओके, जिसको, अरे भाई कंप्यूटर वाला पॉइंट जिसके घर पे, मतलब हर जन के घर पे ऑलमोस्ट होगा भी आज के डेट में डब्बा, ओके, जिंदगी दिमाग खराब हो गया जिसको तुम पैर मारते, ओके, है कि नहीं डब्बा पैर मारने वाला? नहीं, लैपटॉप वाले लोग भी हो सकते हैं, तो उसको क्या मारेंगे, उसको तो सीधा पटकेंगे. But nevertheless, okay, let me be clear, okay, it is nothing to do with computer only. Paper is nothing to do with computer. तो आपका ये mindset है, okay, अपन एक घंटे भर में बात करेंगे क्या सीन है क्या नहीं है. पर पहला पॉइंट, अगर आप मेरे को सही तरह से दिन देते हो, okay, सही तरह से दिन देते हो मतलब ऑल टुगेदर आप बस एंश्योर करना कितने दिन की बात है. okay, एक ही चीज है प्रॉब्लम. देखो नींद आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो सामने वाला पका रहा है, ठीक है, वो गारंटी मेरे को मालूम है यार, मेरे को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो सामने वाला पकाएगा नहीं. तो फिर दूसरा कारण क्या नींद होने का, दूसरा कारण नींद आने का कारण होगा रात को नींद नहीं हुई. तो भाई 50-55 दिन की बात है, रात को अच्छे से सो जा, नेक्स्ट डे उठ, ओके भाई 8 बजे तू रेडी हो, 8 से बहुत तोड़ नेक्स्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा मालिक. तो पहली चीज ये दिमाग में रख ले. ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ मेनी डेज, 50-55 डेज, दैट्स इट. लॉजिक यही रख, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है. दूसरी चीज, ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप 2 पॉइंट, ओके बी क्लियर, when we are discussing about November attempt, okay, make it sure it's a November attempt. जब अपन वो attempt को हिलाते हैं, attempt को हिलाते मतलब समझ में आ रहा है, यानी अभी अपन जोश में चालू करते हैं, फिर बाद में कुछ कारणवश प्लस माइनस हो जाता है and attempt हिलता है. Okay, if you fix that clarity, then the things required hard work, and that second point comes is your hard work. हार्ड वर्क है, इसका मतलब मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि तेरे को मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई आज जाके घर पे जा और घर पे जाके ये भाई ये कर और उसके बाद आ, नहीं नहीं भाई तू सीधा क्लास में आ, बस तू मेरे को 150 आवर्स दे EIS SM के लिए, ओके 120 आवर्स दे अगर ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के लिए ये कॉन्सेप्ट लिए, तेरा क्लास में ये दोनों कॉन्सेप्ट रख जाएगा मालिक. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तू घर पे जा, तू ये चेक कर, जितना ये पॉइंट हो जाएगा. और मैंने सिर्फ अपने को खाली क्या करना होगा, जिस दिन क्लास खत्म हुआ, लॉजिक समझो, आज जो पढ़ाऊंगा, ओके ये हफ्ते के एंड तक या नेक्स्ट वीक के एंड तक आपका क्यूमुलेटिव रिवाइज होते ही जाना है. क्यूमुलेटिव रिवाइज मतलब यार जो आज पढ़ा है वो आगे वापस रिवीजन में आएगा, तो नेक्स्ट सैटरडे तक तो यार ये जो आज पढ़ा हुआ वो पूरा तोड़ रट जाएगा, क्योंकि तुमको उसको ही कितनी बार रिवाइज कर लिया, 7 बार. अब जब ये चीज होगी तो क्यूमुलेटिव होगा. अब इमेजिन करो जो लास्ट 4-5 दिन के लेक्चर होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो उसको, 4-5 दिन के लेक्चर होंगे लास्ट. अब वो 4-5 दिन के लेक्चर में ओके अब वो उसका रिवीजन तो कितना भी रहता उसका कट शॉट ही रहेगा, क्योंकि 4-5 दिन के बाद और 7 दिन तक रिवीजन कितना होगा उसका. तो इसका मतलब जो लास्ट 20% का पोर्शन रहता ना, 15-20% का पोर्शन, उसको अपने को जिस दिन क्लास खत्म हुआ अगर आप उसको इमीडिएटली रिवाइज करते हो, मतलब जैसे चैप्टर की बात करें, मैं बोल रहा हूँ ना 20% का पोर्शन ऐसा रहेगा जिसको आपको इमीडिएटली रिवाइज कर देना है, ओके आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. And that is what exactly second elements come into picture. दूसरा पॉइंट, दूसरा एलिमेंट जो आता है वो आपका वो आ जाता है मालिक. और तीसरी चीज सबसे बेसिक एलिमेंट में आप कवर कर लो. ओके जितना आप इंटरेक्टिव रहोगे उतना आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेरे को है ना वन वे कम्युनिकेशन झेपता नहीं. ओके वन वे कम्युनिकेशन का लॉजिक एकदम सिंपल है, मैं बड़बड़ करते जा रहा है, तुम्हारा कोई ये झेपेगा नहीं. ओके और ये झेपेगा नहीं मतलब इसकी टर्मिनोलॉजी एंड अदर थिंग्स अपन डिस्कस करेंगे, बट टू द एक्सटेंट ये 3 चीजें आप याद रखो. सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर कट है, कंसिस्टेंट रहो. दूसरा सिनेरियो, प्लीज हार्डवर्क पे फोकस करो, हार्डवर्क नवंबर 2023 निकलना है, हार्डवर्क पे फोकस करो, क्योंकि जब तक तुम ये विजन रखोगे ही नहीं तब तक आगे बढ़ोगे ही नहीं. और तीसरा सिनेरियो, ओके आग बंद करके प्लीज मतलब आप इंटरेक्टिव रहिए, बस और कुछ नहीं है. इंटरेक्टिव मतलब समझने की कोशिश करो. मैं 2 चीज आपको इंटरेक्टिव ओवर ए पीरियड समझाऊंगा. पहली चीज है कि आपसे कुछ सवाल पूछा, आप एटलीस्ट आंसर दो. और दूसरी चीज एकदम सिंपल है, ओके जब अपन रिवाइज करने की बात करें तो रिवाइज करो. सर आ गया है, बैठ गया दिमाग में, फिर भी रिवाइज कर. तेरे को याद रखना जरूरी है, मेरे को तो अच्छे से याद है, तो तेरा रिवीजन होना जरूरी है. तेरे को ऐसा लगेगा कि सर मेरा हो गया, अरे पर तू जितना रिवाइज करेगा उतना तेरे को आगे के लिए कम टाइम लगेगा. नाउ व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट EIS SM ओके एज ए थियरी पेपर, या मैं थियरी पेपर की बात करूं, बहुत बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट 200 मार्क्स पेपर, ओके 400 में से अपने को 200 ये निकालने का टारगेट सबसे टेक्निकल पॉइंट रहेगा. एक सेकेंड, किधर तो कोई कुछ गया होगा. नहीं ऐसा रोता है ना आदमी, कोई जाता है तो नहीं, ऐसे इतना खतरनाक रो रहा है तो बहुत दर्द बहुत जाता होगा. हाँ नहीं चिल्लम चिल्ले तो मैं भी करता हूँ, पर वो उसका आवाज. अबे चोमिया किधर है? ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, देखो 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पहले डिवाइड कर लेते हैं. कौन से 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है? पहला होता है रैंक होल्डर, ठीक है, और दूसरा होता है मास. we identify हम किस में है, हम रैंक होल्डर में है या मास में है? पहली चीज जो सिर्फ ग्रुप टू कर रहा है, यानी ग्रुप वन में दिया है, वो अपने आप को क्लियर डिफाइन कर दिया है, मैं कौन से इसमें हूं, मास में हूं। और जो दोनों ग्रुप नवंबर 23 में देने वाले हैं उनके लिए कैटेगरी ऐसी है कि दो एलिमेंट कवर होंगे, एक होगा रैंक होल्डर का कैटेगरी और एक होगा मास का कैटेगरी। और मैं वापस यहां अपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक होल्डर एंड मास, ये पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करते हैं। रैंक होल्डर की जब बात करें, ओके, याद रखना रैंक होल्डर का जो टारगेट है, मतलब अपन जितना जो मार्क्स है ना, वो जितने मार्क्स का अटेम्प्ट करता है, रैंक होल्डर को उतने मार्क्स आते हैं। तो समझने कोशिश करो एकदम आराम से, 800 है, 800 मार्क्स का पेपर है अपना, 600 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, ओके, फिर अपन पास होने की कोशिश करते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, मार्क्स, ओके। रैंक होल्डर का टोटल कितना आता है, 600 रैंक होल्डर का। अरे और इसे बुरा मानना या सही मानना ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, आपका काहे के लिए फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है ना भाई, तू रैंक होल्डर तो है भाई, मैं मास हूं तो मैं मास हूं, और मैं मास हूं तो मास हूं, ठीक है, मैं रैंक होल्डर हूं। हर जन का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन पॉइंट समझो लॉजिक क्या है। रैंक होल्डर वैसे भी रैंक लाना है, वो क्लास करे नहीं करे भाई, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आएगा, रैंक पॉजिटिव आएगा, तुम समझ में करो, ओके। जो बिल्ड, अरे भाई उसका सिस्टम वैसा बना हुआ है, उसका भाई उसका उसका वैसा है, प्रॉब्लम है मास की। अब क्वेश्चन है सर मास कैसे आइडेंटिफाई करें, जैसे पहले तो भाई ने बता दिया कि भाई लॉजिक ये है कि भाई सबसे पहला बेसिक लॉजिक ये है, जिसका टोटल मतलब अपना ग्रुप का टोटल, मैं खाली ग्रुप टू की बात कर रहा हूं, जैसे मास आ गया तो मैं ग्रुप टू में आ गया, ग्रुप टू की बात करें, ग्रुप टू का टोटल कितना है, 400, और मास का टारगेट है 200, 200 में से एक मार्क भी मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा मिला किसी और गरीब को दे, वो निकलेगा, दैट इज कॉल्ड विच कैटेगरी, मास कैटेगरी। जब मैं मास कैटेगरी की बात करूंगा, ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, मास कैटेगरी बात कर रहा हूं, 200 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट ये की है कि 40 पर पेपर 40 निकालना इज नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग डील। प्रॉब्लम किधर है, वो टोटल का, और टोटल में लगी बड़ी होती है। अब उसमें भी अलग अलग कैलिबर वाले बंदे रहेंगे, कोई बोलेगा सर अपने को प्रैक्टिकल बहुत भारी जमता है, बस इमोशन अटक गया है विनोद सर के साथ, तो कॉस्टिंग नहीं, प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल अपने को प्रैक्टिकल बहुत भारी आता है, हो सकता है कोई बोलेगा सर प्रैक्टिकल स्टार्ट किधर करना मालूम नहीं पड़ रहा, एक बार कोई डो बना दे फिर तो मैं भर दूंगा फिगर, नहीं ऐसे भी कैटेगरी है भाई, मालूम है ना, क्वेश्चन दिखने के बाद मालूम नहीं पड़ता पहली कौन सी लाइन मारू, ओके, वो सोच रहा है भाई ये पहली लाइन या ये पहली, नहीं रुक नहीं, ये इधर बना दी, ओ माय गॉड, ऐसा भी कैटेगरी है, व्हाटएवर प्रैक्टिकल का सिनेरियो। एक है जिसको प्रैक्टिकल बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, तोड़ बैठा हुआ है, जिसको लगता है भाई प्रैक्टिकल ही जिंदगी है, थियरी तो भाई बेवकूफ है, ऐसा है। और एक बंदा है जिसको प्रैक्टिकल झेलता नहीं है, जिसको थियरी झेलती है, जिसको लगता है भाई थियरी भाई मेरे को बचा लेगी, जो प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूट का पेपर जब आता है ना, ओके, तुझे क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखती इंस्टीट्यूट, जब तेरे को पेपर देगी ऐसा नहीं पूछेगी तेरे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, अच्छा कॉस्टिंग, अच्छा तेरे को इजी वाला पेपर ये ले भाई कॉस्टिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता। इंस्टीट्यूट का अपना डिफिकल्टी लेवल रहता है, इंस्टीट्यूट का अपना एक फॉर्मेट रहता है, इंस्टीट्यूट की अपनी एक चीजें रहती है, अपने को सिर्फ उसको सॉर्ट आउट करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए, मतलब लॉजिक है आपका, वो प्रैक्टिकल पेपर है या थियरी पेपर है, मेरी गारंटी ये थियरी पेपर मां कसम तोड़ कर दूंगा, गारंटी मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई यार ये पेपर में 60 निकालना इज नॉट ए बिग डील, दैट फॉर श्योर। बस सिर्फ ये सिनेरियो है कि सर 40 आराम से निकलता, 60 थोड़ा हार्डवर्क के बाद निकलता। प्रॉब्लम ये या डिस्कशन पॉइंट ये है, ये 60 जो निकालने के लिए टाइम जाएगा आपका, ये कितना जाएगा। तो अगर डिस्कशन कम्स लाइक दिस, अगर आपका क्लास बरोबर होता है, आप ये जो नंबर ऑफ डेज मुझे बरोबर देते हो, इसके बाद जब रिवीजन के लिए टाइम जाएगा ना, वो रिलेटिवली कम टाइम जाएगा जहां पर अपन फोकस करते हैं। यानी लॉजिकली अगर शायद आपने कहीं पर वर्डिंग सुनी होगी, इनपुट एंड आउटपुट, आपको अगर इनपुट देना है, ओके, बिना इनपुट के तो आउटपुट नहीं निकलता, चिपने की कोशिश करो, लेकिन अगर इनपुट दिया, इनपुट आप कितना दोगे उसके हिसाब से आउटपुट निकलेगा। एंड यहां पर मेरी कहानी जो आ रही है वो इस पॉइंट पर आ रही है, इनपुट आप कितना दोगे, एंड इनपुट नॉट इन नंबर ऑफ, ओके, ऐसे इनपुट नहीं कि सर मैं 60 मार्क दूंगा इधर 60 मार्क आएगा, इनपुट इन नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स, ये आवर्स कितने दोगे इसी के ऊपर अपना डिस्कशन आएगा। तो आपको मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस दिन क्लास खत्म हो जाती है ये जो आपका नंबर ऑफ आवर्स रहेगा ना, ये रिलेटिवली बहुत कम रहेगा टू स्कोर 60। एक बार वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ, उसके बाद जो टाइम जाएगा ना वो रिलेटिवली बहुत कम टाइम जाएगा। तो सर ये क्यों चाहिए? रीजन सिंपल है, जो लास्ट के आपके 2-2.5 महीने 3 महीने जो बचेंगे उसमें जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ने बैठोगे, ओके भाई आपको 4 सब्जेक्ट का सिलेबस या 8 सब्जेक्ट का सिलेबस मैनेज करना है। और जब 8 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का सिलेबस मैनेज करना होगा, कोई एक सब्जेक्ट को, और याद रखना वो क्लास के बिना मैनेज करोगे, आप खुद बैठ के मैनेज करोगे। उस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम जा रहा है, आपकी कुछ प्लानिंग हो सकती है, वो प्लानिंग में प्लस माइनस हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी। ओके भाई उस टाइम पे वो सारा एडजस्टमेंट कौन ले सकते हैं? ये थियरी सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं भाई। EIS SM भी ले सकता है, ऑडिट भी ले सकता है। यानी EIS SM और ऑडिट को थोड़ा कोने में डाल के आपको टाइम दूसरे सब्जेक्ट में लगा जा सकता है, और उसको वो हो भी जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कोने में डाल दिया, कोने में डालने के बाद वो सब्जेक्ट हो भी जाएगा। दिस इज व्हाट ए कंटेक्स्ट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। तो ये थियरी का सबसे बड़ा तोड़ फायदा होता है। ओके, अब एक सब्जेक्ट की बात करें, पहला सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज कॉल्ड EIS। अगेन अगर आपके 4 पेपर आपको मालूम होंगे, 4 पेपर कौन से है? 4 पेपर EIS SM पहला पेपर है। वाह बढ़िया बढ़िया, पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस लेवल पे जाएगा तू, ग्रुप 1 में तू नीचे के लेवल पे था, ग्रुप 2 में एडवांस। अकाउंटिंग जो तूने पढ़ा हुआ है ग्रुप 2 में एडवांस पड़ेगा। ओके, दूसरा पेपर आपका है ऑडिट, तीसरा पेपर EIS SM एंड चौथा पेपर FM एंड इको। जब ये 4 पेपर की बात कर रहे हैं, 4 पेपर के कंटेक्स्ट में जो कि अपन बात कर रहे हैं 7वें पेपर की। अभी 7वें पेपर में जो आपका कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड EIS SM। EIS SM का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी एक पेपर नहीं है, जैसे आपको ग्रुप 1 में भी 1-2 जुड़वा भाई मिले थे, DT एंड IDT। ओके, तो आपको ऐसे 2 भाई मिले थे, 2 भाई ऐसा बहुत ऐसे बहुत भाई की अपनी ऐसे समानताएं थी। DT IDT ऐसा है। ओके, इसकी भी अपनी एक समानता है। ओके, जैसा नहीं है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ अलग है, लेकिन इसमें से एक भाई ओके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करने के पीछे लगा हुआ है। ओके तो अगर बात करें तो हो सकता है इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट होने के बाद हो सकता है ये बैच भावपूर्ण श्रद्धांजलि बैच बन जाए। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर भाई सिलेबस का नया सिलेबस आ जाता तो अगले आइटम में तो वैसे ही कहानी खत्म है, SM की नहीं। तो इसमें से एक भाई जा रहा है। ओके वो तुम्हें मिलेगा, ओके वो मिलेगा, फाइनल मिलेगा। फाइनल के हर सब्जेक्ट इसमें 1-1 चैप्टर घुसेड़ दिया है। तो यह छोड़ रहा नहीं है, बोल रहा मैं मिल रहा हूं लेकिन बाद में अलग अलग। ऐसा अभी साथ में मिल रहा है ना, गुच्छे में मिल रहा है। तो वो बोल रहा है 50 मार्क में तेरा एक ऐसा एक सब्जेक्ट में 5 मार्क, एक सब्जेक्ट में 5 मार्क, इस तरह से तेरे को CA फाइनल में मिलेगा। यानी अगर आप नवंबर 23 दे रहे हो, 99.99999% है कि आपका CA फाइनल तो न्यू सिलेबस में आने वाला है। मैं 100 भी बोल सकता था लेकिन मेरे को इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं। लेकिन लॉजिकली जब आपका नया सिलेबस आएगा तो नया सिलेबस में, तो नया सिलेबस की जो बात करें तो ऑल टुगेदर उसमें अपने लिए यानी आपके लिए ये सब्जेक्ट रिपीटेटिव है, आपके लिए सब्जेक्ट रिपीटेटिव है, क्योंकि आपको इधर पढ़ना है वापस CA फाइनल में। CA फाइनल में एक सब्जेक्ट नहीं है, CA फाइनल में हर सब्जेक्ट में 1 चैप्टर है। तो इधर के कुछ चैप्टर मैं बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर उधर चले गए हैं। ओके FR में कौन सा चैप्टर मिलेगा, अकाउंट्स में, मतलब ऐसा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये मेंटली दिमाग में डालो कि वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड लेट डिस्कस फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन दैट। तो सबसे पहला आज के लेक्चर में क्या चाहिए, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या चीजें होती है, कैसे जाना है। यानी जो बैलेंस 55 डेज अपने को निकालना है, 55 डेज के बीच का जितना निकालना है वो आपको किस फॉर्मेट में करना है उसके ऊपर डिस्कशन है। बस आप खाली ये समझ लीजिए कि वो मेरे ऑरा को बिठाइए। और कैसा होता है, कुछ मतलब बहुत सारे जन मेरे को जानते ही है, वैसे मतलब ऑलमोस्ट देखा होगा, मेरे को कहीं ना कहीं देखा होगा। कुछ तो मेरे लेक्चर बैठे, कुछ जानते होंगे। ओके विनोद सर के इसमें मिला होगा कभी, मतलब ऐसा है। मैं धींगा मस्ती वाला आदमी हूँ, मेरी जिंदगी वैसी ही चली हुई है ना, अपने को जिंदगी से कोई टेंशन है ना, जिंदगी से डर है। ओके सारी चीज का एक ही एस्पेक्ट है। ओके अपनी एक ही चीज पे ध्यान रखना, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी है ना स्लैंग है, लैंग्वेज स्लैंग है। इसका मतलब क्या है मालिक, मतलब एब्यूसिव नहीं है, गाली नहीं देता मतलब तुम्हारे सामने, मतलब भाई पीछे तो मैं जो चाहिए वो क्या है, पर तुम्हारे सामने भाई उतना रिस्पेक्ट है, गाली नहीं है। ये गाली नहीं है मालिक, ये क्या है, खाली स्लैंग। स्लैंग मतलब समझ में आ रहा है तुमको, ऐसा टपोरी। ओके, हाँ ऐसा भाई टपोरी ओ भाई क्या ओके, ऐसे थोड़ी सी लैंग्वेज स्लैंग है। तो सर क्या पहला क्वेश्चन आता है, सर क्या आप फिर सीए हो? गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट माय हार्ट, योर क्वेश्चन हर्ट माय किडनी। ओके सर क्या सीए हो? आंसर इज यस, सीए है। सर क्या सीए हो? नहीं नहीं, सीएस भी है। ओके बीकॉम भी है। ओके उसके साथ में मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज अपने पास 8 डिग्री होल्डिंग है। ओके आई एम करंटली होल्डिंग 8 डिग्रीज ओके और 9 डिग्री और एक वो इंटरमीडिएट है सीएमए का। तो उसके बाद तो फिर वो सीएमए के इंटर के बाद मेरे को इसमें जोशी नहीं आया, आईटी में घुस गया। टेक्नोलॉजी वाला एक पेपर था उसके कंटेक्स में घुस गया, तो उसमें मेरे को समझ में आया पैसा बहुत ज्यादा है भाई। लॉजिक तो सिंपल है ना भाई, लक्ष्मी माता मैटर्स। हाँ क्या नहीं नहीं भाई, लॉजिक एकदम सिंपल। मतलब यार जब मैं सीए बना, मेरे को बताओ तो इधर क्या तुम लोग क्या सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए बैठे हो गया? हाँ नहीं, सेक्शन 8 बीसीसीआई जैसा खोलो। हाँ हाँ हाँ, अगर कंपनी खोलनी है सेक्शन 8 किसके जैसी चाहिए? बीसीसीआई। फिर आप बहुत बहुत चिल हो, लेकिन अदर देन दैट सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए थोड़ा ना कोई बैठा है यार। एवरीबॉडी इज हैविंग इट्स ओन परसेप्शन। सब लोग जाके भाई सीए बनेंगे, अर्न करेंगे, अर्न करना यही ऑब्जेक्टिव है। एंड लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव यही है, कमाओ उड़ाओ, कमाओ उड़ाओ, कमाओ उड़ाओ, यही तो करना है भाई लाइफ में, और क्या करना है? ओके नहीं नहीं, कोई कोई अलग लोग रहेंगे, आपको मिलेंगे शाम को एक आदमी मिलेगा, वो बोलेगा कमाओ बचाओ, कमाओ बचाओ, कमाओ बचाओ, और तुम चले जाओ। आपको 2 तरह के आदमी मिलने वाले हैं, एक सुबह मिल रहा है वो अलग बताएगा, और रात को जो मिलेगा वो अलग बताएगा। सुबह मिलने वाला बोलेगा कमा उड़ा, और शाम को मिलेगा नहीं नहीं कमा बचा, बचने के बाद उसपे पैसे आएंगे, फिर और बचेगा उसपे और पैसे आएंगे, फिर और पैसे आएंगे, और एक दिन तुम आ जाएगा। फिर वो पैसे किसके काम के? आगे की जनरेशन के लिए। तो उसको कमाने के लिए रहने देना, मेरा लॉजिक लगा कमा उड़ा। सर आगे की जनरेशन का वो कमाएगा, जिसको कमाना उड़ाना वो कमाए भाई, लॉजिक अपना सिंपल है। तो पहला पॉइंट है ना, मेरी लैंग्वेज स्लैंग है, मेरी ऐसे पॉइंट है। और डेफिनेटली आई एम वेरी क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, नॉट ओनली क्वालिफाइड, आई एम हाईली क्वालिफाइड। बस द ओनली थिंग इज मेरे ना लैंग्वेज में स्लैंग होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी ना किसी को ऐसा लगता है कि सर आप इज्जत नहीं दे रहे, आप है ना हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ओके ये लग जाता है क्या समझेगा तेरे को बोलो मेरे को। हाँ आज तक मेरे बापू ने मेरे को तेरे को नहीं बोला। कभी कभी कुछ चीजें पहली बार होती है भामू, वैसा कॉन्सेप्ट है भाई। कोई टेंशन नहीं है सर, मैं बहुत तोड़ इज्जत देता हूँ हर इंसान को, आई रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। द ओनली थिंग इज जब मैं अपने औरा में आ जाता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। और तेरे को बोला तो भाई इसको ऐसा तुमने अलग से नहीं लेना, समझ में आ रहा है? तुमने उसको फैक्टर है हाँ भाई ओके यार दोस्त है अपना, पंटर है, बात कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यानी अपने को मालूम है ना वो क्राइम पेट्रोल को एपिसोड नहीं बनाना है। क्राइम पेट्रोल में मालूम पड़ा एक एपिसोड आ गया ओके भाई यार, पूना में एक प्रोफेसर की हत्या, एक स्टूडेंट को तेरे को बोला, और एक्चुअली हो रहे लग गया। मतलब मैंने देखे एपिसोड ऐसे जिसमें स्टूडेंट मतलब दिल्ली में ऐसा हुआ था, एक प्रोफेसर ने एक प्रोफेसर ने ना स्टूडेंट को है ना पढ़ने के लिए बोला, स्टूडेंट फिर भी पढ़ नहीं रहा था, स्टूडेंट अपनी जिंदगी जी रहा था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिर उसके वो टीचर ने ना उसके पेरेंट्स को बोल दिया, एंड माँ कसम टीचर ने उसको भगवान के पास ही पहुंचा दिया। मतलब वो बच्चे लोग ने टीचर को, तब से मैंने डिसाइड किया कुछ नहीं मत पढ़ो, जो करना है करो। तो टू बी वेरी प्रिसाइज मैं कहना चाहता हूँ, आप कहीं पर भी अगर मेरा टर्मिनोलॉजी आया, मेरा डिस्कशन में आया ओके आप ये समझिए लैंग्वेज स्लैंग है, लेकिन ये बेइज्जती नहीं है, इनहेरेंट है। और आप बोलोगे सर आप लैंग्वेज चेंज करो, मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है। ओके देखो पहले बचपन में मम्मी पापा ने जब बॉर्न मतलब लाया इस दुनिया में, जब उन्होंने दिखाया, अभी ये महीना मेरा मतलब बॉर्न बर्थडे मंथ है, तो भाई का बर्थडे है ठीक है। तो अब सिनारियो ऐसा है, जब उन्होंने लाया उनको लगा बहुत हीरा लेके आया इस दुनिया में। तो जिस दिन मतलब उनको लगा था सब सभ्य आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, अच्छी बोलचाल रखेगा, मतलब पापा मम्मी की अच्छी बोलचाल है, समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े हुए, फिर आप जैसे आपके दोस्त मिले वैसे मेरे भी दोस्त मिले। तो मेरे एक दोस्त मिले, मतलब मेरा जो ग्रुप रहा वो थोड़ा सा मुंबई का टपोरी ग्रुप रहा। कॉलेज की बात रही, कॉलेज में मिले, टपोरी ग्रुप मिला। अभी क्या करेंगे, जिस ग्रुप में रहे तो वैसे बनना पड़ता है, या तो मैं उनको चेंज करता था या तो उन्होंने मुझे चेंज करना। दोनों में से बेटर ऑप्शन मेरे को लगा मैं चेंज हो जाऊं, हो गए। और उसके बाद से मेरी बीवी मेरी लैंग्वेज को बदल नहीं सकी, मेरे बच्चे ये लैंग्वेज को बदल नहीं सके। मतलब जिसमें से मेरी डॉटर एक 12 साल की है, और दूसरा आदित्य मतलब मेरा बेटा, वो तो बोनस रिचार्ज है, मतलब वो तो अभी हुआ है 4 साल पहले। पर ठीक है, बट ये लोग मुझे बदल नहीं सके। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, ये चीज चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो बस आपको ये मैं समझा रहा हूं कि कहीं पर भी मैं आपको बेइज्जती या मैं मेरे शब्दों में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। मेरा बेइज्जती करने मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं बेइज्जती कर रहा, पर आप वो फीलिंग मत लेना। मतलब इसका मतलब आपको ऐसा समझ लेना कि भाई तेरे को बोला, तू बोला, झंपा बोला, ओके बेवड़ा बोला, मतलब कुछ भी, अरे क्या मालूम जब निकलेगा तो निकलेगा, गाली नहीं निकलेगी अनलेस अनटिल एक्सट्रीम तू कुछ बैंड ना बजा दे मेरी, पर गाली नहीं निकलेगी भाई, गाली नहीं निकलती तो बस खत्म है। तो भाई यार ये इमोशनल वाइज मत लेना। और इसका मतलब मैं बेवड़े को प्रमोट कर रहा ऐसा भी नहीं है, ओके, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कुछ, तुम्हारे जो किसी की मैं हालत देख के मतलब है भाई अपने किधर हाँ ऐसा ऐसा भी मतलब मैं ना ऐसे ये समझ रहा हूँ ना मैं किसकी बात कर रहा, कोई हो सकता है चरसी हो, गांजेडी हो, ऐसा कभी कभी होता है मेरे मुझसे, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन क्लियर है। आई डोंट प्रमोट दिस एट ऑल, आई एम अगेंस्ट दैट, लेकिन शब्द तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि भाई सर ये बेइज्जती नहीं है ना कुछ है, ओके ये अपने अपने जैसा मैं टर्मिनोलॉजी में जाता हूँ वैसे फॉर्मेट में जाता है मालिक। तो आप ये ध्यान रखना भाई कहीं पर भी, क्योंकि किसी ने इसको अलग वे से ले लिया। बहुत बार ऐसे वर्चुअल पे कोई कोई कमेंट करता है सर, और ये आता है वैसे वर्चुअल के कमेंट्स में ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मतलब जो चोमू कमेंट्स होते हैं, ओके तो मैं ध्यान रखता हूँ, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ सीरियसली। और इसके लिए ना मैं, जब तुम मेरे को पहले दिन से समझ रहे हो, पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, यूजुअली जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ या फ्लाइट में जाता हूँ, यूजुअली आई टेक वन पर्सन अलोंग विथ मी। इट्स ओनली बिकॉज कभी कभी मैं बड़बड़ करता हूँ, सामने वाला सोचता है ये बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि अपन ऐसा तूता करके बात करते हैं ना, तूता करके बात करते हैं, सामने वाले को लगता है भाई यार एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है, क्या बात कर रहा है तू, मतलब वो भी तो ऐसे बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो सर आप। अरे फिर मैं बोला अरे तू देख ना भाई, अभी वो बोला तो उसको वो चालू हो जाता है, तो फिर एक पर्सन रहता है मेरे साथ वही बात करता है। तो यूजुअली आई एंश्योर, तो बट आप लोग ये पहले दिन समझ लो, कहीं पर भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता, बस ये लैंग्वेज मेरी ऐसी है एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट। एंड मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आप बोलोगे इसको चेंज नामुमकिन, ओके दुनिया की इधर उधर हो जाए, ओके लैंग्वेज चेंज नहीं होती भाई अपनी, ये क्लियर कट है, ओके भारत माता की जय। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप थोड़ा टेक्निकली समझिए, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तीन अलग अलग शब्द आपके लिए आ रहे हैं, तीन अलग अलग शब्द आ रहे हैं, ओके मैं सबसे पहले बेसिक ये एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और एसएम, ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट लिंकेज में आपको अपडेट कर दूं। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन फॉर्मेट कैसे करेंगे, सर कैसे पढ़ने वाले हैं, कितनी बुक्स है, क्या लिखने वाले हैं, क्या नहीं, क्या करने वाला है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये फॉर्मेट। पर पहले एक बार बैकग्राउंड पूरा अपन ओके सब्जेक्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मेरी सारी आत्माओं, ओके और याद रखना आत्माओं बोला मैंने, मालिक बोला तो मालिक मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब समझा क्या मालिक, तो मालिक बोला मतलब आपको, आप इधर ढूंढना मत, मां कसम मालिक मतलब क्या, साईं बाबा किधर है, मतलब बोलता ना वो भगवान को, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं मालिक, ओके भाई कस्टमर गॉड है, समझ में आ रहा है, तो मालिक समझा क्या। तो तीन शब्द पहले वाले सब्जेक्ट में कौन से है, इंफॉर्मेशन है, कौन था इंफॉर्मेशन, किसी ने तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ही स्टार्ट किया है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओह माय गॉड इट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज मतलब क्या, ओके इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ये दो को अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन समझ लेते हैं सिस्टम मतलब क्या, ओके ये पेपर कितने मार्क्स का है क्या है सब बाद में बता रहा, पहले पेपर समझ ले। सिस्टम, सारी आत्मा इधर, सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम मतलब ओके कान खुले, डेफिनेशन बता रहा जो रटने वाला है और आपके बुक का है। सिस्टम मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, वापस चाहिए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, ऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल, टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। तो मेरे को वापस चाहिए सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम का डेफिनेशन आराम से जाना, सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इट इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, वापस 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 सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय करे, ओके हाँ या ना, पहले डेफिनेशन वापस वापस रिपीट करके बताइए, डेफिनेशन क्या रहेगा, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय, ध्यान दे पहला पॉइंट, पहला वापस पहला नाम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट मतलब इनपुट्स, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। मतलब क्या है मालिक? इनपुट, ऑपरेटिंग, प्रोसेसिंग, 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 ऑपरेटिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कलेक्टिवली? साथ में प्रोसेस कर रहे, साथ में काम कर रहे हैं टू अकम्प्लिश। मतलब क्या? आउटपुट। यानी एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इट टेक्स इनपुट, परफॉर्म प्रोसेस एंड डिलीवर आउटपुट इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज मालिक, कोई भी चीज मालिक, कोई भी चीज जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और क्या देती है? आउटपुट। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो भारत माता की जय। वापस मुझे चाहिए सिस्टम का डेफिनेशन। सिस्टम का डेफिनेशन, कान खोले एवरीवन। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश। अरे हाँ या ना एवरीबडी? तो सिस्टम में तीन चीजें होती है मालिक। तीन चीजें क्या होती है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। टेक्निकली समझते, टेक्निकली समझते हुए। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, बेंच जिसपे आप बैठे हो ये भी एक सिस्टम है। प्रैक्टिकली सोचो, डोंट यू थिंक दीज आर सेट ऑफ इंटरलेट कंपोनेंट्स? ओके, लकड़ा होगा, स्टील होगा, ओके, सारे स्क्रूज होंगे, सेट ऑफ इंटरलेट कंपोनेंट। दे आर ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, दे आर ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल, बैठने का। मोटर बाइक, इज मोटर बाइक ए सिस्टम? व्हाई? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल, टू राइड। अब ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये बिल्डिंग सिस्टम है? क्योंकि ये भी तो मल्टीपल कंपोनेंट से बना है। कलेक्ट, ऑपरेटिंग कलेक्टिवली एंड टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय। समझा के रहे मालिक? तो एनीथिंग विच इज क्या क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? समझ? डेफिनेशन, बुक डेफिनेशन बताया मैंने, कोई मेरा डेफिनेशन नहीं बताया, बुक डेफिनेशन है। तो प्रैक्टिकली समझिए, मेरा क्वेश्चन है क्या कंप्यूटर सिस्टम है? कैसे? इंटरलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय। झेप रहे क्या? हाँ या ना? तो मेरा स्टेटमेंट आप उसको आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मालिक। एवरी कंप्यूटर इज अ सिस्टम और एवरी सिस्टम इज अ कंप्यूटर। एवरी पक्का? एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर नहीं आएगा। एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम, बहुत बड़ा वर्ड है, रेदर देन कंप्यूटर। सिस्टम इज मच लार्जर देन, मतलब मच लार्जर कॉन्सेप्ट देन कंप्यूटर। लेट डिस्कस, ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग ए सिस्टम? यस। ओके, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय। झिबरा के मालिक। तो भाई यार, सिस्टम मतलब कंप्यूटर से बाहर आओ। पहली चीज आप ये ध्यान में रखो, वी आर नॉट स्टडिंग कंप्यूटर हियर। आप इधर कंप्यूटर के लिए नहीं आए हो, ओके, आप सिस्टम के लिए आए हो, सिस्टम के लिए। तो मेरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जा रहे हैं, आप हाँ या ना में बताइए मालिक। सबसे पहला, क्या ह्यूमन बीइंग सिस्टम है? ओके, क्या टेबल सिस्टम है? क्या मोटर बाइक सिस्टम है? क्या ये बिल्डिंग सिस्टम है? क्या ये कैमरा सिस्टम है? क्या ये टीवी सिस्टम है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सिस्टम। आप किसी भी बात करो, किसी भी चीज की बात करो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए सिस्टम। ओके, यानी टेक्निकली बात करें, इवन ए कंप्यूटर इज सिस्टम, बट एवरी सिस्टम इज नॉट ए। अगर आपका कहना ऐसा हो रहा है कि सर एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर, सारी आत्मा गड़बड़ कर दोगे, आप और मैं कंप्यूटर बन जाएंगे। आप और मैं सिस्टम है लेकिन आप और मैं कंप्यूटर नहीं है। अब साला ये तो दिमाग खराब हो गया मालिक। अब यार ये तो पहले लग रहा था साला अपना सिलेबस खाली कंप्यूटर है, अभी जैसे ही आपने बोला अरे कंप्यूटर से बाहर है, और आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी, तो इसका मतलब अपना सिस्टम, अपना सिलेबस क्या है? कंप्यूटर है या सिस्टम है? एंड सिस्टम में कितनी सारी चीजें, तू, मैं, बेंच, डब्बा, अरे जो चाहिए वो। यार अरे मां कसम, पहले तो सोचा था सिलेबस खाली एक डब्बा है, अपने तो सिलेबस सारी चीजें हो गई। ओके, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी सिलेबस को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब हमारे लिए सारे सिस्टम नहीं है बेटा, हमारे लिए अगला वर्ड ले, हमको ये सिस्टम ही पढ़ना है खाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम। गेट दिस कॉन्सेप्ट करेक्टली मालिक। आवर सिलेबस इज नॉट ओनली ऑल सिस्टम, आवर सिलेबस इज अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भारत माता की जय। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मतलब क्या? डेटा। ओके, किसी ने शब्द यूज किया डेटा। डेटा इज इंफॉर्मेशन। इज डेटा इंफॉर्मेशन है? प्रोसेस डेटा, मैडम का एक आंसर है प्रोसेस डेटा। डेटा, प्रोसेस डेटा मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब प्रोसेस बाद में लगो चलेगा मैडम, डेटा विच इज प्रोसेस, चलेगा ना? ठीक है, पिटाई हो रही है। प्रोसेस डेटा, ओके, इज डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। स्क्रीन पे मैंने कुछ बनाया है, ओके, देखो डेटा प्रोसेस। मैं जानता हूं मेरी राइटिंग विनोद सर जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको वो राइटिंग देखने की आदत है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द रियलिटी, आप समझ रहे हो? ओके, ये रियलिटी है, राइटिंग ऐसी होती है। ओके, रीडेबल है, रीडेबल है, रीडेबल है, मैं वही बता रहा हूँ। अगर कुछ इंक्रिप्टेड में लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, डॉक्टर नहीं होता ये, इंक्रिप्टेड होता है। डॉक्टर के लिए और स्किल चाहिए, डॉक्टर के लिए खत्म, वो स्किल्स अलग है। अपनी स्किल कॉमर्स की स्किल है, ओके, तो कॉमर्स में थोड़ा सा टेक्निकल जार्गन डाला, व्हाटएवर, पर रीडेबल है। तो राइटिंग के लिए आप थोड़ा टाइम, मतलब ऐसा आपको रीडेबल राइटिंग मिलेगी, अच्छी राइटिंग है ये, ओके, बस देखने का नजरिया चेंज करना होगा। बस आपको मेरे नजर से आपको देखना होगा। अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो आपको सब ओह माय गॉड, वाओ मैन, सो क्यूट यार। क्यूट शब्द का मतलब अलग है, बताता बाद में। अगर पता है, गुड, अच्छा है, पता है, पता है, पता है, बढ़िया है, अच्छा है, पता है। सबको नहीं पता होगा, डोंट वरी, आएगा, शब्द लाना पड़ता है। इमोशन के साथ क्यूट आया तो मजा आता है, बट नेवरदिलेस, ओके, मेरा सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर करो, ओके, अपने सिलेबस में इंफॉर्मेशन शब्द को कैसे डिस्कस करेंगे। आपने बोला डेट, मतलब मैंने बोला, किसी ने बोला डेटा, ओके, मैडम ने बोला प्रोसेस। अब सवाल ये आया, प्रोसेस डेटा इज इंफॉर्मेशन? डू यू थिंक प्रोसेस डेटा इज इंफॉर्मेशन मालिक? कि थोड़ा और, एक जन बोला कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, भाई साहब ने बोला कलेक्शन ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन, ओके, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा करने का, ओके, डेटा को कलेक्ट करने का, और वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा कि उसको प्रोसेस करना। यूजफुल डेटा, नया शब्द है भाई, किसने दिया? यूजफुल डेटा, ओ माय गॉड कार्तिक, यूजफुल डेटा, यूजफुल डेटा। तो मैम यूजफुल को अपन एक शब्द से शिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट डेटा, ओके। अब यहां पर ये टेक्निकली समझने का शुरू, और बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ओके, सारी आत्मा मेरे साथ, ओके। जब मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ओके, थोड़ा प्रिसाइजली मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, ओके। एक थोड़ा पैर का लगा पड़ा है, मेनिस्कस टियर, लिगामेंट टियर था ना, लिगामेंट टियर, तो मेनिस्कस, मेनिस्कस है, लिगामेंट का एक और एक हिस्सा है मेनिस्कस, तो घुटने का एक टियर है। तो थोड़ा सा मेरे को बैठ के और परमिशन कॉम्बिनेशन है, बट मेरी आवाज एकदम तोड़ है, ओके। अपर बॉडी डांस भी कर सकते हैं, आपने नोट किया होगा, तो अपन एकदम ऐसा है, तो पैर है, व्हाटएवर वो आगे ऑपरेट क्या करना है, कैसे करना है, वो उसकी उसकी जिंदगी जाने, मतलब मेरा पैर जाने, अपन अपनी जिंदगी तोड़ जीते हैं। तो सीन ऐसा है, थोड़ा सा कभी कभी बैठने का कार्यक्रम हो जाता है मालिक, ओके। तो मेरे ख्याल से सब लोग को दिख रहा हूँ ना मैं, है ना? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहे थे तो भाई नीचे कलते तकिया लगा, तकिया लगा, सलून में जाते हैं ना अपन, कांच में नहीं दिख रहा है, तकिया बैठा था वो लगा था, हाँ। तो मेरे भाई और बहन, अच्छा तकिया भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी, मैं बोलता हूँ विनोद सर को, ओके, तकिया लगेगा, शॉल लगेगी, ऐसा सब मिक्स मैच चीजें लगने वाली अपने को ओवर ए पीरियड। तो आप मेरे को बताओ इंफॉर्मेशन और डेटा क्या फर्क? कहानी सुनिए, कान खुले और दिमाग मतलब क्लियर रखिए। और मैं बोल रहा हूं, आप ये पहले चीजें क्लियर कर लिए, आपको पढ़ना क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। अनलेस अनटिल यू डोंट हैव ए विजन और इंटेंट, इट इज ऑफ नो यूज गोइंग हेड। नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग ए डेटा एंड इंफॉर्मेशन, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज 2 वर्ड्स। एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, ओके, इधर उधर मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। डेटा विच इज प्रोसेस, डेटा विच इज process and relevant, that is called information. Let me give an idea, okay, relevant data which is process and क्या बोला मैंने और एक word relevant, okay, that is called information. सारी आत्मा मेरे साथ रही है। जब मैं डेटा की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझिए, और टेक्निकली समझिए मतलब एग्जांपल के साथ समझिए, ओके। मैं जब डेटा की बात कर रहा हूं, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, मेरे ख्याल से अकाउंटिंग सबको मालूम है, ट्रायल बैलेंस और लेजर। और मैं आपको बोला पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे, अब मेरे को बताओ पीएनएल बैलेंस शीट क्या हुआ मेरे लिए? इंफॉर्मेशन। और उसके लिए डेटा क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस लेजर। एवरीबॉडी एग्री? अरे हाय ना। तो मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस लेजर को हम क्या करेंगे? प्रोसेस। अब प्रोसेस करना मतलब क्या करना? पोस्टिंग, पोस्टिंग करना, क्लोजिंग एंट्री पास करना, एडजस्टमेंट करना। नहीं समझा? समझा समझा या नहीं समझा? तो प्रोसेस, अगर मैं इधर प्रोसेस की बात करूं, इधर प्रोसेस की बात करूं, इधर इधर ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इधर प्रोसेस मतलब पोस्ट करना, क्लोजिंग एंट्री पास करना, एडजस्टमेंट पास करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग आपको समझ आ रहा है, प्रोसेस मतलब क्या हो गया? प्रोसेस मतलब ओके देख कुछ स्टेप्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो डेटा चेंज हो रहा है। वो स्टेप क्या लगा रहे हो आपकी चॉइस होगी। इधर क्या स्टेप लगा रहे हैं हम लोग? पोस्ट करना। अब थोड़ा थॉट में लगाइए, और ये पोस्ट कर दिया और इसके बाद ये पेनल बैलेंस शीट बन गया। अब मेरे को बताओ पेनल बैलेंस शीट मेरे लिए क्या बन गया बेटा? आउटपुट बन गया। मतलब क्या बना? इन्फॉर्मेशन। और ट्रायल बैलेंस लेजर इनपुट मतलब क्या है? डेटा। अपन डेटा और इन्फॉर्मेशन के टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। ओके, मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस लेजर क्या है मालिक? एवरीबॉडी विथ मी। ओके, और पेनल बैलेंस शीट क्या है? इन्फॉर्मेशन। और उसके बीच में क्या किया हमने? अब सवाल आता है रिलेवेंस का। रिलेवेंस को थोड़ा सा समझाने के लिए और दो स्टेप में आगे जा रहा हूं। सारी आत्मा इधर। ओके, कॉस्टिंग में आपने बजट पढ़ा होगा। बजट कैसे बनाते हैं या स्टैंडर्ड कब बनाते, नहीं कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाते हैं, या क्या मेरे को ये बताइए, क्या मैं अगले 2 साल का मेरे पीएनएल को प्रोजेक्ट कर सकता हूं? यस और नो? प्रोजेक्टेड फिगर बना सकते हैं। इट्स लाइक बजट ओनली ना। और फिर बजट में आपको क्या आता है? ओके, बजट और कंपेयर करते हो आप किससे? एक्चुअल से। फिर या तो आपका क्या होता है? दो चीज होती है, या तो ज्यादा या तो कम, यानी बजट आप ओवर चले गए या अंदर चलेगा। आई दो फिट ऐसी कुछ चीजें होती है मालिक। ओके एवरीबॉडी, यानी एग्जांपल मेरे अभी एक्सपेक्टेड लेक्चर 55 56 है। ओके, अगर अपन 55 56 में किए यानी बजट पे पार हुआ। 55 से लेक्चर से कम लगा तो अंडर बजट, मतलब बजट के अंदर हुआ। अच्छा या खराब? अच्छा। और ऊपर गया तो ओवर बजट, वो खराब। तो सर वो खराब कैसे होगा? इसका मतलब आपको पता ही नहीं था पढ़ाने कैसे। लॉजिक यही है ना, जब मैं आपको ये बना के दे रहा हूं कि भाई इतने इतने इसमें ये होगा। देखो आपको समझना जरूरी है, कभी भी कुछ वेरिएंस आता है, वेरिएंस ही बोलते हैं उसको, मालूम है ना? एवरीबॉडी नोज दिस ना। ओके, तो अब जो वेरिएंस आता है वो वेरिएंस का परमिशन कॉम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा। अब यही चीज मेरे को समझानी है। मेरे को प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है। क्या बोला मैंने? प्रोजेक्टेड पीएनएल एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। सब लोग मेरे साथ है? प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट समझ में आ रहा है क्या मालिक? ओके, तो अब मेरे को बताओ इसके लिए मुझे इनपुट क्या चाहिए? पास्ट ट्रेंड चाहिए। पास्ट ट्रेंड ही चाहिए, खाली पास्ट ट्रेंड चाहिए, एक मैं समझ गया, ठीक है। और प्रेजेंट बिजनेस में क्या है सिनेरियो? इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूं, ये जो पीएनएल बैलेंस शीट है वही मुझे वापस चाहिए। क्या मुझे पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए? यानी जो पीएनएल बैलेंस शीट आपने पहले निकाली हुई है वही तो सब पहले चाहिए। उसके साथ में अपन क्या लगाएंगे? अपन क्या लगाएंगे? मार्केट रेट। ओके, अभी एग्जांपल मैं सैलरी दे रहा हूं 1 करोड़ की। अब मेरे को बताओ ओके अगले साल भी सैलरी 1 करोड़ जाएगी क्या? इंक्रीज रहेगा। ओके, एग्जांपल कितना इंक्रीज रहेगा? 10%। तो अगले साल का मेरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए सैलरी का? 1 पॉइंट। एवरीबॉडी एग्री? हाँ या ना? मैं बदल रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे को आवाज जब तक नहीं आई ना तो मतलब फिर वो फ्लो बैठता नहीं है। तो भाई लॉजिक बैठा क्या? तो इसका मतलब पीएनएल बैलेंस शीट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे क्या चाहिए? मार्केट रेट। और ये इनको प्रोसेस किया, इसको प्रोसेस किया मतलब इनको लॉजिक लगा है। ओके, जो भी रेट लगाना है रेट लगाए, उसके बाद जो मुझे मिला वो प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होगा मालिक, हाँ या ना? तो मेरे को सोच समझ के बताइए अब ये क्या हुआ? आउटपुट मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। ओके, फिर ये क्या हुआ? डेटा। मां कसम ये समझ में नहीं आ रहा है। इधर अब आप डेटा बोल रहे हो इसको, और ये पहले इंफॉर्मेशन थी। रिलेवेंस, रिलेवेंस यहां पर कौन सा एंटिटी काम कर रहा है या कौन सा लेवल ऑफ पर्सन काम कर रहा है उसके हिसाब से ये डिफाइन किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन है या डेटा है। एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, शायद आपकी टर्मिनोलॉजी में और आपको अभी क्लैरिटी करनी पड़ेगी, थोड़े से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे अपन, थोड़े से बड़े, बहुत ज्यादा नहीं बोला मैंने। ओके तो भाई बढ़िया, टॉप मिडल लोअर ये सबको मालूम होगा। अब टॉप लोअर मिडल, अब मेरे को बताओ डे टू डे एक्टिविटी डेटा एंट्री कौन करता? लोअर। यानी कैश अकाउंट, डेबिट टू कार अकाउंट, ये एंट्री पास करनी है, कौन करेगा? लोअर। ओके, परचेज सेल्स की एंट्री कौन पास करेगा? लोअर। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? तो ट्रायल बैलेंस लेजर कौन बनाएगा? मिडिल नहीं बनाएगा, लोअर ही बनाएगा ना। कौन बनाएगा? लोअर। एवरीबॉडी एग्री? अरे ये क्या मैंने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस लेजर। कौन बनाएगा? लोअर, क्योंकि डेटा एंट्री ये कर रहे हैं ना। तो मेरे को बताइए इनके लिए डेटा क्या है? डेटा, डेटा पूछ रहा हूं, डेटा डेटा। वाउचर्स नहीं समझ में आ रहा है? वाउचर, वाउचर मतलब क्या बेटा? एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर अपन ने अभी अभी एग्जांपल मेरे सेल्स का क्या होगा? सेल्स का वाउचर क्या होगा? रिसीट, सेल्स रिसीट। परचेज का वाउचर क्या होगा? परचेज इनवॉइस। नहीं समझा? एवरीबॉडी मेरे साथ, हाँ या ना? पक्का? तो अगर ये समझ में आ गया तो मेरे को बताओ ओके इनके लिए ये क्या है, ये क्या है। लोअर के लिए ये वाउचर क्या है, डेटा, ट्रायल लेजर, इंफॉर्मेशन किसके लिए, लोअर के लिए। अब थोड़ा टेक्निकली जाए, ये मिडिल को देगा, मिडिल इसे क्या बनाएगा, पीएनएल, बैलेंस शीट, जेपा मालिक। अब मेरे को बताओ मिडिल के लिए ट्रायल बैलेंस लेजर क्या हो गया, डेटा, यानी जो नीचे के लिए इंफॉर्मेशन थी वो ऊपर के लिए, क्यों, क्योंकि रिलेवेंस। इट में हैपन, तेरे लिए कोई चीज इंफॉर्मेशन है, मेरे लिए इंफॉर्मेशन ना हो, मेरे लिए सिर्फ क्या हो, डेटा, भले ही वो प्रोसेस हो, भले ही वो प्रोसेस हो, लेकिन मेरे लिए क्या है वो, डेटा। और दोबारा रे, मेरे लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो तेरे लिए क्या हो सकती है, डेटा। दैट्स क्लियरली अ सेग्रीगेशन वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन प्रोसेसिंग विल नॉट डिसाइड व्हाट इज ए डेटा एंड व्हाट इज ए इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग इज ओनली वन फैक्टर। व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर मालिक, रिलेवेंस, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस। भारत माता की जय, शेपा के मालिक, अरे हाय आना। ओके अब मेरे को बता, ये ऊपर वाले के पास जाएगा, ओके ऊपर वाला क्या बनाएगा, अभी जो आपको एग्जांपल दिया मैंने, प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जेपा के मालिक, अरे हाय आना। तो अब मेरे को बताओ ऊपर वाले के लिए पीएनएल बैलेंस शीट क्या हो गया, डेटा, और प्रोजेक्टेड पीएनएल प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या हो गया, पक्का समझा। तो अभी अगर मैंने आपको पूछा इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए, डेटा विच इज प्रोसेस एंड रिलेवेंस, पक्का। तो मेरे को डेफिनेशन, दो डेफिनेशन आपको सिखाया मैंने, दो डेफिनेशन बताइए। सबसे पहला, व्हाट इज ए सिस्टम, सिस्टम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड operating collectively to accomplish common goal, that is called system. Okay, the second word is information. What is information? Data which is processed. आत्मा clear, data which is processed. पहला step इसको भूलना मत, ऐसा बोलना भी मत कि process नहीं है, data which is processed, ये तो prerequisite है ही। Data is only collection, जैसे भाई साहब ने बोला था collection of data is information. No, collection of data is data only. Collection of data is data only, but that once that collection of data is processed and make that processing thing relevant to you, then it becomes information. I do think everybody clear Malik? तो अभी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, आपके दिमाग में क्या बैठा, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या बेटा, डेटा विच इज प्रोसेस एंड रिलेवेंट। तोड़ मैन, भारत माता की जय, मेरे को बताओ क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन चाहिए या डेटा चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन चाहिए या डेटा, इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट आंसर आ गया भाई पंटर का। डिसीजन करने के लिए जब भी अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओके, अगर स्क्रीन पे ध्यान दे पा रहे हो मालिक, ओके, जब इन्होंने वाउचर दिया और ट्रायल बैलेंस लेजर बनाया, ये क्यों चाहिए था, लोअर डिसीजन मेकिंग कर सके। ट्रायल बैलेंस ऊपर दिया, पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, क्यों, मिडिल लेवल डिसीजन ले सके। ओके सर, टॉप मैनेजमेंट ने प्रोजेक्टर बनाया, क्यों, फ्यूचर के डिसीजन ले सके। मेरे को बताओ फ्यूचर के डिसीजन कौन लेंगे, टॉप मैनेजमेंट, और डे टू डे डिसीजन कौन लेंगे, लोअर, डे टू डे डिसीजन, ईयरली डिसीजन मिडिल मैनेजमेंट। तो डे टू डे का काम कौन करता, लोअर। भविष्य का काम कौन करता, भविष्य मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, टॉप मैनेजमेंट, 1 साल, 2 साल, मिडिल मैनेजमेंट। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी। तो व्हाई वी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, आई डू थिंक परफेक्टली फिट नाउ। अभी क्लियर है, इन्फॉर्मेशन भी क्लियर है, सिस्टम भी क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट ने आपको बोला, ओके, इंस्टीट्यूट आईसीआई ने अपने को बोला कि ये सिलेबस में अमेंडमेंट है, एग्जांपल डायरेक्ट टेक्स्ट में XYZ अमेंडमेंट है, ओके, इंस्टीट्यूट ने अपने को बोला। आप समझो करो, ओके, वो आपके लिए क्या है, ओके, डेटा या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अगर इंस्टीट्यूट ऐसा बोलती है अमेंडमेंट आने वाला है, डेटा, ओके, अब जो एक्चुअली लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट दे दिया, इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसकी बेसिस पे आप क्या करोगे, डिसीजन, यानी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो लिस्ट में मालूम पड़ेगा मालिक, अरे हाय ना एवरीबॉडी। तो भाई अगर झेप गया है तो मेरे को बता, ओके, एज्यूम करते हैं सीएस इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा अमेंडमेंट निकाला, क्या बोला मैंने, सीएस इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा अमेंडमेंट निकाला, ओके, सीएस इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा अमेंडमेंट निकाला, ओके, अब मेरे को बता, तू सीए कर रहा है, एज्यूम करते हैं तू सीएस नहीं कर रहा, तो तेरे लिए वो क्या है, पक्का, जबकि वो बता रहे अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है सब कुछ दे रहे, तो भी डेटा ही होगा ना, क्यों, परफेक्ट। Everybody clear? So anything which is not relevant, even if it is a information for somebody, it will be data for you. आपके लिए सिर्फ डेटा है, उससे कोई आपका डिसीजन मेकिंग होने वाला ही नहीं है ना, आपको सिर्फ मालूमात है, ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, रखना भाई, मेरे को चाहिए नहीं है, ओके, भारत माता की जय, जय मालिक तक। ओके, तो अब दो शब्द को मर्ज करें, दो शब्द कौन से मर्ज करने हैं, I+S। What is I+S का फुल फॉर्म? Okay, what is the definition of system? that of interrelated components operating collectively to accomplish common goal. भारत माता की ये सब लोग मेरे साथ है क्या? Okay, set of interrelated components operating collectively to accomplish common goal. इसको तीन शब्द में बोला, तीन शब्द में बताओ. Input, process, output. Everybody clear? What is the information? Data which is processed and relevant. I do think यही तो concept better है. अब पॉइंट ये है, ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम मर्ज किया, उसका मतलब क्या निकलेगा? ब्लड सर्कुलेशन में बिठा के रखो, क्योंकि ये अपने को लास्ट तक, यानी ऑलमोस्ट 35 लेक्चर तक ये काम आने वाला मालिक, 55 नहीं, EIS का लेक्चर तक. ओके, एसएम में इसका लॉजिक इतना काम नहीं आएगा, एसएम में कुछ दूसरा लॉजिक इसका काम आएगा, पर ये दिमाग में बिठा के रखो. जब भी मैं आपको बोलूं व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम या व्हाट इज एन IS, IS का मतलब क्या? ओके, फुल फॉर्म मत बोलना चोमिया. ओके, IS का मतलब क्या? एनी सिस्टम, कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एनी सिस्टम विच टेक्निकली 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 जाते हैं आराम से. ओके, मेरे को बताओ ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशन नहीं है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट है ना बेटा. ये तो आई क्या हुआ? ये इनपुट मतलब क्या? इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में डेटा. प्रोसेस आपको समझ चुका है, और आउटपुट क्या है? इंफॉर्मेशन. ये पूरा मिलके क्या बना? इन शॉर्ट, अगर आप थोड़ा टेक्निकली ऊपर जाते हैं, ओके, इसको उठाते हैं, ओके, मैं नीचे ही लिखता हूं. ओके, ट्रायल बैलेंस लेजर दिया, मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस लेजर क्या हुआ? डेटा. इसको मैंने क्या किया? प्रोसेस मतलब पोस्टिंग करना. अब मेरे को बता क्या बना? पीएनएल, बैलेंस शीट. अब मेरे को बता ये पूरा मिलके क्या बन गया? सिस्टम. इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. एनी सिस्टम विच गिव्स इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी सिस्टम जो मुझे मेरे हाथ में क्या देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मेशन सिस्टम. नहीं, सिस्टम तो तू ही है, तू भी तो सिस्टम ही है, उसको सिस्टम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो बताओ टेक्निकली इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला मतलब क्या होगा? एनी सिस्टम विच हेल्प्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन. अब मेरा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, झेप रहा है मालिक, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. यानी अगर कोई भी सिस्टम है जो आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम. मेरे को बता, ओके, कॉस्टिंग में तूने कुछ कॉस्ट शीट बनाई. एवरीबॉडी, कॉस्ट शीट का टेक्स्ट बुक में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, वो क्या था तेरे लिए? डेटा. तूने उसको क्या किया और क्या बना? इंफॉर्मेशन. और ये पूरा क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है, तुम कंप्यूटर से बाहर निकलो. इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर नहीं है मेरे भाई. अबे सर पटक पटक के समझा रहा हूं मैं भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर से बाहर निकलो. अबे तू कॉस्ट शीट बना रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तुझे डेटा दिया जा रहा है, डेटा के बाद तू उसको प्रोसेस कर रहा है, और तू क्या बना रहा है? इंफॉर्मेशन. और ये तीनों मिलकर देखो, इंफॉर्मेशन अलग से हुई तो इंफॉर्मेशन है, डेटा अलग से हुआ तो डेटा, प्रोसेस अलग से हुआ तो प्रोसेस, ये तीनों साथ में हुआ तो इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैं आपको यह समझा रहा हूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली ए सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. अब मेरे को बता, अगर तेरे को एग्जाम में क्वेश्चन दिया, अकाउंट्स के एग्जाम में तेरे को क्वेश्चन दिया है, अकाउंट्स के एग्जाम में तेरे को क्वेश्चन दिया जिसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट दी है, वो क्या हुआ? डेटा. तेरे को बोला बैलेंस शीट बना के बताओ, प्रोसेस किया तूने, पोस्ट किया उसको, और क्या बना? वो इंफॉर्मेशन. आत्मा क्लियर? ये कंबाइन क्या हुआ? फिर तूने जो बुक में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, वो क्वेश्चन, तूने जो उसकी पोस्टिंग की, और ये तीनों मिलके क्या बना? इंफॉर्मेशन सिस्टम. भारत माता की जय. झेपरा के मालिक, अगर ये अच्छे से बैठ रहा है तो मेरे को बताओ, क्या यही चीज स्क्रीन पे देखो, क्या यही चीज मैं कंप्यूटर में भी कर सकता हूं? ओके, एनी आइडिया कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? एनी? टैली. आई डू थिंक टैली सुना है सबने. टैली में अपन क्या करते हैं? डेटा एंटर करते हैं. डेटा एंटर करना मतलब एग्जाम्पल, कुछ आइडिया? कुछ नहीं आइडिया होगा. ओके, डेटा में क्या एंटर किया जाता है? एग्जांपल बोल रहा हूं, कैश अकाउंट, डेबिट टू कार अकाउंट. सपोज ये एंट्री बात किया, मेरे को बताओ टेक्निकली एंट्री का आउटकम क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट. इसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट. इसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है बेटा? कैश अंदर आया, कार बाहर गई. यानी इन शॉर्ट, कार बेची है मैंने, कार बेच के मेरे को क्या मिला? कैश. ओके, कैश मिला. एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को बताओ, मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कार अकाउंट. सब लोग को झेप रहा है? जब ये एंट्री पोस्ट करूंगा ना, सॉफ्टवेयर अपने आप, मैं नहीं करूंगा पोस्टिंग, सॉफ्टवेयर अपने आप कैश का लेजर अकाउंट में कैश का बैलेंस इंक्रीज करेगा, कार के लेजर अकाउंट में कार का बैलेंस डिक्रीज करेगा। और ये जो ऐसे ही डिक्रीज या इंक्रीज हो गए, इसके इफेक्ट सॉफ्टवेयर खुद किसमें देगा? बैलेंस शीट में। ओके, पीएनएल या बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट में यानी कैश, बैलेंस शीट में कैश अगर 1 लाख दिख रहा है तो अब वो कितना हो जाएगा? 6 लाख। समझ में आया? और नीचे बैलेंस शीट में कार दिख रही होगी जो 5 लाख की है, 0। समझ में आया? ये आप या मैं नहीं करते, सिस्टम नहीं बोलेंगे, सिस्टम नहीं, गलत जा रहे हो आप। ये आप और मैं नहीं करते, आप गलत जा रहे हो, आप छोड़ रहे हो मेरी ट्रैक। इसको सिस्टम नहीं बोलेंगे, आराम से। ये करता कौन है? सॉफ्टवेयर। ये कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। ओके, यानी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को पता, सॉफ्टवेयर नहीं करता तो तेरे को टाइम लगता था कि नहीं लगता था? ओके, क्या कहीं पर तेरे से गलती हो सकती थी? मेरे को पता गलती कैसे होती थी, एग्जाम में जो होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ये 5 लाख बरबर मारा, जब लेजर में गया 5 की जगह 50 लिख दिया। हो, एरर है, ह्यूमन एरर है। डोंट टेल मी सर पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, तू इमेजिन कर, जब तू लेक्चर में बैठा था कभी कभी तूने 5 लाख का 50 लाख लिखा कि नहीं लिखा? 5 लाख का 50,000 भी लिखा होगा। ओके, हो सकता है नींद में लिखा हो तो ऐसा भी लिखा होगा। क्या ह्यूमन एरर पॉसिबल है? क्या सॉफ्टवेयर में वो पॉसिबल होगा? आप इमेजिन करो, सॉफ्टवेयर में अगर मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट 50,000 मार दिया, आगे जो भी एंट्री पोस्ट होगी वो कितने की होगी? 50 की। यानी मेरे को सिर्फ पहले टाइम पे ध्यान रखना है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो मेरे को बताओ, आप बताओ, मैन्युअली बनाना चाहिए या सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? एवरीबॉडी नहीं मैन्युअली बना था ना, कि सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। इसीलिए अपने लिए सिलेबस में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सिलेबस, आप ये ध्यान रखिए। आप इंटरप्रिटेशन से बाहर आइए। सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सिलेबस, सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, बिकॉज यू एंड मी आर टेलिंग यूज सॉफ्टवेयर टू मेक इट फास्ट। You and me are telling use software to make it accurate. You and me are telling use software to ensure human resources are less required. Human resources मतलब employees. अब इमेजिन करो, जो एंट्री अगर मैं मैन्युअली बनाता, डोंट यू थिंक पीएनएल बैलेंस शीट सब बनाने में कितना टाइम लग जाता था मुझे? अब इमेजिन करो, सॉफ्टवेयर में मेरे को कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे? सारे एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है या एक एम्प्लॉय से काम हो जाएगा? तो आप मेरे को बताओ, कॉस्ट किस में बच रही? सॉफ्टवेयर में। ओके तो मेरे को आप बताओ, मैन्युअली करूं या सॉफ्टवेयर? आप खुद बोल रहे हो, इसीलिए अपन सॉफ्टवेयर करते हैं। याद रखना, मैं क्लियरली समझा रहा हूं, आईएएस इज नॉट ए सॉफ्टवेयर। इज्जत रखो। अरे यार, अगर सॉफ्टवेयर ही पढ़ाना होता, इधर कंप्यूटर का डब्बा खोल के कोडिंग ही पढ़ना होता तो तू इंजीनियरिंग करता, सीए नहीं करता। सीए में तू घुसा है। ओके, तेरे को लगता है माइंडसेट ऐसा है क्योंकि बहुत जने पढ़ता। मैं कहीं पर भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया कि इसके अंदर टेक्निकल या सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने बोला ना, सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए है? टू अचीव आवर गोल्स, बट दैट इज नॉट ए सिलेबस, दैट इज नॉट व्हाट इंस्टीट्यूट इज एक्सप्लेनिंग। और आपका इंटरवेंशन ये आएगा, सर निकाल तो रही है ना इंस्टीट्यूट। अरे निकाल रही है, निकाल के जा आ रहा है। तू वापस अभी का नोटिफिकेशन देख ले, ब्लॉकचेन, एआई, ये टेक्नोलॉजी का किस्सा है ये। इट इज ओनली हाउ द थिंग्स आर यूज्ड, दैट इज नथिंग। आपने बहुत रिसेंटली सुना होगा, चैट जीपीटी एग्जाम देगा तो कैसे होगा, सुना है क्या कभी? चैट जीपीटी, कभी अपन देखेंगे चैट जीपीटी कैसे काम करता है। वो एक दिन मूड आएगा, उस दिन देखेंगे टाइम पास करने का। बट लॉजिक ये है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर कर रही है। आपको ये समझना है, हियर अवर सिलेबस इज नथिंग टू डू विद द। आप दिमाग में रख लो ये चीज, हम कोडिंग नहीं पढ़ रहे, हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, ना इंस्टीट्यूट को भी समझ रहा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा सिलेबस क्या है? आईएस है। आईएस का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मतलब क्या इसका? सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन में। तो थोड़ा टेक्निकली मेरे को आंसर दो सारे जन। ओके, मेरे को बताओ, अगर सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग है, गिव मी अ टेक्निकल, एकदम सही तरह से आंसर। मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या टॉप, मिडल, लोअर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? क्या 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं क्या? Yes. कौन से लेवल को कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है? मेरे को बताओ, डे टू डे डिसीजन किसको लेना पड़ता है? ओके थोड़ा सा आगे की प्लानिंग का किसको लेना पड़ता है? बहुत लंबी प्लानिंग का। क्या इनको इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए? ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। इसीलिए तेरा सिलेबस है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आ रहा है? एंटरप्राइज को डिसीजन मेकिंग के लिए कोई सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम बनाओ हमारे पास। और मैं आपको बता रहा हूं, आज के लास्ट एंड में, मतलब अपन एंड जब करेंगे, आपको टेक्निकली समझ में आ जाएगा सिस्टम कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग और बेहतर बन सके। इंस्टीट्यूट या कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भाई ये मैन्युअली करो। रीजन सिंपल है, आप भी नहीं बोलोगे, आप खुद नहीं कर रहे हो। पत्र लिखो ना, फिर ईमेल क्यों कर रहे हो? किसी को अगर कुछ भेजना है, ओके, मतलब आप समझो किसी को कुछ भेजना है, ओके, आपको भेजना है, आप लिखो ना, पत्र लिखो ना, क्यों नहीं भेज रहे हो पत्र? बोलो ना, लिखने में वो क्यों कर रहे हो आप? क्यों ईमेल टाइप करते हो? काहे के लिए? बताओ, मेरे को रीजन बताओ। ओके, टाइम बच रहा। दूसरा, पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरा और क्या करना है? जाना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, टाइम और जाएगा, स्टैम्प लगाना पड़ेगा, ₹2 तो भी, ₹2 तो है सर, ओके, पैसे तो लगते हैं, पैसे लगते हैं। तू बोल रहा बड़ा आदमी, बड़े लोग होते हैं भाई जिनको पैसे का कोई टेंशन नहीं रहता। अभी जैसे विनोद सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, पैसे को तो भाई इम्पैक्ट रखता भाई, पैसे का। गरीब आदमी रहे तुम, क्या ऐसा गरीब आदमी की उड़ाओ मत। देखो आपको ये बस इतना ही गरीब, नहीं नहीं इतना गरीब, ऐसा मेरे से थोड़ा और ज्यादा गरीब होने का, इतना ही गरीब नहीं होने का। इतना गरीब में मजा, मतलब मजे का रेस्ट्रिक्शन आ जाता थोड़ा सा और। ओके, तो भाई स्टैम्प का कॉस्ट लगता है। ओके, मेरे को बताओ कुरियर कब पहुंचेगा, या मैंने पोस्ट किया तो कितने दिन में पहुंचेगा? 5-6 दिन, 4-5 दिन जाएगा। ओके, कंपनी आगे पड़ोगे तो 20 दिन, 2 दिन बोलेगा, 48 आवर्स बोलेगा, पर 48 आवर्स लगता भी है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। ओके, कोई रिमोट एरिया में रहता होगा तो गया। अब मेरे को बताओ ईमेल कब पहुंचेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आप इमेजिन करो, आप खुद यूज करना चाहते हो टेक्नोलॉजी, मैं नहीं। ओके, और अपनी लाइफ आज के डेट में ये हो गई। और मैं टेकफुली, ये भी एक चीज जो सुबह मैं बताना चाहता हूं और अभी भी मैं टेक्निकली एकदम सीरियसली बोल रहा हूं, आप सिर्फ क्या करो, आपको एक टेक्निकली एक चीज ध्यान रखनी है। ओके, इससे है ना ऑलमोस्ट आपको दूर रहना है। ओके, मैं नहीं बोल रहा इससे यूज मत करो, ऑलमोस्ट बोला मैंने, इसलिए आप जब इससे दूर रहोगे ना तो अपने आप नींद आएगी, और अपने आप नींद आएगी तो अपने आप सुबह उठेगा और अपने आप क्लास रहेगा। एंड कितना टाइम बोल रहा हूँ? ओके, ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, इट इज अ मैटर ऑफ दिस 50 डेज, उसके बाद इज मैटर ऑफ 2.5 मंथ्स, एंड लास्ट नवंबर डन, यू आर डन एंड डस्टेड मैन। अच्छा, पूरा इसके ठूस ना, इसके अंदर गाना काचा बादाम, मेरा काचा बादाम करना नवंबर के बाद करना, कौन मना कर रहा है? काम क्या तेरे को? ओके, अरे कर भाई, पर कब कर? हाँ, अरे इसका प्रॉब्लम क्या है? दूसरा बता रहा हूं, दूसरा सबसे बड़ा सीरियस रीजन आप क्या समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी का जो डिसएडवांटेज है, आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपका तुमको लग रहा होगा, नहीं होता भाई। और मैं ये, और याद रखना, मैं बापू जैसा ज्ञान नहीं छिप रहा, मैं टेक्निकली बातें कर रहा, जिससे मेरे को तेरे रिजल्ट से मेरे को फर्क पड़ रहा, ये समझ। तो मैं जैसा तू फेल हुआ ना, आंख तो मेरी लगेगी, तेरा तो क्या, तू तो बोलेगा सर अमित, समझा? तो टेक्निकली भाई मेरे लिए भी तो प्रॉब्लम है ना। तो भाई बॉस, टेक्निकली एक 2-2.5 महीना, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ये बोला इसको बाजू में, मैं इसको बोला यूज ही मत कर, ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला टेक्निकली कम यूज करो, टेक्निकली इससे दूर रहो। ओके, और आप खुद नोट करो, आप मेरा छोड़ दो, आप खुद नोट करो। ओके, आप एक यूट्यूब का वीडियो या कोई स्टोरी देखते बैठे, या इंस्टा का स्टोरी देखे, 15 मिनट निकलता साला स्टोरी में, जिसमें आप बोलते हो 2 मिनट में छोड़ता हूं। मैं 15 मिनट की तरह नहीं गया, वो 15 मिनट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। वो स्टोरी से क्या तेरे को मिला? मोटिवेशन, काहे के लिए? अगले दिन क्लास आने के लिए। नहीं होता, बहुत जन मोटिवेट होते हैं ऐसे सब स्टोरी से, ऐसा दिखता है, अरे माँ कसम मैं भी ऐसा करेगा, मैं भी वैसा करेगा, मैं भी वैसा करेगा। 2 घंटे के बाद लग रहा सीए नहीं हो रहा है, क्या करेगा? मोटिवेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये चीज मैं बहुत टेक्निकली एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया भी है यूट्यूब पे। मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीज अलग होती है भाई। डिटरमाइन रहो, हाँ। ओके, पिक्चर देखने के बाद हर जन को लगता है मैं बाहुबली हूँ, मेरे को भी लगा था। जब बाहुबली 2 देखने गया था, मेरे अंदर तो अमरेंद्र बाहुबली था पूरा, थिएटर के अंदर ही, बस तलवार नहीं थी, नहीं तो निकाल ही देता सब। शिव की सौगंध खाता हूं, मैं स्मृति की रक्षा करो, ऐसा अंदर था। बाहर आने के बाद भी 2 घंटे तक था। घर पे गया, ओके, मेरे बेटे को बोला अमरेंद्र बाहुबली बुरा रहे, चल करते हैं, ऐसा सब मालूम है ना, बस तलवार नहीं थी। मैं बोला ना, 2 घंटे के बाद लगा अमित पढ़ाने गया अपने को, अपनी लाइफ ऐसी है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। ओके, कोई पिक्चर देखो, कुछ वीडियो देखो, 2 मिनट के मोटिवेशन आता, अपने को बहुत भारी लगता। ओके, मैंने कुछ ज्ञान दे दिया तेरे को, ऐसा बन, तेरा क्या होएगा? 2 घंटे तक मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन तक मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन नहीं रहना चाहिए ऐसा नहीं है, मोटिवेशन ढूंढो, पर सेल्फ में ही ढूंढो ना, खुद में ढूंढो ना, चुया दूसरे की मोटिवेशन करनी चाहिए तेरे को, खुद में ढूंढ खुद को क्या करना है भाई। ओके, देख 2 चीजें भाई लाइफ में। ओके, पैदा हुआ भेड़ के जैसे जिया, और मर गया भेड़ समझ रहा है? भेड़ मालूम है? शिप कुछ नहीं करती, शिप मालूम है? ओके, जहाज नहीं पानी का, नहीं शिप बोला शिप, नहीं, अरे बहुत बहुत टेक्निकल पॉइंट रहता है इसमें। भेड़ मतलब शीप भी, वो क्या बोलते हैं उसको, मेंढी। मेंढी मेंढी का वो क्या करते हैं मालूम है ना, वो पहला जो चलता है ना उसके पीछे चले जाते हैं बस। काचा बादाम मेरा काचा बादाम, काचा बादाम क्या कुछ नहीं, और मर जाएगा एक दिन। अबे यार पैदा हुआ जिंदगी जी, अबे यार ऐसे एक एक पीछे क्या जाने का। सर काम कर रहे भाई, अपने हिसाब से टर्म चल, मोटिवेशन तेरे को क्या है, तेरे को किसी की जरूरत है? हाँ देख वीडियो देख हो भाई, मोटिवेट सब कुछ हो, ओके सब कुछ हो, लेकिन भाई अल्टीमेटली अपने इसमें रख, लेकिन डिटरमाइंड रहे, कंसिस्टेंट रहे, अपने काम की तरफ कंसिस्टेंट रहे। और वही चीज मैं तेरे को समझा रहा हूँ। जब अपन EIS की बात करते हैं ना, पहला माइंडसेट आप क्लियर करो। आप कंप्यूटर पढ़ने वाले हो ये सोचोगे ही, उधर ही काम खत्म कर रहे हो मेरा। कंप्यूटर मैंने ऐसा भी नहीं बोला कंप्यूटर पढ़ने नहीं वाला हूं, मैंने बोला कंप्यूटर का पोर्शन है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कंप्यूटर यूज करो। अरे यार सिंपल तो लॉजिक है यार, मेरे को कोई डिसीजन मेकिंग को फटाफट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यूज, बात खत्म। सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा मतलब सॉफ्टवेयर के हवा में आएगा क्या? किधर आएगा? कंप्यूटर। तो डब्बा लेना ही पड़ेगा, और डब्बा मतलब हार्डवेयर, उसके अंदर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर। उसके अंदर क्या रहेगा? डेटा। और वो डेटा को मुझे क्या बनाना है? इंफॉर्मेशन। और प्रोसेसिंग वो खुद करेगा, इसीलिए तो उसको लिया है, नहीं उसको क्यों लेता था मैं? उसको लेने का कारण भी वही है ना। अरे भारत माता की जय। बने क्या? तो EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन एंटरप्राइज डिसीजन मेकिंग। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाय आना, ठीक है बढ़िया। मेरे ख्याल से लॉजिक बैठेगा पहला। अरे हाय आना कॉन्सेप्ट पक्का पक्का फ्रीज करो इसको, ठीक है ओके। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, मैं कवर वर्ड कर रहा हूं। हाँ ओके याद रखिए EIS और SM ये दो अपने सब्जेक्ट है। SM का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हेन आई डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस क्या लॉजिक है। सिंपल का कॉन्सेप्ट है ओके। EIS का फुल फॉर्म एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की कहानी को थोड़ा सा आप मेरे को ये बताओ। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में ओके, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, किसको मदद करता है? एंटरप्राइज मतलब क्या? एंटरप्राइज किस कंसेप्ट में लोगे? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में कौन कौन इन्वॉल्व है? कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? नाम, टॉप, मिडल, लोअर। भविष्य की चिंता कौन करते हैं? टॉप ओके। एक दो साल की चिंता कौन करते हैं? और डे टू डे की चिंता कौन करता है? ओके अब थोड़ा टेक्निकली सोचिए। अगर आपको ये मालूम है तीन लेवल का मैनेजमेंट का आपका लॉजिक समझा, चिंता कौन करता है, क्या करता है ओके, थोड़ा सा थॉट लगाइए। क्या आपको टॉप को आपने IS दिया? IS मतलब क्या? क्या टॉप मैनेजमेंट के पास IS दिया? वो IS क्या किया उनको? नहीं, वो IS ने क्या किया? एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, किसको डिसीजन मेकिंग मदद किया? टॉप मैनेजमेंट को। अब मेरे को बताओ टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग कौन से है? स्टार्ट फ्यूचर वाले। अब मेरे को बताओ अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल। उन्होंने डिसीजन क्या बेसिस पे लेना चाहिए? खाली इंफॉर्मेशन, खाली सिस्टम। आप प्रैक्टिकली समझना, अब ये चीज को समझना जरूरी है। नहीं मार्केट को भी अपन इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। प्लीज डू अंडरस्टैंड ओके। मैडम का कहना था मार्केट के इंफॉर्मेशन। अब जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रहा हूँ, शायद आपने फाउंडेशन, जो फाउंडेशन पढ़ा हुआ है उसने स्वॉट पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे थ्रेट क्या है, ये पढ़ा होगा आपने। अगर आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पढ़ा ना, ये सारी चीजें इसके अंदर भी आ जाएगी ना, क्योंकि IS जब बोल रहा हूं IS आप अच्छा अगर आपके दिमाग में ये है कि अभी तक के एग्जांपल में सर आपने IS में P&L बैलेंस शीट दिया है, तो IS खाली P&L बैलेंस शीट क्या होता है? क्या रे? नहीं, IS इज एनी सिस्टम, मैंने वर्ड यूज किया है एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, अरे सब लोग मेरे साथ है क्या रे? एवरीबॉडी। तो आप टेक्निकली ये समझो, यानी यार बॉस टॉप मैनेजमेंट का स्वॉट का भी डेटा, टॉप मैनेजमेंट का स्वॉट का भी डेटा कौन किसमें रहेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहेगा ओके। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या करूंगा? एवरीबॉडी क्लियर? अब थोड़ा टेक्निकल सोचो, जब मैं ये डिसीजन लूंगा, गिव मी ए गुड आंसर मालिक, जब ये डिसीजन लूंगा क्या मैं खाली इसके बेसिस पे डिसीजन लेता हूं या मैं अपना जजमेंट भी लगाता हूं? जजमेंट कैसे लगाओगे आप, कैसे समझेगा, कैसा पॉइंट रहेगा, कौन बताएगा? ये तेरा दूसरा 50 मार्क, एक्सपर्ट नहीं, 50 मार्क दूसरा आगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पर स्ट्रैटेजी कब मिलेगी, स्ट्रैटेजी कब डिसाइड कर पाओगे, जब आईएस इंफॉर्मेशन देगा, देयरफॉर इट इज इंटीग्रेटेड। आईएस जब मुझे इंफॉर्मेशन देगा, मेरे हाथ में जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मालिक, इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, ओके दैट्स इट, ओके। और फिर टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, और मैं खाली टॉप मैनेजमेंट यूज करो, इसका मतलब लोअर भी है, लेकिन उधर टेक्नोलॉजी कुछ अलग होगी, जब अपन ऐसे में जाएंगे देखेंगे वो, लेकिन टॉप मिडल लोअर ये जब डिसीजन लेंगे अपना लॉजिक्स लगाएंगे, अपने फैक्टर्स लगाएंगे, अपना जजमेंट लगाएंगे। आप बोले एक्सपीरियंस लेंगे, अरे पर एक्सपीरियंस में भी तो उसको समझना पड़ेगा। अभी एग्जांपल है भाई यार कॉस्ट अभी यार टाटा नैनो वाला, टाटा नैनो वैसे बंद हो चुकी है, लेकिन टाटा नैनो अगर प्रोडक्ट है मेरा और टाटा जैगुआर है, दो चीज है, जैगुआर 1.5 करोड़, टाटा नैनो 2 लाख, एक ही 1 लाख, ले भाई 1 लाख, मैं बोल रहा हूं एक ही कंपनी दोनों प्रोडक्ट बना रही है, एक ही कंपनी 1.5 करोड़ की भी कार दे रही है, एक ही कंपनी 1 लाख की कार दे रही है। अबे ऐसा कैसा, क्या बेसिस पे इनकी स्ट्रेटजी है, क्या चाहते हैं, ये फैक्टर सब आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन। मेरे को कुछ अलग करने का, भले प्रीमियम चार्ज करूंगा मैं, जो दुनिया देती है वो नहीं देता मैं, उससे बहुत बेहतरीन देता जैगुआर। मसाज सीट, बैठ, तेरे को मसाज सेंटर जाने की जरूरत नहीं, अपने आप मसाज होती है भाई, तो होती है सच्ची में, ओके भाई। बॉस, लग्जरी, पावर, पिकअप, चीजें अलग है, तेरे को चाहिए, पैसे लगेंगे, और मैं यही कस्टमर को फोकस कर रहा हूं जिससे मैं पैसे ले सकता हूं, और जो पैसे दे सकता है उसको ये फीचर दूंगा। और एक मास है जो बोले गाड़ी चाहिए लेकिन मेरे को फीचर्स नहीं चाहिए, तो गाड़ी सस्ती गाड़ी चाहिए, सस्ती गाड़ी, क्योंकि मेरे को ज्यादा खर्चा गाड़ी में करना नहीं है, ओके तो इसके लिए ओके ये लोग के लिए कौन सी गाड़ी है, नैनो। थोड़ा प्रैक्टिकली इसी चीज को समझ लीजिए, जब नैनो आपको मिलती है, क्या ऐसा नैनो क्या सस्ती कौन सी है, नैनो, तो क्या नैनो सस्ती होने का कारण, फीचर्स कम है, याद रखना फीचर्स कम है, लेकिन जो नेसेसिटी है वो मिल रही है। ऐसा टाटा ने नहीं किया, 2-4 टायर नहीं मिलने वाला, तुम गाड़ी लेके जाओ, देखो तुमको टायर खरीदना अलग से खरीदो, वाइपर नहीं मिलेगा, 12 से तो आते हैं ऐसे आगे बाहर निकल के करना। प्रोडक्ट में सारे नेसेसरी फीचर्स है या नहीं है, तब जाके वो कॉस्ट लीडर बन रहा है। वो खाली क्या दे रहा है, जो फील्ड फीचर है ना वो नहीं दे रहा है। ये कौन समझा रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी समझाता है, उसके बेसिस पे अपन स्ट्रैटेजीज लेते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, दैट इज व्हाट ए कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। भारत माता की जय, जेपा के मालिक एवरीबॉडी। ओके तो कंटेक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लॉजिक समझा नहीं इधर तक एवरीबॉडी। तो पहला पॉइंट, क्या अपना पेपर आईटी है, आईटी का वर्ड है क्या, हाँ आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, यानी आपको मैं बता रहा हूं 40% का पोर्शन है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सर क्यों, वो टेक्नोलॉजी अपन ने यूज करनी है, अरे आपको समझाया जा रहा है। अब मेरे को बता, तू पुराने जमाने का तू डब्बा लेके बैठेगा, कंप्यूटर डब्बा जो याद है, मालूम है पुराने जमाने में बहुत बड़ा डब्बा था, वो डब्बा है या तेरे घर पे लैपटॉप है, लैपटॉप ये डब्बा भी नहीं होगा, तेरे घर पे लैपटॉप होंगे, जितना छोटा कंप्यूटर, जितने छोटे कंप्यूटर टैब्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेगा, पुरानी वाली या नई वाली, बस। तो देखो नई टेक्नोलॉजी तो मालूम होनी चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी क्यों बेटर है, इसलिए देखो पुरानी टेक्नोलॉजी भी मालूम होनी चाहिए, इसीलिए तेरे पोर्शन थोड़ा 20% का बढ़ गया है। 20% में वो लोग क्या बता रहे तेरे को, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी, ओके जिसमें आज का उपयोग नहीं है, और 20% के बाद वाला पोर्शन जो आता है 20% का जो बैलेंस पोर्शन है, वो एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यानी जब आप इसके अंदर के टेक्नोलॉजी वाला पेपर पढ़ोगे तो आपको ऐसा समझेगा सर ये तो रिडंडेंट हो चुकी है, रिडंडेंट मतलब आउटडेटेड, अभी आज के नोकिया 1100। सर किसी के पास है क्या, हो सकता है कोई एक हाथ घर पे, मतलब दादा दादी हो सकता है, मतलब वो पॉइंट पे बहुत रेयर, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ये समझना जरूरी है आपको, इसके लिए टेक्नोलॉजी का डिस्कशन आता है। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। तो वापस मैं बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान में रखना, EIS इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, EIS इज अबाउट ए सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो एक बार मेरे को फटाफट आंसर दे दो, सिस्टम का डेफिनेशन, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, कॉमन कॉल, पक्का क्लियर है, ओके। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंट, ओके। व्हाई यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इफ यू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, डू यू थिंक माय स्ट्रेटजीज विल बी मोर बेटर, यस। तो टू हैव स्ट्रेटजीज मोर बेटर वी शुड हैव EIS, and if EIS is there, so we can get a correct information, accurate information, or more precise information by which my decision making will improve. To take the decision is nothing but strategic management. to take the decision is nothing but strategic management. Okay, तो strategic management आपको ये भी बताएगा, आप जब EIS बोल रहे हो तो EIS में actually देखा जाए तो तीन ही चीजें ना बेटा, DPI. What is DPI? Data, process. What data should be considered? Strategic management बताएगा. Okay, what information you should get? Strategic management बताएगा. Processing भी concept strategic management बताएगा. That is where strategic management comes into picture. Okay. Usually चार्टेड अकाउंटेंट की एग्जामिनेशन आपने जब सीए के कोर्स में एंट्री की मालिक, तो सबसे पहला परसेप्शन ओके क्या रहा होगा आपका? मतलब ऐसा देखो, हर जन का अलग अलग परसेप्शन रहा होगा, हर जन अपने अपने अलग अलग रीजन से घुसा होगा. मैं भी अलग रीजन से था, मेरे को कोई एंटर नहीं करना था सीए में, मेरे को तो इतना पढ़ना भी नहीं था. ओके, अपन 50% वाला बंदा, 50-55% टेंथ है, 12th है, बस इसमें ही मेरी जिंदगी खुश थी. मेरे को भी सिर्फ बेसिक करना था. बापू गांधी जी नहीं, मेरे बापू. तो मेरे पापा को मैं क्या बोलता हूँ? बापू. और घर पे भी ऐसे ही बोलता हूँ, ओके बापू. तो बापू वर्ड यूज करता हूँ मैं. तो मेरे बापू के वजह से मैं किया भाई. He forced it out. He is a chartered accountant. He forced it out. बोला भाई करना ही ऐसी है, मतलब करना ही है, मतलब यही करना है. और उस टाइम पे 3 इडियट पिक्चर आई नहीं थी, नहीं तो एक दोस्त मिलता उसको बोलता था अब्बा नहीं मानेंगे, फिर मैं भगवा जाता. अब्बा कम कमाऊंगा लेकिन खुशी से रहूंगा. अब्बा नहीं सुने पापा. पापा को मैंने बोला, पापा मेरे को तो अभी ऐसा आपका ये भी कहना हो सकता सर, फिर आपको बनना क्या था? बस दैट्स इट, एक्टर बनना था मालिक. ओके, मूवीज में काम करना था. ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि शाहरुख बनना है, कुछ नहीं है, बस एक्टर बनना था. अब वो उस टाइम पे जो डिसाइडिंग फैक्टर था जो बचपन के थे वो थे. मैं सोचा भी मूवीज में जाना, मतलब रेफरेंस लगाया, लिंक लगाया. छोटी एक आध मीतू जैसाटी करके एक मूवी है, वर्षा उसगांव करके, उसके अंदर छोटा सा एक क्लिप है. वो करने के बाद जब घर पे आया तो पापा ने सीधा बोल दिया कि अगर तेरे को इसमें जाना है, मारवाड़ी में ये नहीं जमता, तेरे को ये करना है, घर छोड़ के कर. तो प्रॉब्लम इधर क्या थी? प्रॉब्लम इधर थी. फिर वो पापा की जो प्रॉपर्टी है वो तो सब सुमित ले लेगा. सुमित मतलब मेरा भाई. तो टेक्निकली फिर बोला नहीं जाने जैसे ये करते हैं. मैं ऐसा अकेला नहीं हूं, मेरा भाई भी ऐसा ही है. मतलब हम दोनों, मतलब मेरा भाई बीएससी है, मेरा भाई साइंस में गया है. वो 90 वाला बंदा, वो एक्सट्रीम नहीं रहे, एक अलग से कैटेगरी वाले लोग हैं, होते होंगे. ओके, वो अलग कैटेगरी वाले लोग जो 90 वाला जो, मतलब अभी तो एक मेरी बेटी का बर्थडे था, उस फंक्शन में एक मेरे को कजिन मिले. ओके, जो मैं उसको बोला, मतलब ऐसे ही बात हुआ, तो बोला 10th का रिजल्ट आया था उसका अभी रिसेंटली, तो बोले कम मिला. मैं बोला ओके. तो मैं बोला ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं. मैं बोला मेरे को भी कम ही मिला है, कोई ऐसा नहीं है. मैं 55 की सोच रहा था. मैं बोला कितना मिला? 98 99 के इधर क्या रो रहे हैं, 99 पॉइंट कुछ मिला है, 98 पॉइंट कुछ ये सिनारी मिला. और उसको एक्सपेक्टेड था 99.3. मैं बोला दो गरीब को पास कर दी होती अच्छे से मैं, और इन मतलब ये कैटेगरी की वजह से दूसरे का प्रॉब्लम आ रहा ना भाई. अभी वो फंक्शन में कम से कम 4-5 लोग आए होंगे जिनके 10th पास होंगे. तेरे बेटे को कितने मिले? 99.9. तेरे को कितने मिले? ऐसा है. अरे यही सिनारियो. तो ये डिस्कशन प्रॉब्लम किसको दे रहे हैं? दूसरे को. पर दूसरे वाले में कंसर्न नहीं लेने का. जैसे एग्जाम्पल बोलो, मैं रैंक होल्डर और मास रैंक होल्डर की कैटेगरी मेरे को अभी एटलीस्ट ये 2-2.5-3 महीने में मालूम ही पड़ चुकी है. 3-4 जन तो मेरे को मालूम ही थे. पर रैंक होल्डर की कैटेगरी से कंफ्यूजन नहीं लेने का. देखो, जो रैंक होल्डर कर सकता है वो अपन कर सकते हैं, करना नहीं चाहते वो अलग बात है. देखो, इट्स माय चॉइस. ओके, करना नहीं चाहते वो बात अलग बात है. ओके, रैंक होल्डर जो कर सकता है वो अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन जो कर सकते हैं वो रैंक होल्डर नहीं कर सकता. मैं डॉट 200 पे पास हो सकता हूं, तू कर सकता है? नहीं, फील ही नहीं आएगा. हाँ, और देखा जाए तो मालूम है कि अपन भी रैंक होल्डर ही है. देख, रैंक होल्डर क्या करता है, 800 का लिखता है और 600 लाएगा. अपन 600 का लिखते हैं, 400 लाते हैं. देखा, डिफरेंस तो 200 का ही है ना. डिफरेंस तो 200 ही है ना भाई. तो अपन भी तो रैंक होल्डर है. बस द ओनली थिंग इज इंस्टीट्यूट को नहीं लग रहा है. ठीक है ना, अपने को फील आ रहा है ना रैंक का. किसी ने मिला क्या कितना हुआ, रैंक है कौन सा. ओके, देखने भाई कितना पहले वाले का रैंक देखने का कितना डिफरेंस है. पहले वाले का एग्जाम्पल आया 800 है, और उसमें 800 मार्क का लिखने के बाद उसको एग्जाम्पल बोल रहा हूं, फर्स्ट रैंक होल्डर का 700 आया, तो डिफरेंस कितने का है? 100. और तूने लिखा था 600 और तेरे को 400 आया, डिफरेंस कितने का है? तू तो भाई रैंक तो 1 के ऊपर है. किसी ने पूछा क्योंकि अरे उसने तो 100 छोड़ के मतलब ये किया, अपन तो 200 छोड़ के भी उतने मार्क्स लाए यार, बच्चा है भाई अपना। मैं बोला ना जो रैंक होल्डर कर सकता है वो तू कर सकता है, क्योंकि तू भी कर सकता है, पर करना क्यों करे, नहीं करने का भाई। हर जन का अपना परसेप्शन है भाई, मेरा भी परसेप्शन है। ओके सर, लॉजिक एकदम सिंपल रखिए। जब ये बारी आती है रैंक होल्डर की, व्हाटएवर इट में भी, ओके हर जगह ओके एक पॉइंट है परसेंटेज का पॉइंट, एक पॉइंट है अपने को एग्जम्पशन का पॉइंट। एग्जम्पशन लाना है पहला चीज, और दूसरा कम टाइम में लाना है दूसरी चीज। मैं सिर्फ पहली चीज पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहली चीज पे बात ही नहीं कर रहा हूं। पहली चीज में तो हर जन अरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद एग्जम्पशन आ ही जाएगा, तू खुद पढ़ लेगा, एग्जम्पशन नहीं ला सकता, ऐसा थोड़ा है। मेरा सपोर्ट तू जो मेरे में इन्वेस्ट करेगा, मेरा आउटकम क्या तेरे को देने का, तेरा इन्वेस्टमेंट मेरे इसमें, तू पैसे मुझे देगा कुछ पॉइंट के, उसके दो एलिमेंट के पॉइंट के देगा। ओके एक पहला एलिमेंट है कॉन्सेप्ट खत्म करना, और दूसरा एलिमेंट है वापस वो जब तू पढ़ने बैठे वो टाइम जो कॉन्सेप्ट है ना वो कम लगना चाहिए, और वो एडजस्टमेंट करना, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट दिस फॉर्मेट। तो भारत माता की जय, झेपर है मालिक। ओके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन में EIS SM क्यों होना चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी लॉजिक क्या है। EIS SM का लॉजिक मैंने आपको बताया, इट इज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर, ये परसेप्शन बना रखे है। और आप देखना, आप खुद पढ़ने के बाद देखना EIS SM में आपको समझेगा कि ऑलमोस्ट, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कंप्यूटर नहीं है, मैंने तो ये क्लियर बताया 40% आपको क्या मिलने वाला है, कंप्यूटर। 40% पोर्शन आपको कंप्यूटर का है, लेकिन बाकी पोर्शन में कहीं दूसरी चीजें है। अब सवाल ये है, वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल एलिमेंट्स अबाउट कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स, प्लीज मेक इट अंडरस्टैंड, CA इस IS की जिंदगी में ही पढ़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन रोल ये IS के ऊपर है। आपको, आपने क्यों CA किया उसके मल्टीपल रीजन, जैसे मैं बता रहा था। ओके हो सकता है आपके परमिशन कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा रोल, मेरे इसमें पापा का रोल था, मेरे इसमें, आपके इसमें कोई भी रोल हो सकता है। बट प्रैक्टिकली जिस दिन CA ज्वाइन किया या CA फाउंडेशन आपने दिया, आपके दिमाग में ये था कि भाई अपन कुछ ना कुछ अकाउंट का करेंगे, कुछ ना कुछ टैक्स का करेंगे। आप अकाउंट्स का करो, टैक्स का करो, ऑडिट का करो, किसी भी चीज का करो मेरे भाई, हर जगह तेरे को क्या लगेगा, ओके इंफॉर्मेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बिना इंफॉर्मेशन के तू क्या करेगा, और इंफॉर्मेशन किसके बिना नहीं आएगा, डेटा, और डेटा को तू क्या करेगा, प्रोसेस। अब मेरे को बताओ यही तीन चीज ओके तेरे को बेस्ट वे से करनी है कि नहीं करनी है, और बेस्ट वे से करनी है तो तेरे को EIS पढ़ना पड़ता, क्योंकि बेस्ट वे से कैसी बनाई जाती है वो EIS बताता है। ओके और याद रख ओके इसके साथ में जो ऑडिट का पॉइंट है, ऑडिट इज दो एलिमेंट देखे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑडिट का एकदम क्लियर कट आता है, एंड दैट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना, जो तू ऑलरेडी अकाउंट्स बना रहा है। ओके एडवांस अकाउंट का सिलेबस पड़ेगा। ओके देख तेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी मैंने, अरे हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तू इसका ऑडिट करेगा, ये एक तरीका ऑडिट का। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, समझ लो कर ऑडिट करना बेसिकली उसको चेक करना, एकदम समझ में बोल दो ये चेक करना, हाँ भाई अमित ने ये फिगर बताई है सही है कि नहीं है, ये चेक करना, दिस इज नथिंग बट एन ऑडिट। पर ये फिगर लिखी थोड़ना है, ये तुम लिख रहे हो, ये तुमने लिखी है, लेकिन रियलिस्टिक में लाइफ में ये लिखी थोड़ना है। ये किसने दिया तुम्हें, पीएनएल बैलेंस शीट किसने निकाल के दिया, अभी थोड़ा सोच के तो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके अच्छा आज के डेट में क्या पीएनएल बैलेंस शीट अपन लिख के बनाते हैं, क्या सब लोग एग्री करते हैं, नहीं पक्का पीएनएल बैलेंस शीट क्या लिख के बनाते अपन, नहीं पक्का, इसको फ्रीज करूं। तो मेरा दूसरा सवाल आता है, अगर पीएनएल बैलेंस शीट लिख के नहीं बनाते हैं तो टेक्निकली मुझे बताओ ओके तो कौन बनाता है ये पीएनएल बैलेंस शीट, सॉफ्टवेयर। ओके अब थोड़ा टेक्निकली सोचो, सॉफ्टवेयर ने ये पीएनएल बैलेंस शीट बना के दिया, अपन एज्यूम करते हैं ये निकला ही सॉफ्टवेयर से, ओके प्रिंट आउट निकाला। अब मेरे को बताओ ओके ऑडिटर इसको चेक करेगा, ऑडिटर बोलेगा ओके ये अमाउंट है ना 32,000 सही है, 32,000 ओके करेक्ट है। ओके पर तेरे को क्या मालूम जिस सॉफ्टवेयर ने ये डेटा दिया है वो सही है कि नहीं। ओके एग्जांपल बता रहा हूं, ओके तेरे को ये दे दिया फिगर, ओके तेरे को फिगर दे दिया, ओके अब जो पीछे बैकएंड पे बैठा हुआ है कंप्यूटर का बंदा, उसने उस डेटा को चेंज कर दिया, बाद में तेरे सामने वो फिगर दिया, कहां पर तेरे को मालूम है। इसीलिए इसका भी ऑडिट होता है, किसका, सॉफ्टवेयर का, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का। और अभी आप बोलोगे सर ये ऑडिट, हाँ मतलब हम ऑडिटर, अरे भाई तू ही है, तू ही करेगा, तू यूज कर, अरे तेरे को देखना है। और मैं तुमको बता दूं आज के डेट में क्लियर कट होगा शायद, मतलब एक ऐसा नोटिफिकेशन है कंपनीज एक्ट का, जिसके अंदर 1/4/2022 के बाद हर एक कंपनी जो भी अकाउंट्स बनाएगी वो अपना ऑडिट ट्रेल रखेगी। ऑडिट ट्रेल मतलब लॉग्स, डिटेल लॉग्स रखेगी। इमेजिन करो वो लॉग्स तेरे को रीड करना आना चाहिए, वो लॉग्स तेरे को समझ में आना चाहिए होता क्या है, वो लॉग्स का मकसद क्या है। अरे तेरे को मैंने लॉग्स दे दिया, हाँ लॉग्स है, अच्छा ठीक है ना, लॉग्स ही है ना, ठीक है ना, बाजू में रख दो, जेपेगा ही नहीं तेरे को, अरे ये कैसे समझेगा तेरे को। दैट इज वेयर ईआईएस कम्स इनटू पिक्चर। अरे नहीं तो अपने को चोमू बना के निकलेंगे रे। ओके, कंपनी को अगर फ्रॉड करना रहा तो तेरे को कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा जो उनको लग रहा है सही है तुम्हारे हिसाब से, और बाकी कंप्यूटर में हमको जो चाहिए ब्रैकेट में करेंगे हम। भाई तेरे को इसीलिए समझना जरूरी है भाई ये क्या है। बहुत जन बोलते हैं अरे यार ये फेल होने के लिए सब्जेक्ट है, अरे चोमिया तू अभी फेल नहीं हुआ ना, आगे फेल होएगा। और हर टाइम अपन अपना हाथ उठा नहीं सकते, नहीं नहीं भाई, ओके इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, नहीं भाई ऑडिट में हमको जो मिला है वही हमने किया। अरे चोमिया तेरे को जो मिला है सामने वाला चोमू बना रहा था, देख नहीं सकता तो। अरे भाई अरे नेफरा अपने पीछे पड़ा है, अर्जन अपने पीछे पड़े। ओके, जितना आपको पता है कि भाई एक साइन का तेरे को पैसा मिलता है, सबको पता है, और जिधर सबको पता है कि भाई एक साइन का पैसा मिलता है तो वो बोलता है भाई ये साइन, इसको इतना पैसा एक साइन का कैसे मिल सकता है। तो भाई उसको ये नहीं पता अपने क्या एफर्ट जाएंगे, अपने बैकेंड के एफर्ट नहीं दिखेंगे। जिस दिन तू सीए होगा, देख जब तक सीए नहीं होता सब लोग बोलते हैं अरे क्या है, कब बन रहा है, कब बन रहा है। जिस दिन सीए होगा अरे बन गया ना, अभी कमाएगा कब। हर जन ऐसे ही करेगा, आगे भी ऐसा आएगा। अरे भाई अपने पीछे आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मेरे को इन्होंने दे दिया था सर, मैंने ये रिलाई किया, ओके किया, ऐसा कर लिया। अरे भाई लॉ ने डाला है, तेरे को इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर इवन इन EIS यू हैव ऑडिट, एंड इन ऑडिट यू हैव EIS ऑफ ऑडिट। समझ में आया? यानी ऑडिट में भी आपको एक ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें EIS का ऑडिट कैसे करना है, चैप्टर 6 उधर का, और इधर का चैप्टर 3 EIS का ऑडिट कैसे करने का, और ऑडिट में लिखा है EIS रातों ऑडिट कैसे करने का। ये मैं आपको बकायदा मतलब ऑडिट के इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, इधर का इधर कॉमन, उधर भी जो स्टैंडर्ड, अरे यही रहने वाला है ना अपनी इंस्टीट्यूट, अपनी ये दोनों सिलेबस अपनी इंस्टीट्यूट के ही है। तो आपको बकायदा मतलब इधर के इसमें मैं बता दूंगा इधर कौन सा पेज है, इधर के इसमें बता दूंगा इधर के कौन सा पेज है। ये लॉजिक आपको बैठने चाहिए, तब जाके आपको EIS का स्ट्रक्चर समझेगा। 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आप लिंक करोगे तो आपको मैं बता दूं सिंपल फंडामेंटल, एकदम सिंपल फंडामेंटल रूल में खाली आरटीपी पढ़ के, खाली सजेस्टेड आंसर्स पढ़ के, पिछले 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन करके, किस्मत वाले पास होने वाले भी है। आपको मिल जाएगा एक आध बंदा जो बोलेगा मैं तो इतना ही पढ़ा और पास हो गया, किस्मत थी। और तेरे को लग रहा है तेरी किस्मत पे इतना कॉन्फिडेंस है तो तू भी ट्राई कर, अगर किस्मत सही रहेगी तो तू भी अगली बार किसी को बोलेगा किस्मत अच्छी होती है, नहीं रही तो अगला आइटम देगा। आइदर ऑफ इट तू डिसाइड कर। तो किस्मत पे रिलाई करने से ज्यादा कंटेंट को अच्छे से पढ़ना। ओके, EIS एंड SM बहुत बड़ा सिलेबस, ओके बहुत बड़ा सिलेबस EIS का है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं EIS को जितना टाइम लगता है उतना ऑडिट भी खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके, मतलब ऑडिट में हार्डली 20-25 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, बाकी EIS उतना जाएगा। इमेजिन करो मतलब EIS कितना वॉल्यूमस सिलेबस है। Okay, EIS will take approximately 90 to 100 hours. Okay, approximately बहुत बड़ा सिलेबस है। SM 50 घंटे, ये दोनों मिलके 150 hours। यानी टेक्निकली बात करें तो भाई कौन सा सब्जेक्ट है जो फटफट खत्म होकर दिमाग में क्लियर मतलब खत्म हो जाएगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, फील भी देगा 50 घंटे ना यार, लेकिन ओके उस 50 घंटे की वजह से 60 नहीं आएगा। ओके ये 50 मार्क का पेपर होगा। EIS कितने मार्क का पेपर? 50। अब सर सवाल, सर मेरे को 40 ही लाना है ऐसे, तो मैं बाकी मैं एडवांस अकाउंटिंग में और FME को मैं मैनेज कर लूंगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर। ओके, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देयर इज अ मे। अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भाई यार मेरे को मालूम है पेपर हैंडल हो जाएगा। देखो अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपन डिस्कस रैंक होल्डर की बात ही नहीं कर रहे, मास की बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस चीज को समझो, रैंक होल्डर अगर एक चीज पढ़ता है, स्कैनर बैठ जाता है, स्कैन होने के बाद उसके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। आप अदर वे राउंड देखो, आप थोड़ा सा टेक्निकली अदर वे राउंड देखो, मास के लिए 2 बार पढ़ने के बाद भी 3री बार याद नहीं रहता। 3री बार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है याद हुआ है, फिर 4थी बार देखते हैं तो लगता है कि आप पढ़ा था 3री बार। आप नोट करो, ओके आपको लगता है भाई आता है, फिर बाद में वापस देखते हैं, फिर प्लस माइनस होता है, होते रहता है, और जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक ऐसे ही लगता है। एग्जाम के दिन भी ये लगता है पढ़ा है क्या मैंने। और जिसने ग्रुप 1 दिया होगा अभी तक, ग्रुप 1 जिसने दिया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस आपको देखो, जिसका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मतलब जो दोनों ग्रुप, यानी पहली बार कब देने वाला है? अभी जो पहली बार ही नवंबर देने वाला उसको एक्सपीरियंस अभी तक है नहीं। आप बोलोगे नहीं फाउंडेशन का एक्सपीरियंस है ना, समझा, फाउंडेशन का। और ये एक्सपीरियंस जमीन आसमान का है, जिसने ग्रुप 1 देखे आया होगा उसको मालूम होगा फाउंडेशन। अरे बहुत अलग है, फाउंडेशन का सिलेबस ही कुछ नहीं था रे। फाउंडेशन का तेरा एक ग्रुप से कम सिलेबस था। यहां पर लास्ट में सिलेबस मैनेज करना एक चैलेंज होता है। और आप जब ऐसा ये बोलोगे ना कि ये पेपर ऐसा मैं प्लान कर लूंगा, ये पेपर मैं ऐसा प्लान कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी में। ओके, थियरी में देखो, प्रैक्टिकल में बहुत फाड़ू आने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल में नया क्वेश्चन आ सकता है। और आज के डेट का अपना फॉर्मेट क्या होगा? ओके, अपने को जो इतना आता है उतने क्वेश्चन अपने बहुत तोड़ सॉल्व कर लिए, लेकिन नया आया कुछ बिगड़ गया। आउट ऑफ द सिलेबस कभी नहीं होता, ये याद रखिए। ओके बॉस, क्लियर कट याद रखिए। इंस्टीट्यूट तीनों लेवल को बरोबर मैनेज करती है। एक होती है फाउंडेशन, एक होता है इंटर और एक होता है फाइनल। ये तीनों लेवल को तोड़ मैनेज करती है इंस्टीट्यूट। फाउंडेशन का सिलेबस बात करें ना, ओके एकदम क्लियर कट है, चींटी जितना है। एंट एंट एंट, एक एंट लिया तुमने हाथ में, लिया हाथ में ऐसा ना किया, सीए फाउंडेशन की फीलिंग आई। कुछ नहीं था, अरे इतना सिलेबस था रे। इंटर का सिलेबस इज हाथी, एलिफेंट, ड्रामेटिक चेंज। मतलब भाई इतना सिलेबस जो बहुत मैनेज था, ओके इंटर का सिलेबस हाथी हो गया। लेकिन पॉइंट में हाथी ही है, हाथी से बाहर नहीं है। बस बुक मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल से बाहर नहीं है भाई। मॉड्यूल तूने कुछ नहीं पढ़ा, वो तेरा चॉइस है, लेकिन इससे बाहर नहीं है। सीए फाइनल का सिलेबस इज जंगल, बुक नहीं है, एक जानवर नहीं है, सब भारी है। कौन सा जानवर मिलेगा वही तेरे को नहीं समझेगा। हो सकता है तू लिखे आंसर में स्टारफिश, इंस्टीट्यूट बोले पोपट जेलफिश। मतलब यानी अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर और इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर जमीन आसमान हो सकता है। इसीलिए फाइनल में जाने के बाद एप्लीकेशन 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 इंटर में नहीं है मालिक। इंटर में यार आप बहुत शिद्दत से पढ़ लो। और इसलिए थियरी पे बहुत ज्यादा अभी आप बोलोगे सर आप थियरी के प्रोफेसर हो इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अरे ऐसा नहीं रहे, चो मैं भी पास हुआ हूं, मैंने भी देखा। ठीक है मैं जानता हूं मेरे प्रैक्टिकल्स नॉट, मतलब प्रैक्टिकल्स नॉट सो गुड रादर देन प्रैक्टिकल्स वर वीक, बट आई कैन टेल यू थियरी में तो यही है ना रे पढ़ के। बस अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, किसी को एक बंदे को ऐसा होगा इसको है ना ऐसा थियरी पढ़ने की आदत नहीं होगी, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। एक बंदे को ऐसा है कि थियरी पढ़ा याद नहीं रहता, वापस वो उसको रटने की आदत का कौन सा प्रॉब्लम होगा। एक बंदे को ऐसा होगा कि भाई यार ये पेज देखते देखते है ना ऐसा सर मजा नहीं आता क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में। पर इसको अडेप्ट करना है आपको, आपको थियरी को अडेप्ट नहीं करना होता है। बस ये जो आपकी हैबिट है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि अगर ये चेंज किया, मैं आपको बता रहा हूं थियरी में कभी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना, क्योंकि जो पेपर सिलेबस है वही तो आने वाला है रे। देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच इन थियरी। ओके, और थियरी पेपर डिफिकल्ट कब होगा? जब तब तुमने छोड़ दिया, जब तुमने छोड़ दिया पेपर बिकम्स डिफिकल्ट। अच्छा मैं इसमें ये डिबेट नहीं कर रहा हूं कि कोई चैप्टर छोटा है या रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क लो। मैं अभी आपको बोल रहा हूं 50 मार्क इधर ईएएस में, 50 मार्क एसएम में है। ओके 50 मार्क, अब 50 मार्क किसी को एसएम बहुत तोड़ कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बोलेगा बहुत तोड़ कॉन्फिडेंट है ईएएस, लेकिन ईएएस में 50 मार्क है, हो सकता है उसमें एक आध चैप्टर, आप रिस्क लो। मैं खुद बोलूंगा लास्ट में, पर रिस्क मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं नहीं बोला पढ़ो मत, पहली बार पढ़ लो, दूसरी बार रिवीजन करते वक्त खाली एक बार रिवाइज कर लो, डिटेल याद मत रखो, नहीं रहना इट्स ओके। पर तुम्हारे दिमाग से एक बार गो थ्रू इंस्टीट्यूट का कभी भी सरप्राइज तेरी तो लग गई, कभी भी हो सकता है इंस्टीट्यूट का। अरे कैसे करोगे मैनेज? पर मैंने आपको क्लियर क्या बताया, इंटरमीडिएट इज ओनली बुक। बुक मतलब क्लास की बुक नहीं, मॉड्यूल। मैंने अपनी क्लास की बुक का लॉजिक है, पर आप ये इंटरप्रिटेशन बरोबर समझो। इंस्टीट्यूट बोलता है भाई मैंने तेरे को सब डेटा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, अब तू बरोबर इंफॉर्मेशन लिख गया और तू इंफॉर्मेशन लिखेगा, मैं तेरे को मार्क्स देगा। दैट्स इट, दिस इज हाउ द कॉन्टेक्स्ट वर्क्स। ओके तो भाई और बहनों, ओके तो सीन या कहानी को थोड़ा सा इस तरह से, मेरे ख्याल से आपको बैकग्राउंड समझा होगा ये एसएसएम क्या है, ओके किस तरह से ये लिंक है आपस में। ओके तो एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ओके अब मेरा शेड्यूल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, इवन मैंने कल विनोद सर इसमें बताया था, पर वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हुआ है। तो अगर आपको शेड्यूल देखना है कौन से दिन पे क्या चैप्टर है क्या नहीं है, वो सारे शेड्यूल में दिया हुआ है। एवरी डे हम लोग मिल रहे हैं 8 बजे, ओके एवरी डे का कॉन्सेप्ट 8 बजे ही है। ओके साथ में अपना एंड होगा 11:15 तक। जिसमें अपन अप्रोक्सीमेटली 9:45 या 10, ये दोनों में से जब भी 10 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे, 10 से 15 मिनट के रेंज में, नॉट मोर देन दैट। ओके, मैं चालू कर दूंगा, मतलब ये लॉजिक याद रखना, मतलब वो क्योंकि तब जाके मेरा खतरा, मतलब अपना टारगेट क्लियर है। मेरे को ऑलमोस्ट 2 आवर 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग चाहिए रोज की, तो अपना लॉजिक ये क्लियर है। तो रोज का ये स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, और इसके बाद अपना 11:30 to 1:40 ओके ये ऑडिट रहता, जिसमें ब्रेक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उतना ही टाइम है। ओके, EIS SM में ब्रेक की जरूरत क्यों हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स अपन ने बढ़ा दिया है, और ब्रेक का जरूरत मतलब डेफिनेटली है क्योंकि 8 बजे आए हो, 8 से 8:30 पौने 9 तक तुम एक्टिव थे। ओके, 9 बजे तुम्हारी थोड़ी सी ऐसे झपकी लगी, 9:15 को झपकी ऐसे लग, मतलब समझा ना, 9 से 9:15। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके बी रिलैक्स। ओके, और ये जो जानते हो जानते हैं, अपने इसमें सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सोना मतलब नींद मत निकाल साले, झपकी। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, पर झपकी, उसका रीजन सिंपल है, थोड़ा सा नोट करोगे आप, आपको 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा। एक नोट करोगे तो थोड़ा सा रिलेटिवली आप कंपेयर करोगे, आई स्पीक थोड़ा सा फास्टर। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड मिस हो जाए, पर मेरे इस फास्टर को कॉम्प्रोमाइज करता है मेरा रिपीटेशन। तो मेरी कुछ चीजें रिपीटेशन होती है ना, वो फास्टर को कॉम्प्रोमाइज होता है। और डोंट वरी, 5-7 दिन के बाद तुम्हारी भी यही होगी स्पीड का लॉजिक। तो रिपीटेशन का फायदा क्या, तुम्हारी जब झपकी लग गई, तुम समझे मालिक, तो अगर झपकी निकाल ली, 8 बजे मत निकालना। तुमको समझा ना, झपकी आने का टाइम बताया मैंने, तो झपकी आने का टाइम है। झपकी निकली, 5-10 मिनट झपकी निकली, निकालो झपकी, आराम करो, झपकी लो। अरे बहुत सुकून की नींद मिलती है क्लास में। मैं तो बता रहा हूं, तो सुबह कितने बजे का अलार्म लगाया? 5:30 का लगाया हुआ आज, 6 बजे का, 8 बजे का, 6:30। मैं एवरेज टाइम लगाता हूँ, 6 बजे का लगाता हूँ एवरेज। अरे एवरेज लगा रहा है तू, 9 बजे, 8 बजे, 5 मिनट तू उतर के इधर आया। पर मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूँ, 6 बजे का टाइम लगाया। ओके, लेकिन 6 बजे के बाद तूने स्नूज ऑफ भी रखा। ओके, 6 बजे लगाया, मतलब 6 बजे थोड़ा ना उठता तू, क्या मैं भी, सब इंसान ऐसे ही है। ओके, 6:15। ओके, तो 15 मिनट है। अगर आपने नोट किया है, सुबह जब ये 6 से 6:15 का स्नूज ऑफ लगाया, ये 15 मिनट की नींद तुमने निकाली, लेकिन आपको लगा हुआ 1 मिनट ही हुआ है। तू नोट कर, तेरे लग रहा अभी तो मैंने स्नूज़ ऑफ किया, अरे बाप रे वापस बज गया। तो मतलब कितना टाइम की नींद? 15 मिनट। और कितने मिनट की फील? 1 मिनट। क्लास देख, क्लास में तो 5 मिनट की झपकी निकाला, और तेरे 5 मिनट के बाद जैसे देखो कुछ, अभी तू क्यों उठा मालूम है क्या? मैं चिल्ला दिया अचानक, तू था झपकी में, सुन क्या बोल रहा भाई, ऐसा है। और आजू बाजू वाले को मैं क्लियर बोलता हूँ, झपकी लगे तो उठाया मत करो प्लीज, बद्दुआ लगेगी और तेरे को गाली देगा। ओके, मेरे से उठ जाएगा वो, कभी कभी चिल्लाने की वजह से अचानक उठ जाएगा, क्या हुआ? तब उसको लगता है कि अभी ब्रेक होने का टाइम आ गया होगा। फिर वो देखते हैं, अरे भाई 5 मिनट ही हुआ, यानी उसको 5 मिनट की नींद कितने मिनट की लगी? 15 मिनट। तो तोड़ फील किधर है? क्लास। सुकून की नींद किधर है? क्लास। 5 मिनट की नींद आपको फील दे रही है कितने मिनट का? 15। सुबह 15 मिनट का फील 1 मिनट, 5 भी नहीं। किधर नींद झपकी निकालनी चाहिए? क्लास में। कितने बजे? हाँ, ओके, 8:30 बजे। तू बोला कि ये बोला? तू तो झपकी निकाल रहे। ओके, याद रखना, रैंकर लोग अगर कभी झपकी निकाले ना, तो उसे इन्फ्लुएंस मत होना। ओके, याद रखना, रिजल्ट के बाद मालूम पड़ा तेरी वो तो उसकी झपकी से वो निकल गया। झपकी लगी रहती है, कान खुले रहते हैं इनके। और मैंने क्या बोला, इनका स्कैनर होता है, अपना स्कैनर खराब है। अपना स्कैनर वो पेट्रोल वाला है, मालूम है ना, मालूम ना, 2 दिन के बाद ऐसे गायब हो जाता है, फिर कौन से शब्द वो दिखते नहीं है, ऐसा कहते हैं। इनका स्कैनर एकदम अलग से रहता है, तो ऐसा है। और इसका मतलब ये भी नहीं इंटेंशन है मेरा इंटेंशन भी नहीं है कि अपन बाकी जो जन है वो रैंक नहीं ला सकता, ला सकता भाई। मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला, मैं जो स्ट्राइव कर रहा हूँ उसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं अपना मास बन रहा हूँ, मेरे को भी रैंक नहीं आया, ऐसा नहीं है, रैंक है। अपने सीए फाउंडेशन में रैंक आया है, CS इंटर में रैंक आया है, CS फाइनल में रैंक आया हुआ है, सीसा के एग्जामिनेशन में रैंक आया है, वो अक्रॉस वर्ल्ड आया है मेरा। ओके, तो भाई अक्रॉस वर्ल्ड, तो ऐसा रैंक आया, पर मैं रैंक मटेरियल नहीं हूँ, समझ रहे तुम? ओके, मतलब मैं रैंक मटेरियल नहीं है भाई। ओके, तो इसका मतलब अगर मैंने किसी को बोला है कि भाई रैंक वैंक नहीं है तुम्हारा, मतलब तुम उसको इंटरप्रिटेशन सही तरह से लेना, लेकिन बाकी जो, मतलब इन शॉर्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। ओके, याद रखना, झपकी निकालो, सारी चीजें, बस मेरा इंटेक क्या है, कंटेंट लेते जाओ। जैसे ही 9:45 बजे मतलब अपन ये टाइम पे ब्रेक, जैसे ही ब्रेक हो जाता है उसके सिनारियो में काम खत्म हो जाता है। तो EIS में बिकॉज ऑफ 3 आवर्स 15 मिनट्स एक 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का मेरे पास बफर है, तो जो जिसकी वजह से अपन ब्रेक ले सकते हैं और वापस कवर कर सकते हैं। ऑडिट में मेरे को अपने को तो जरूरत नहीं पड़ती भाई, और ऑडिट का तो बहुत बेसिक सिनारियो है, जस्ट खाली एक अपडेट के लिए। ऐसा आपने लाइफ में इनिशियली, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, ओके, एक्सपर्ट में रचना मैडम, मालूम है ना रचना मैडम, वो पढ़ाते थे ऑडिट। ओके, तो देयरफॉर द एग्रीमेंट वाज वेरी क्लियर विथ मी एंड विनोद सर कि भाई यार इधर ऑडिट नहीं बढ़ाने का रीजन सिंपल है, क्योंकि अपनी टीम का एक बंदा ऑडिट में, ये वाला स्ट्रक्चर था, और मुंबई का अपना, तो इसका मतलब मैं फिर ऑडिट मुंबई में, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई टू बी वेरी प्रिसाइज, सब लोगों को मैं बता दूं, अपने जिंदगी के 40 साल मुंबई में निकले। पर मुंबई में ऐसा होता था कि 6 महीने में से 4 महीने मुंबई पढ़ाओ, 1 महीना 1.5 महीना पुणे में आओ, फिर 1 महीना मतलब 20 दिन 25 दिन हैदराबाद में जाओ। ये मेरा अभी तक का शेड्यूल था मेरे लाइफ का, जब से मैं टीचिंग में आया ऑलमोस्ट, या फिर बीच में नागपुर जाओ, इंदौर जाओ, ऐसे भी गया हुआ मैं। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें थोड़ी सेटल्ड होती गई और विनोद सर ने चीजें सेटल की। विनोद सर मतलब अभी तुमको पता ही है डॉन का, और मतलब वो भाई बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है मेरे लिए। मैंने ये, और मतलब डर की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंस, सर्टन थिंग्स इन्फ्लुएंस। उसके बेसिक रीजन में 2005 आई क्लियर चार्टेड अकाउंटेंट, 2005 का मैं सीईओ, 2006 आई जॉइन जॉब, तो आई वाज इन PwC फॉर 1.5 ईयर। तो 2006 एंड 2007 का स्टार्टिंग पॉइंट मैं PwC में था। फिर PwC से मैं गया HDC बैंक में, जहां पर IT गवर्नेंस का अपन असिस्टेंट मैनेजर बने। असिस्टेंट मैनेजर से जो मेरी लास्ट पोजीशन थी 2009 और 2010 की, वो थी AVP, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। मतलब मैं आपको बता रहा हूं 2009 में मेरी सैलरी 28 लाख का पैकेज था, अदर देन परक्विजिट्स, अदर मतलब परक्विजिट्स अगर आपको मालूम है, इंटरेस्ट फ्री लोन एंड अदर थिंग्स, वो छोड़ के फिर मैं टीचिंग में आया। फिर इनिशियली मेरे 2010 का सिनारियो ऐसा गया जहां पर मैंने मुंबई में JK शाह क्लासेस है, वहां पर काम किया, क्योंकि अपने को मुंबई की आइडिया था, मतलब मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई, तो मेरे को कभी पुणे का मालूम ही नहीं है, किधर बाहर का मालूम ही नहीं था। तो अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में निकली, JK शाह में 1 साल देखा, उधर जॉब किया, मतलब जॉब जैसा ही था, बिकॉज देयर वाज, आई यूज्ड टू टीच ओनली ए चैप्टर्स एंड दिस वाज नॉट माय सब्जेक्ट। देयर वाज सब्जेक्ट वाज लॉ, फाउंडेशन का लॉ और ऑडिट, ये 2 सब्जेक्ट थे। किस्मत के सिनारियो ऐसे हुए, मतलब ऋतिका होने वाली थी मेरी डॉटर, मतलब व्हेन माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो अभी ऐसा था, मैं थोड़ा सा ना मैंने जैसे बताया ना, अपन तोड़ आदमी मतलब मानो कि अपनी जिंदगी के अपने प्रिंसिपल्स खुद ही है। रीजन सिंपल है, मैं किसी को और को गाली देना ही नहीं चाहता। कल ऐसा हो ही नहीं कि तेरी वजह से मैं डिसीजन लिया, तो फिर क्या होगा, कल कुछ हुआ ऊपर नीचे तो मैं तेरे को गाली दूंगा, तो अपने डिसीजन वैसे ही थे। तो जब मनाली प्रेगनेंट हुई है तो अपने को ऐसा था कि यार थोड़ा टाइम अभी उसको भी देना पड़ेगा, बच्चों आने वाला है, चीजें है, और ये चीज लाइफ में बहुत यार मतलब ये रेयर सिनारियोज है यार चीजें। तो उस सर्कमस्टेंस में मैंने सर को बोला था छुट्टी, और उधर मैं 12-14 घंटे मरवाता था, उधर से मरवाने की आदत आ गई मेरी लाइफ में। मतलब JK शाह में मैंने क्लासेस, क्योंकि उधर है ना, मैंने क्या बोला, चैप्टर पढ़ाते थे, पर उधर बैचेस बहुत होती थी, क्योंकि उधर इतना बड़ा बैच साइज होता नहीं था, उधर खाली 200 का रूम होता है मुंबई में, और उधर एक सब्जेक्ट 4 या 5 फैकल्टी पढ़ाते हैं। मुंबई की फिलोसफी ऐसी है, यानी एग्जाम्पल अभी आप एक चैप्टर में पढ़ा दिया इसका, और दूसरा 2 जन 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 1 चैप्टर कोई और पढ़ाएगा, इस तरह से ये लॉजिक है। एंड लॉजिक भी क्लियर था, सर का भी लॉजिक क्लियर है, कोई दूसरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट तोड़ बन गया किसी का तो भाई और एक एकेडमी खड़ी हो जाती ना, तो लॉजिक सिंपल, मतलब टेक्निकल लॉजिक। पर ऐसा हुआ जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, दैट आई टाइम थॉट कि मेरे को ब्रेक चाहिए, मतलब मेरे को 14 घंटे काम नहीं करने थे। मैं बोला यार मेरे को एक मॉर्निंग या तो संडे ऑफ दो, तब तक संडे भी ऑफ नहीं था मेरी लाइफ में, वो 1 साल तो मैंने वैसे ही मरवाया शादी के बाद। फिर संडे ऑफ दो, संडे ऑफ का हुआ नहीं, फिर मैंने बोला एक काम करो, शाम को 7 बजे के बाद रिलीव कर दो, मतलब मॉर्निंग 7 to 7 लेक्चर, यानी मैं 10 घंटे काम करूंगा, 12 घंटे होते हैं टेक्निकली, 2 घंटा इधर ट्रैवलिंग वेवलिंग ब्रेक वेक का मिला के। तो सर ने मतलब मना कर दिया, बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, तेरे सहूलत के हिसाब से चीजें नहीं होगी। फिर अगर वैसा नहीं था तो अपन ने टाटा बाय बाय। अब जैसे ही टाटा बाय बाय कर दिया तो सर ने बताया, JK सर ने बताया कि भाई एग्रीमेंट है, तो अगले 1 साल तक मुंबई में पढ़ाना मत, 2 साल तक, तो 2 इयर्स आए, मतलब मेरे को पढ़ाना नहीं है मुंबई में, अभी क्या करे। तो परमिशन कॉम्बिनेशन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कभी एक आध दिन कभी वो पॉइंट आया मैं बताता, मतलब मैंने घर वालों तक नहीं बताता कि सर ने निकाल दिया मुझे। मैं बाहर जाता था रोज और दोस्त के ऑफिस में जाके बैठ जाता था, टाइम पास करता था। अरे वो प्रेग्नेंट थी, मतलब अभी क्या इंटरप्रिटेशन आएगा घर पे, ये हुआ इसलिए हुआ। ये लिंक होता है घर के फैमिलीज में, ये सब चीजें बहुत लिंक होती है। थोड़ा समझे नहीं क्या करने का। 1 महीने के बाद पैसे जब खत्म हो गए तब मालूम पड़ा अब क्या करने का, फिर क्या करने का, फिर बताया, फिर ये सोचा, मतलब वाइफ के साथ बात किया, मैं बोला जॉब ज्वाइन कर लेते, जाने दे छोड़ दे, ओके किधर अभी ये कर नहीं सकते। और जॉब तो यार एवीपी था, तो मेरे इतने रेफरेंस है, मतलब आज की डेट तक भी, मतलब इवन जॉब ज्वाइन करने के लिए, आर्टिकलशिप के लिए बहुत तोड़ रेफरेंस है अपने मुंबई के पर। तो मैं बोला जॉब ज्वाइन कर लेता, फिर माना ने बोला ठीक है ना यार, तेरे को टीचिंग करना है, करना टीचिंग, इधर मत कर, दूसरी जगह जाके कर। ये टेक्निकली आया और ऐसा मेरे मतलब फिर दिमाग में आया। और फिर बाद में पूना की एंट्री हुई, उसकी एक स्टोरी है पूना की एंट्री में, पर ऐसे पूना की एंट्री हुई। एंड देन आई स्टार्टेड, जब पूना में एंट्री हुई तो ऑलरेडी ऑडिट और लॉ कोई और पढ़ाते थे, और उसके बाद फिर तभी ऑप्शन अवेलेबल था, वो इसका का अवेलेबल था। तो इसका मतलब अगर हम फोन में EIS का पहले वाला, EIS पुनर्जन्म है, EIS का पहले वाला जो जन्म था वो इसका का था सीए फाइनल में। दैट वाज अ कैरियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेटर ऑन धीरे धीरे ऐसा चालू हुआ। 2014-15 में अपने मुंबई में पढ़ाना चालू किया। मुंबई में आई स्टार्टेड माय ओन एकेडमी, ओके एटी एकेडमी करके। एंड तब मुंबई के 2 सब्जेक्ट मैं पूरे हैंडल करता था, एक ऑडिट था और एक इसका था। तो ऑडिट एंड इसका यानी ऑल टुगेदर एंड IT, IPs में IT होता था, तो ऑडिट IT, ऑडिट इसका, इस तरह से अपने मुंबई के बैचेस थे। इट वॉज ओनली ऑलमोस्ट 2014 से, क्योंकि 4 महीने मुंबई में निकालने तो करना क्या। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसा ही सिनारी हुआ। और लास्ट 1.5 साल पहले, साल भर पहले ऑलमोस्ट, ओके जब EIS निकल रहा था वो खबर आई, तो अभी यही डिस्कशन हुआ कि अभी पूना में क्या करना, क्योंकि मैं तो तभी मतलब रचना मैम ऑलरेडी वो टाइम पे स्ट्रक्चर में थे और दूसरे किसी का ये था सर का। तो मैं बोला EIS के लिए फिर खत्म करने का। फिर विनोद सर की वजह से, मतलब आज मैं आपके सामने बैच ले रहा हूँ तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विनोद सर, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट ऑलरेडी। मतलब लेफ्ट मतलब टीचिंग नहीं, मुंबई फिर क्यों अभी ट्रैवल करने का, फिर इधर नहीं है, इधर ऑलरेडी तुम्हारा है, ओके किसी और का है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मल्टीपल चीजें अपन क्लियर में। फिर विनोद सर बोले नहीं भाई ऐसा है। फिर एक लॉ का ऑप्शन आया, मतलब ये था, और सीए फाइनल का लॉ भी मैं पढ़ाता था, तो सीए फाइनल का लॉ भी निकल गया। मतलब इतना चोमू बना हुआ, मतलब ये मतलब ऐसा था। फिर तो तभी मेरे को ऐसा लगा जो सब्जेक्ट अपन सिलेक्ट करेंगे वो निकलेगा। तो फिर मैंने अभी ट्राई किया इंटर के ऑडिट एंड लॉ, फिर मतलब ये मतलब इंटर का ऑडिट तो बहुत पहले से पढ़ाते थे, ओके पर लॉ का तो मैं बोला अभी ये 2 सब्जेक्ट निकलेंगे, फिर मैं अकाउंट्स लूंगा, फिर अकाउंट्स नहीं फिर टैक्स लूंगा, फिर पहले टैक्स को निकालेंगे, फिर अकाउंट्स लेंगे, फिर अकाउंट निकल गया, सीए निकल गया, खत्म। नहीं बिकॉज इसका था, इसका निकला, ओके EIS था, EIS निकला, लॉ फाइनल लॉ नेक्स्ट था। और मैं आपको बता रहा हूं मतलब आदि जब हुआ 2019 में, 2018 में मैंने कितना टाइम कॉम्प्रोमाइज करके मैंने वो लॉ सब्जेक्ट को तैयार किया होगा, मेरे को मालूम है फाइनल का लॉ। और मेरा लॉ पढ़ाने का तरीका, मतलब अभी किसी वाउच करे तो बैरेक से पढ़ाता मैं। मेरे को भाई वो टेक्स्ट बुक का क्या था, बैरेक पढ़ खत्म कर, टेक्स्ट बुक 2 मिनट में समझ में आती है, क्योंकि तेरे को लॉ का लैंग्वेज आएगा। अपने को वैसे पढ़ना है, मेरे को ऐसा थोड़ा ना पढ़ना है ये लाइन है, देखो ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, खत्म हो गया। ऐसा पढ़ाना जब पढ़ना होता तो खत्म ही था कब का 2 दिन में रोज पढ़ के पढ़ा सकते अपन। पर मेरा पढ़ गया, मतलब अपन को पूरा आना चाहिए यार, बीइंग ए टी मतलब, और मेरा टीचिंग में मतलब नॉलेज देना आप इमेजिन नहीं करोगे। मतलब जब आधी पेट में था, मतलब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट आई वाज ओनली स्टेइंग इन पुणे, मतलब 3 साल पहले, जब तक जब EIS लॉ निकल नहीं रहा था फाइनल का लॉ, तो मैं सिर्फ अकेला 2 महीने के लिए था, सिर्फ पढ़ने के लिए। मैंने मुंबई की सारी बैचेस मैंने कैंसिल कर दी सीए फाइनल लॉ को तैयार करने के लिए। और वन फाइन डे मालूम पड़ा सीए फाइनल लॉ भी निकल गया, EIS भी निकल रहा, सलग करना क्या। और फिर बाद में विनोद सर ने ये बोला, फिर विनोद सर ने एक ही चीज बोली, एक काम कर अमित यार, ओके बहुत टाइम हो गया अभी तेरा हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें देख के कंसिडर करके, तू ऐसे कमा चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, सेटल्ड है अभी, तू एक काम कर, तू आ जा पूना। और विनोद एंड प्रशांत, दिस 2 मेरे मतलब विनोद सर तुम्हारे हिसाब से, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ, दिस बोथ आर लाइक ए लाइफ लाइन, दे आर अपने बहुत तोड़ पंटर, मतलब मेरी पूरी जिंदगी की इसमें स्टोरी में बहुत तोड़ रोल प्ले करते हैं ये लोग। एंड ये अब से रोल नहीं प्ले करते। जब मैं बहुत टेक्निकली बीमार हुआ था, मतलब एक बहुत वर्स्ट फेज आया था मेरा लाइफ का, तब से बहुत तोड़ रोल प्ले करते हैं। तो डिस्कशन हुआ, फिर विनोद बोला भाई एक काम कर, इधर लॉ का कॉम्प्रोमाइज, लॉ का एंड ऑडिट का, रचना मैम निकल ही गए थे, तो रचना मैम बिकॉज रचना मैम तो अभी नेक्स्ट स्केल में है भाई, वो अपन तो भाई दूर तक हाँ मैडम ऐसे करते हैं, पर भारी लगता है मैडम मिलते तो पर ऐसा सीन हुआ। एंड देन फिर मुंबई से ऑडिट फिर इधर स्टार्ट किया, दिस वाज हाउ द स्ट्रक्चर स्टार्टेड। अदरवाइज मुंबई का ऑडिट 2014 से चालू है। मुंबई के रिजल्ट EIS SM और ऑडिट के या इसका के, मैं आपको बताऊँ हाईएस्ट EIS SM की कहानी कितनी है मालूम है क्या आपको? 96 इज द हाईएस्ट अपना पंडर। और खाली ये मैं खाली एक लिस्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, लिस्ट चाहिए होली आपको एक मिलेगा, एक तोड़ पंटर होली है और प्रेम है, ये दो है मेरे, ये पंटर मिलते जाएंगे कभी ना कभी, रोज मिलेंगे आपको एक्रॉस मिलेंगे आपको। अभी अडेप्ट होने में मतलब ऐसे 2-4 दिन में मालूम पड़ जाएगा कौन चोमू है कौन नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, तो वो अपना पंटर मिलेगा, आप उससे डेटा निकाल लो पूरा, आपको डेटा मिल जाएगा सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। एग्जाम्पशन की लिस्ट क्या है क्या नहीं है, ओके ऑडिट के हाईएस्ट 88 है। और ये मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं बता रहा हूँ, ये मल्टीपल अटेम्प्ट है और खाली एक जन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले सुबह टारगेट क्या दिया मेरे को। देखो भाई इधर जो रैंक होल्डर बैठे हैं, मतलब अभी एक आया है, दो आया है, तीसरा मेरे को मालूम नहीं, 2-4 जन जो रहेंगे रैंक होल्डर की कैटेगरी वाले, मैं बता रहा हूँ ये रैंक वैसे ही लाने वाले है। वो मेरे पास बैच करे किधर भी करे यार, रैंक लाने वाला। मेरे को किसमें इंटरेस्ट है, इसमें नहीं इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब मैं, तुम समझे क्या, यानी मेरे को मालूम है यार वो मास वाला बंदा ना, उसको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, रैंक होल्डर को एफर्ट्स कम लगते हैं। अपन मास, वो मेरा जो मार्क्स लाने की पोजीशनिंग है ना, वो मास सबसे, रैंक होल्डर के मार्क्स है ही रहे, डिफॉल्ट है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, मतलब टू स्कोर 60 से 80 के बीच में थियरी इज नॉट ए बिग डील, इट्स ओनली ए टेक्निक। ओके एंड सेकेंड व्हाट आई वांट, ओके जो मैंने आपको बताया, आपका जो इनपुट है, जो टाइम है इनपुट का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कम हो जाए। ओके यानी आप सारा एफर्ट्स कौन से सब्जेक्ट में डालो, ओके प्रैक्टिकल्स में डालो, आप टाइम उसमें डालो ना मालिक, उसको टाइम दो। और ऐसा मत करना जैसे एग्जाम्पल कल कॉस्टिंग खत्म हो गया, अभी वापस कॉस्टिंग पढ़ने बैठे, तो कॉस्टिंग कैसे पढ़ रहे मालूम है तुम लोग, ओके जैसे बुक खोल रहे हो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक खोल रहे हो, अच्छा ये कैलकुलेशन डन, ऐसा नहीं पढ़ा जाता भाई। प्रैक्टिकल सॉल्व किया जाता है। आप बोलोगे सर कल क्लास में तो कर लिया ना, बस ये इसी का प्रॉब्लम तुमको ये एग्जाम में मालूम पड़ेगा। एग्जाम में वही है, वो स्टार्ट क्या करनी ना लाइन, वो क्यों नहीं आती कि सॉल्व नहीं किया। तो प्रैक्टिकल टेक्स अ टाइम, यू शुड गिव इट। थियरी कट शॉर्ट कर सकते हो, पर थियरी कट शॉर्ट क्या करेगा, मतलब तू उड़ा देगा 4-5 चैप्टर उड़ा दो, हो गया अगला आइटम तो नहीं फिक्स है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कम टाइम में अपन उसको ज्यादा कंटेंट, सारा कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है। ओके ये सीन आपने ध्यान रखना है। तो आपको मैंने बता दिया अपना मॉर्निंग में कितने बजे चालू होगा भाई, 8 बजे। ओके और लॉजिकली टेक्निकली बात करें तो जैसे ही 8 बजे आप आ जाइए, लेट मत करिए। लेट किया तो क्या होता है मालूम क्या, वो जो एंट्री करने वाला बंदा है ना, सब उसको देखते हैं, मेरा इंपोर्टेंस खत्म होता ना, रे अच्छा नहीं लगता ना यार मेरे को। इमेजिन करना, अभी तू इमेजिन करते कोई बात कर रहा है, ठीक है, और अचानक मतलब तू बात कर रहा है किससे, ओके और अचानक वो किसी और को देख रहा है, तो कहने लगे चुम्या इधर देखना मैं बात कर रहा ना, वैसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना, मेरे को अच्छा लगता है फिर उसको देख रहा है। तो लेट ट्राई करो, सर नींद नहीं हुई 5-10 मिनट की, इधर आके लेना, मना किधर किया मैं, उठ जा, इधर तो एसी में है, मस्त भी आएगी नींद। ओके अरे भारत माता जी समझा क्या मालिक। तो 8 बजे एंट्री मार लीजिए आप, ओके 8 से ज्यादा डिले मत करिए। ऐसा मेरा ऐसा रूल नहीं है ना, मैं रिजिड मतलब रिजिड वाला नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बंद कर दूंगा। बता आप 8 बजे आ जाओगे तो बेटर ऑप्शन है, मैंने आपको बताया रीजन क्या है। और लेट आए तो कोना कापची पकड़ने का, यानी कोने कापची के सिनारे से घुस जाने का, दैट्स इट। ओके वैसे भी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई, पब्लिक देखेगी तेरे को। हाँ अगर तू अपने आपको मोड ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहता है तो यू कैन डू दैट, ओके बट टू बी वेरी प्रिसाइज 8 बजे आ जाइए। स्ट्रक्चर वाइज आपको सारी चीजें ओके फ्लो में समझ में आ जाएगी। और एक 15 मिनट का अपन टाइम आउट लेते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं, 10-10 को अपन चालू करते हैं। ओके 10-10 तक आ जाइए। ओके गॉल ब्लैडर खाली करना है करके आ जाइए, और पेट भरना है तो देख लीजिए। बोलो देखा क्या वो आने वाला है प्रिंट। हाँ अपना हाँ खाली दिख के जरा उसको एक सैंपल था के साथ। बढ़िया मालिक पुली नहीं ठीक है मैंने उसको सेट कर दिया ऊपर। बस ये बंद हो रहा है बार बार। मयूर सर को बोलना अरे तो हिलने का वो कुछ करना है। मैं क्या मैं बार बार पकड़ के बैठू क्या? हाँ तो मयूर सर को बोल अच्छा मैं पकड़ के ऐसा है सुनो 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 इधर इधर ये क्या डमरू बजा रहा मैं नहीं बोला हाय अरे सो तोड़ मालिक तो भारत माता की जय। होपफुली आपका गॉल ब्लैडर खाली हुआ रहेगा। होपफुली आपका स्टमक में कुछ गया होगा, कुछ खाया भी होगा, चाय वाय पिया होगा और कुछ भी नहीं किया तो अच्छा है। आदमी ने कम खाना चाहिए ओके सर। और खा भी लिया तो भी कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा खाया तो भी ठीक है कोई नहीं। वजन बढ़ा तो कम करेंगे और कम है तो बढ़ाएंगे, मतलब जैसे भी है परमिशन कॉम्बिनेशन लगाओ। लेकिन सुखद अनुभव लो और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अपना शेड्यूल जो स्टार्ट में रहेगा आज से जो चालू हो रहा है वो अपन EIS चालू कर रहे हैं। EIS जिस दिन कंप्लीट होगा उसके बाद अपना SM रहेगा। EIS अप्रोक्सीमेटली 35 to 37 लेक्चर्स तक जाएंगे ओके। मतलब इट कैन लैंड फ्रॉम 35 to 37 और एक हाथ प्लस माइनस जो भी है पर इसके रेंज में ही यही पॉइंट है। बफर रख के वॉट एवर आप फॉर्मेट ध्यान रखना। तीन चीजें अपन ध्यान रखेंगे। पहली चीज आपको नोटबुक रोज लेके आनी है। आपको टेक्स्ट बुक कितनी मिलेगी 2 मिनट में बताता, लेकिन आपको नोटबुक लेके आनी है। टेक्स्ट बुक की जरूरत मेरे पास क्लास में नहीं है। टेक्स्ट बुक आपको लाना है, आप लाइए। आपको फॉर्मेट रहता है, किसी को हैबिट रहती है टेक्स्ट बुक साथ साथ में पढ़ने की ओके। आपके हैबिट के हिसाब से आप फॉलो करिए उस हैबिट को। जो चेंज आपका हैबिट को चेंज मत करिए, लेकिन मेरे को क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूं। तो पहला एक नोटबुक आप रोज रखिए। नोटबुक के अंदर अपन पूरा समरी नोट्स जो रिवाइज करने के लिए स्ट्रक्चर करने के लिए बना देंगे वो पूरा काम हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। EIS और SM, EIS में आपके 5 चैप्टर्स है जिसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं और 8 चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। कैसे ब्रेक डाउन है क्या नहीं है वो एक 15-20 मिनट में बात करेंगे। मैं आपको खाली बता रहा हूं जस्ट ओवरव्यू। अपने आगे के 37 डेज कैसे निकलेंगे और उसके आगे के 18 दिन कैसे निकलेंगे ओके। एंड सिमिलर अप्लाइज, मतलब सेम लॉजिक जाता है आपके EIS के लिए, EISM के लिए। और सेम फॉर्मेट अगर अपन देखें कैसे जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट अपन जो करेंगे ओके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ओके आपकी एक टेस्ट होगी ड्यूरिंग द लेक्चर ही होगी। 8 बजे का सिनारियो रहेगा, जो भी टाइम रहेगा टाइम के स्लॉट में रहेगा। उस दिन के लेक्चर में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, मतलब कंटेंट को उस हिसाब से एडजस्ट किया है। तो आपकी टोटल 4 टेस्ट EIS में होगी, 4 टेस्ट SM में होगी ओके। एंड अगर आप ऑडिट कर रहे हो ऑडिट में भी 8 टेस्ट होगी फिर, तो यानी एक सब्जेक्ट में आपके 8 टेस्ट होंगे क्यूमुलेटिवली। पर EIS की बात करें तो कितने 4, SM की बात करें तो 4। और इसके बाद एक लास्ट टेस्ट होगी जो कंप्लीट टेस्ट होगी। लेकिन ये भी चैप्टर वाइज टेस्ट बोल रहा हूं मैं, पर चैप्टर वाइज आप समझने की कोशिश करो। चैप्टर वाइज मतलब ऐसा नहीं होगा एग्जाम्पल है अपन चैप्टर 2 चालू करने वाला है। चैप्टर 2 जब खत्म हो जाएगा उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं टेस्ट रखूंगा, मतलब मैंने वैसे ही शेड्यूल में रखा हुआ है। चैप्टर 2 जब खत्म होगा चैप्टर 2 की टेस्ट होगी। जैसे उसके बाद चैप्टर 3A चालू होगा, चैप्टर 3A के बाद चैप्टर 1 होगा। जब चैप्टर 3A और चैप्टर 1 होगा उसके बाद आपका चैप्टर 2, 3A, 1 ये तीनों की टेस्ट होगी। यानी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली चैप्टर वाइज। जब मैं बोल रहा हूं तो आपका जो इंक्रीमेंटल नया चैप्टर आ रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो आपका चैप्टर खत्म पहले भी हो चुका है जिसका टेस्ट हो चुका है वो भी वापस एसेस करेंगे। एंड एक चीज ये नोट कर लेना ओके मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब आप सारा चीज लिख लोगे। आप ये ऐसा नहीं होगा कि जो पहले वाले टेस्ट में आया क्वेश्चन वही आगे के टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, सिमिलरली ऐसा नहीं होगा मालिक। बस आपको परमिशन कॉम्बिनेशन सेम लॉजिक रखना है ओके। जैसे मैंने आपको बताया 8 टेस्ट आपके इसमें होंगे। इवन ऑडिट के सिनेरियो में 8 टेस्ट, जैसे ही चैप्टर 1 हुआ चैप्टर 3 हुआ ओके इसके बाद क्यूमुलेटिव वापस टेस्ट होते रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज टेस्ट का, मतलब पहली चीज आपने नोटबुक रखनी है, दूसरी चीज आप टेस्ट का ध्यान रखो, और तीसरी चीज आपको रिवीजन का फॉर्मेट मेरे साथ सही तरह से रखना है। जब मैं रिवीजन का फॉर्मेट बोल रहा हूँ, इसको मैं आज कुछ बताऊंगा भी तो भी आपको शायद समझेगा नहीं, लेकिन वंस आई कंप्लीट सम पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट टाइम आई विल डिस्कस प्रोबेबली समथिंग अराउंड वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर आप ये तीन चीजें सही तरह से करते हो, सही तरह से करते हो, जैसे फेस टू फेस के लिए मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने कल अनाउंस किया था, फेस टू फेस के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। फेस टू फेस जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज ये चेक करके मिल जाएगी आपको, ओके ये फ्री है। ओके जो ऑनलाइन देख रहा है या गूगल ड्राइव है या ये है क्या नाम है लाइव स्ट्रीमिंग है, उन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको चेक करवाना है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज जैसे ही आप होगा अपलोड, ओके आपके ड्राइव पे भी चला जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला जाएगा, उसके टेस्ट सीरीज के आंसर भी चले जाएंगे। लेकिन ओके अगर आपको चेक करा के चाहिए तो आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों के लिए एडिशनल 500 पॉइंट रहेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी क्या है वो जो ऐसा वाला जो टेस्ट के लिए रहेगा, इंक्लूडिंग EIS SM का भी या ऑडिट का भी। लेकिन जो गूगल ड्राइव ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन जो फेस टू फेस है उनका सिनारियो ये स्ट्रक्चर रहेगा। जो खाली सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, यानी जो ऑलरेडी ग्रुप 1 दे चुके मैं ओके अभी के लिए तो ऐसा ही है कि नवंबर में ग्रुप 2 ही दूंगा अभी तक, समझ रहा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो भी सिनारियो। तो जो ग्रुप 1 दे चुके मई में ओके जो ग्रुप 2 में देने वाले हैं उनके इंटरप्रिटेशन में उनका ये 5 महीना सिर्फ ग्रुप 2 के लिए है। लेकिन जो दोनों ग्रुप देने वाले जिनकी कल ही विनोद सर की क्लास खत्म हुई कल, और आज सुबह वापस सब तुम चालू हो गए ग्रुप 2 के लिए ओके, जिनकी कहानी ऐसी है, तो आपको यह समझना जरूरी है कि 2 महीने के बाद ओके आपके 3 महीने 8 पेपर के लिए, जिसमें शायद विनोद सर ने भी आपको ये बताया होगा, दूसरे सर मतलब जैसे मैंने भी ये बताया था, आपको कनेक्ट रहना जरूरी होता है ग्रुप 1 के साथ भी, ग्रुप 2 भी चलना है, ग्रुप 2 के साथ में ग्रुप 1 भी कनेक्ट रहना है, ग्रुप 2 का भी कुछ होमवर्क परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन रहेगा वो भी करना है ओके, सोना भी है, खाना भी है, हाँ नहाना भी है, हाँ 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 बस बढ़िया तू वही कर। बट मैं बता रहा हूं पर सारी चीजें परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन है, सब चीज करोगे आपको ये समझना जरूरी है, ये सब चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। एंड आप ये चीज दिमाग में रख लो कि आप अकेले ऐसे नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, आप अपने पर तरस खाना छोड़ो। जब आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत भारी मेहनत कर रहे हो, आप दुनिया की एक ऐसी चीज में मेहनत कर रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप मेहनत कर रहे हो यार, आपके जैसे और मैं कितने लोग बता दूं यार मेहनत कर रहे हैं, इसे वर्स्ट मेहनत कर रहे थे, इसे वर्स्ट मेहनत कर रहे हैं ओके। अपन है ना अपने ऊपर तरस खाते हैं तब मेहनत कॉम्प्रोमाइज होती है, अपने ऊपर है ना तरस खाना छोड़ो, मेहनत, मैं वापस बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क इज प्रीरिक्विजिट, स्मार्ट वर्क इज नेक्स्ट थिंग। Only smart work will not make you successful. Hard work along with smart work makes you successful. That for sure. तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपको ये दोनों मैनेज करना पड़ेगा। अभी ग्रुप 1 का जैसे जैसे सबने फैकल्टी ने जो बताया होगा उसके हिसाब से मैनेज करो आप। ग्रुप 2 का जैसे चल रहा है वो मैनेज करना जरूरी है। अभी एग्जाम्पल जैसे मैं आप बता रहा हूँ आपको, मैं अगले एक 8-7-8 लेक्चर तक तो मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, घर पे मैं बोलूंगा भी नहीं पढ़ो, आप पढ़ रहे हो आपकी चॉइस है, मैं बोलूंगा भी नहीं कि नहीं भाई घर पे जाके पढ़, तू घर पे जाके देख भाई, ये सारी चीजें क्या है। पर एक 7-8 दिन होने के बाद मैं आपको एक मतलब जैसे टेस्ट आने वाला होगा मैं आपको 3-4 दिन पहले बोलता हूँ भाई अब जाके पढ़ो, आपको टाइम डालना होगा, तो उतना टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फॉर आइदर EIS SM और ऑडिट, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। पर आपको वो करना पड़ेगा तब जाके वो आप है ना टेस्ट पेपर का आउटकम अच्छा कर पाओगे। आपके लिए ऐसा भी लगेगा कि सर टेस्ट पेपर से फायदा क्या है या कुछ है, मैं बाकी सब चीजें छोड़ दो रे, एक है ना 2 चीज अपने को तैयार करनी है ओके, वो तुम्हारे अंदर एक होती है कंपिटेंसी और एक है कैपेबिलिटी। कंपिटेंसी मैं क्लास से तैयार कर ही रहा हूं, कंपिटेंसी तैयारी कर रहा हूं, तेरे को नॉलेज दे रहा हूं, तेरे को टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूं, तेरे को समझा रहा हूं, कीवर्ड समझा रहा हूं, फॉर्मेट कैसे अपना पढ़ाने का मैं बताता हूं, सारा कंपिटेंट बना रहा हूं तेरे को। अरे पर कंपिटेंसी से कुछ नहीं होगा रे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, क्या सिचुएशंस होगी, वो तेरे को देखना पड़ेगा, उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए। और कैपेबिलिटी के लिए ओके यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट फॉर श्योर। हाँ आप उसमें से आप कितना अटेम्प्ट करना चाहते हो ये है, एप्रोप्रिएट 3-4 टेस्ट सीरीज 2-3 हो गया बस हो गया, पर ऐसा नहीं कि वो बस कर देने का, अपन ने वो सीरियसली कर लेने का। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छे से कर लिया तो अपना कंटेंट खत्म हो जाता ना यार। और जो दोनों ग्रुप वाले ना उनके लिए बहुत तोड़ फायदा होगा, जो सिंगल ग्रुप वाला उसके लिए फायदा नहीं है ऐसा नहीं है, पर सिंगल ग्रुप वाले के लिए ऐसा माइंडसेट क्लियर है यार, ठीक है यार मेरे को और क्या करना है, 4 ही तो पेपर है यार आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो दोनों ग्रुप वाले हैं उनका माइंडसेट आप समझने कोशिश करो, आपको ये भी मैनेज करना है वो भी मैनेज करना है। तो जिस दिन आपका EIS खत्म हो, EIS SM ऑडिट जो भी जिस डे पे अपना टारगेट डेट 3 और 5 है ओके, जिस दिन खत्म होना उसके दिन के 2-4 दिन के अंदर आपका पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको वापस EIS SM को टाइम पास नहीं करना चाहिए, बस मेरा टारगेट ये रहेगा। तो आपको घर पे कब पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक 7 दिन हुए, 6 से 7 दिन हुए, उसके बाद आपको घर पे जाके पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दिया करूंगा ओके जिस दिन आप पढ़ना चाहिए। अभी मैं घर पे आके तो चेक नहीं करूंगा ना तेरे, मैं अभी इतने जन के घर पे जाऊंगा तो मां कसम, नहीं घर पे जाना प्रॉब्लम नहीं, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन हर जगह चाय पीने बोलोगे तुम मेरे को, ऐसा थोड़ा ना बोलोगे चल चल निकल अमित हो गया देख लिया। अभी तो तुम बोलोगे ना अरे सर चाय पी के जाओ, अभी तुम बोलोगे हॉस्टल में रह रहे तो भी हॉस्टल में किधर से चाय मंगाएगा ना, कम से कम पानी तो पिलाएगा कि नहीं, वो भी नहीं, नाश्ता समोसा बस बढ़िया, तेरे घर पे तो मैं रहेगा। समोसे के लिए तो जान दे सकते भाई, ओके कच्ची दाबेली बढ़िया बढ़िया, कच्ची दाबेली, कच्ची नहीं बटर वाली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब मेरे को कैसे समझेगा, फिर मैं आपके घर पे तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे को ये आपके टेस्ट सीरीज से समझेगा। और याद रखना ओके मैं जितना सी मतलब ये चीज पे मैं हार्डकोर ऐसा ये क्लियर हो, मतलब जितना मैं तो टाइम पास दिखता हूँ उतना मैं कभी कभी सीरियस भी होता हूँ, तो सटकती भी है मेरी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है कि नहीं सटकी है, बट बहुत रेयर, ऐसा बोलते ना एक आध बार क्रोध आता है, रुद्र रूप एक आध बार होता है। तो अगर अभी अभी आज पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, अभी जोक मारते हैं अपन, कुछ करते हैं, हंसो अरे भाई जोक ह्यूमर तोड़ है मेरा, नहीं ऐसा नहीं है भाई तोड़, मतलब भाई तेरे को 2-4 दिन में समझेगा जोक, अभी नहीं, नहीं जोक समझने के लिए कैपेबिलिटी आनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे जोक समझने में इजीली है, शाम का लेक्चर का जोक तो तोड़ समझेगा तेरे को, ओके भारी है। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अपन जोक मारा, कुछ हुआ, हंसो, मजे करो, टाइम पास करो, वापस अपने कंटेंट पे आ जाओ, उसको स्ट्रेच मत करना हंसने पे। कुछ समझ में आया मेरा लॉजिक? बाकी एकदम मस्त है अपने को कंटेंट देखो, तुमने मेरे को मतलब इफ यू इन्वेस्ट इन मी यू आर इन्वेस्टिंग नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, यू आर इन्वेस्टिंग टू मेक यूर सेल्फ कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल फॉर EIS SM। तो मेक श्योर यू गेट दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। तो भारत माता की जय मालिक। तो मैंने आपको बता दिया 3 चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले नोटबुक रोज लेके आना, नोटबुक लगेगी, नोटबुक अच्छे से। दूसरा कुछ लिखना मत उसमें, घर की यादी मालूम पड़ा। 2-4 दिन के बाद नोटबुक खोलो तो उसके अंदर लिखा हुआ है 5 किलो शक्कर, कच्ची दाबेली, ओके क्या वसीयत, वसीयत वसीयत क्या प्रोनाउंसिएशन कुछ, भिखारी की वसीयत, भिखारी की वसीयत, वाह 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 तो बढ़िया। संपत्ति नहीं नहीं अरे बहुत बड़ी है, हाँ हाँ लेना भाई, अच्छा मैं मेरा फोटो ले, मैं तो मैं भाई और बहनों लॉजिक सिंपल है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखना, नोटबुक रखिए। दूसरी चीज है ना, अपनी मर्जी से मत लिखिए उसमें, मैं बोलूंगा तब लिखना है, तुमको मैं बताऊंगा कब लिखना है, ठीक है। और तीसरी चीज ओके प्लीज मेक इट श्योर, वो टेस्ट सीरीज जो मैं बोल रहा हूँ और पढ़ने का जो बोल रहा हूँ उतना आप कर लीजिए। ओके मेरी गारंटी जिस दिन मैं एंड करूंगा उस दिन अपन अपन इस चीज पे डिस्कस करेंगे। आप देखना 70-75% आपका काम खत्म हो गया रहेगा। और मैं 70-75% क्यों बोला, मैंने आपको रीजन भी होता है उसका, टैक्टिकल रीजन है। ओके अगर आप देखोगे लास्ट के जो 4-5 लेक्चर 5-7 लेक्चर रहेंगे ना, उसका अपने को रिवीजन बार बार करना पड़ेगा बस। उसके बाद वो रिवीजन आप करना, क्योंकि मेरे पास वो दिन कंटेंट रहेगा ना, रिवीजन का फॉर्मेट के लिए टाइम आपको और 5-6 दिन डालोगे, काम खत्म है, क्लियरली खत्म है। EIS इज योर स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है। आज आप टेक्निकली समझोगे EIS के लिए भी, यस मालिक, ऑडिट का भी सेम है मालिक, ऑडिट का भी है सेम लॉजिक। अपने 5 से 7 लेक्चर अपने यूट्यूब पे रहेंगे, 5 लेक्चर सिर्फ यूट्यूब पे ही रहेंगे। 6ठे लेक्चर से जो ऑनलाइन वाले हैं, जो अगर कोई गूगल ड्राइव या किसी फॉर्मेट में ले रहे हो तो 6 लेक्चर ऑनवर्ड्स अपना इसके इसमें भी रहेगा और ऐप में भी रहेगा। ऐप का फॉर्मेट क्या रहेगा ओके मैं सैटरडे को बताता हूँ, आज अपन उस पर डिस्कशन नहीं करते, वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं अभी, क्योंकि अपना यूट्यूब पे है 5 लेक्चर, तो क्यों टेंशन लेना। और 5th-6th ऑनवर्ड्स ओके अपना ऐप और यूट्यूब दोनों पैरेलल रहेगा। और उसके बाद 2-4 दिन मतलब 2-3 दिन का जैसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा, एंड सेम लॉजिक रहेगा EIS SM का भी और ऑडिट का भी, लॉजिक ऐसा सिमिलर रहेगा। आपके फॉर्मेट एंड अदर थिंग्स डिटेल आपको मैं बाद में बताता हूँ। इवन आप फेस टू फेस किए हो, आपको ऑलरेडी पता है फेस टू फेस में भी आपको बैकअप है। ओके फेस टू फेस में भी आपको बैकअप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब लाइव एक्सेस वर्चुअल है, बैकअप है, सारा का सारा ऑप्शन है। लेकिन मैंने आपको प्लीज रिक्वेस्ट किया है, जो मैंने आपको बताया, अपने आपको कंफर्ट जोन में मत डालो, अपने ऊपर है ना दया करना छोड़ो। ओके, दया कब करो मालूम है? जब कुछ अचीव कर लो दया करो, मतलब इन शॉर्ट दया से ज्यादा उसका वर्ड होगा अप्रिशिएट। जिस दिन अचीव हुआ ना मां कसम, उस दिन अप्रिशिएट करो ना, मां कसम साला तोड़ साले, भाई क्या निकाला तू, क्या किया है भाई। अरे भाई सीए फाउंडेशन हुआ तो 2 दिन देखना तू क्या फील में था यार, मतलब तेरे लिए तो थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे, सिलेबस कौन सा होगा, तो 2 दिन तेरे को समझ नहीं रहा था क्या क्या हो क्या रहा है, पर ठीक है वॉट एवर इट मे बी, पर तू ये कॉन्सेप्ट तू देखेगा मालिक, क्लियरली देखेगा। आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर दैट डेज आर मेमोरेबल एट योर एंड। और उस दिन को बनाने के लिए ना वही मैं बता रहा हूं, अभी मत तरस खाओ अपने ऊपर। अभी अगर तरस खाया ना यू आर डन। आपको ऐसा लगा ना जाने दे यार आज के दिन रेस्ट करते हैं, वो आज का दिन है ना 5 दिन होगा गारंटी मेरी। हाँ, पर एट द सेम टाइम अगर ऐसा कहीं पर है आपको अर्जेंटली कोई फंक्शन में निकलना है या अर्जेंटली कुछ काम है, और जो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं ये मैं इसके लिए टेक्निकली वाउच करता हूं। किसी की शादी है घर में, किसी ने बुलाया है तुम्हें, बोला भाई आ जा शादी है। यूजुअली अभी ये 2 महीने में वो शादी का सीजन कुछ है नहीं, 2 महीना ऐसा ये सीजन सिर्फ एक बर्थडे का सीजन है, एक जन का बर्थडे, वो सीजन बहुत भारी सीजन है। नहीं अपना बर्थडे मन चालू है ना भाई, अरे भाई बर्थडे का सीजन मतलब यार कड़क है यार, बर्थडे को कैसे छोड़ने का, बर्थडे तो बर्थडे पार्टी, अरे हावड़ा आ गया। तो ये भाई मतलब यार ये बर्थडे आने तो दे, बर्थडे मंथ है, पहले विश तो कर बहुत अच्छे से। ओह मैन, थैंक्स मैन, थैंक्स मैन, थैंक्स। मंथ बर्थडे मंथ है ये, कोई टेंशन नहीं, थैंक यू। आपने विश किया तो मैंने अपने आपको विश किया है कल, आ गया फेसबुक और इंस्टा पे। कब है? आएगा बेटा, आएगा 19 जून, 2 वीक के बाद अपन मिलेंगे। हाँ पार्टी है, सही है। मैंने तेरे को अभी बताया तू ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है पार्टी के लिए नहीं, और तेरा इन्वेस्टमेंट अगर पार्टी के लिए तो बहुत गलत है। तेरा इन्वेस्टमेंट भाई तोड़ कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए रख। हाँ पार्टी चाहिए, हावड़े रुकना है, पार्टी चाहिए। अब सवाल मैं एक पॉइंट आपको ये बता रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट ओके, जब अपन ये डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाटएवर अवर कॉन्सेप्ट गोज ऑन, एक बार आप समझ लीजिए मेरा फॉर्मेट क्या है। आपको पहला पॉइंट मेरे ख्याल से लास्ट 2 घंटे में आपको लैंग्वेज समझ चुकी है, ठीक है? मतलब आपको समझ में, मतलब एटलीस्ट ऑलमोस्ट सब लोग को मालूम पड़ गया ये आदमी बड़बड़ कैसे करता, मतलब ये भी मैंने वर्ड यूज किया, ये आदमी बड़बड़ कैसे करता, मतलब तुम भी यही बोल रहे होंगे। तुम ये नहीं बोल रहा या भाई ये अमित सर कैसे बड़बड़, अमित सर छोड़ दे, वो तू मेरे सामने बोल रहा है लेकिन मेरे को मालूम है पीछे क्या बोल रहा है। ओके वाह अमित, ऐसा है। किसी ने पूछा किधर क्लास किया है, वो रे तोड़, मैंने सही है तोड़ के पास, तोड़ रहता है मालिक तोड़। अब कहानी को पहले एक स्ट्रक्चर वाइज समझ लीजिए। हर चैप्टर का अपना एक चार्ट होगा, जो अपने को स्ट्रक्चर वाइज बनाना होगा, और वो चार्ट के हिसाब से अपन फ्लो करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल मैं बता दूं ओके, अपने इसमें टोटल सिलेबस में ओके कितने चैप्टर है? टोटल है 5 चैप्टर, चैप्टर 1 2 3 4 5। अपन 5 चैप्टर को कितने चैप्टर में डिवाइड करेंगे? 8। 3 और 4 इनको डिवाइड किया जा रहा है ओके, 3 पार्ट में 3 को और 4th को 2 पार्ट में। ये 5 चैप्टर मिलके 50 मार्क का सिलेबस है। ओके सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क के लिए आता है? यूजुअली अगर आप लास्ट और अपना सिलेबस जो चालू हुआ है, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा EIS SM, यानी जो न्यू सिलेबस की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इसके पहले सिलेबस IT SM था। ये EIS SM आया, ये मई 2018 से एप्लीकेबल हुआ था, मई 2018 से ये सिलेबस अपने सिलेबस में आया। तो तब से लेकर अभी तक की हिस्ट्री अगर निकले तो अपन देख सकते हैं कि हर चैप्टर का एवरेज 10 मार्क बेयर मिनिमम आया है, 15 मार्क मैक्सिमम आया। यानी कोई भी चैप्टर उठाओगे मैक्सिमम कितने के लिए आएगा? 15, और मिनिमम यानी कोई कितना भी छोटा चैप्टर होने दो कम से कम 10 मार्क मिलेंगे। एग्जांपल बताओ, ये सबसे इनमें से सबसे छोटा चैप्टर चैप्टर 5 है, सबसे छोटा ओके, लेकिन मिनिमम कितने मार्क के लिए आएगा? पर क्या मैक्सिमम 15 के लिए जा सकता है? यस। और सबसे लेंदी अगर बात करें तो 3 है, 3 और 4 ये दोनों रिलेटिवली लेंदियर है। इवन 2 भी है लेकिन 2 एक साथ में पढ़ा जा सकता है, 3 एक साथ में पढ़ोगे तो मां कसम बोल रहा हूं 3 छोड़ दोगे, वैसे भी छोड़ोगे लेकिन छोड़ दोगे। ओके यस परफेक्ट, बट नेवरदलेस ओके मेरा लॉजिक एकदम क्लियर रहेगा। छोड़ने के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया पढ़ना सब है, लास्ट में खाली इतना हो सकता है मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई एक बार रीड मार के छोड़ दो चाहिए तो, पर लेकिन एक बार गो थ्रू कर लो, आगे एक बार गो थ्रू कर लो। तो ये 5 चैप्टर जिसमें से चैप्टर 3 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, 3A 3B 3C, और 4 डिवाइड होगा 4A 4B। सर ये कौन से चैप्टर है, कितने मार्क्स के है? पहला पॉइंट मार्क्स के मैंने बता दिए है, ओके, कौन से मार्क्स के है मैंने आपको बता दिया। हर एक चैप्टर, यानी एक चैप्टर को पकड़ के मत बैठो तुम, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा? 10, मैक्सिमम 15। जब तक 2018, 2019, 2020 था ना, प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था। 3 साल तक 18, 19, 20। कोविड के बाद प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। प्रेडिक्ट करना मतलब मैं किस कंटेक्ट से बोल रहा हूं उसको समझिए, उसका लेटरल मीनिंग लीजिए। अभी कौन सा चैप्टर, अच्छा वापस बता दो कितना चैप्टर, एक चैप्टर कितने के लिए आता है? मिनिमम 10, मैक्सिमम। ये 2020 तक प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था, उसके बाद ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया क्योंकि 15 मार्क का जो है एमसीक्यू में चला गया। पहले ये 2-2.5 साल तक एमसीक्यू नहीं थे, तो 50 के 50 मार्क क्या था? थियरी। अब ये ऑल टुगेदर ये आपका पेपर 2 फॉर्मेट में होता है, एक है थियोरिटिकल पेपर और एक है एमसीक्यू, जिसमें से 15 मार्क का क्या है मालिक? एमसीक्यू, और बाकी 15 मार्क, टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यू है। तो 15 मार्क किसके है? ईआईएस के, और 15 मार्क किसके है? क्लियर कट है। ऐसा नहीं होगा 30 मार्क में से किसका ये है। 15 मार्क क्लियर कट ईआईएस के एमसीक्यू है, 15 मार्क क्लियर कट एसएम के एमसीक्यू है, भारत माता की जय। जयपा के मालिक। तो 35 मार्क का जो सिलेबस है वो टोटल जाता है अपने एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 35 मार्क्स का बोल रहा हूं, 15 मार्क का तो अपन प्रेडिक्ट करना बेवकूफी होगी। 15 मार्क के बहुत जन बाहर लेके आते हैं, स्टूडेंट लेके आते हैं बाहर, सर ये एमसीक्यू आया, ये एमसीक्यू आया, पर मैं उसको कभी यूज नहीं करता। रीजन सिंपल है, जब तक ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं है उसको यूज करना बेवकूफी है। कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये एमसीक्यू आया, मालूम है ना स्टूडेंट से आउटकम आता है क्योंकि एमसीक्यू का पेपर तो बाहर नहीं आता, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो एमसीक्यू का पेपर आप बाहर नहीं लेके जाना, याद रखना। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, नहीं ये अबे आपको पूरा रूल्स पढ़ना पहले एग्जाम के पहले, कौन से पेन से लिखना है, कौन से कलर से लिखना है, वो एमसीक्यू के पेपर में किधर क्या लिखना है। अरे भाई गड़बड़ कर, बाद में मैसेज आएगा सर ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, अरे भाई ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, गड़बड़ बाद में, फिर बाद में यार विथहोल्ड होता है रिजल्ट। यार अपन ने गलती करनी ही नहीं है, एटलीस्ट बेसिक वाली। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता, मतलब आज के डेट में तो वो ऑल टुगेदर उसी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, पर लॉजिक वही है। तो एमसीक्यू 15 मार्क के आते हैं, 35 मार्क का जो थियरी आता है, ओके मैं बता रहा हूं मेरा इंटेंशन क्या है बताने का, समझ लीजिए। क्वेश्चन 1 रहेगा जो कंपलसरी रहेगा, ओके, और वो कंपलसरी क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा? 5 कंपलसरी। और उसके बाद आएगा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, ओके, ये 4 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने सॉल्व करने हैं? 3, कितने मार्क के? 10 मार्क्स ईच। ऑलमोस्ट ये 10 मार्क ईच है ना, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 तरह के हो सकते हैं, एक है 6-4, एक है 3-3-4, 5 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, बस बहुत रहे 5-5 की जगह आपको 6-4 ही मिलेगा, या 6-4 की जगह ऐसा भी आएगा 6-2-2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। जो पहला 5 मार्क का क्वेश्चन है ये 5 मार्क भी, ओके, 3 और 2, यही ऐसे ही डिवीजन है, ओके, ये पैटर्न है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये लॉजिक इतना है, यानी आप जो 100 आवर्स मेरे को दे रहे हो, प्लीज सुनिए, वो 100 आवर्स इज नॉट फॉर 50 मार्क्स, इट इज फॉर ओनली 35 मार्क्स टू रेक्टिफाई। 100 आवर्स ऑफ क्लास इंटरेक्शन इज फॉर दैट 15 मार्क्स। अगर आपको 15 मार्क्स सॉल्व करना है ना, रटने से कुछ नहीं होएगा। अगर क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया ना, जैसे मैंने बोला झपकी निकालो, नींद मत निकालो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको अगर 15 मार्क क्रैक करने ही है, ये 15 मार्क क्रैक करने के लिए अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट क्लास, एक्सेप्ट क्लास। और क्लास में मैं बताते रहूंगा ये एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है, नहीं है, व्हाटएवर, ये सारी चीजें मैंने क्या बोला, अपन तैयार, मैं तेरे को किसमें तैयार कर दूंगा? कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी तेरे को बनानी पड़ेगी, और कैपेबिलिटी बनाएगा तू अगर तू इन्वॉल्व रहा तो, ओके। और वैसे ही बोलो, मतलब एकदम क्लियर रखिए बस। और आप इमेजिन करो, सुबह से लेकर अभी तक मैंने ये चीज कितनी बार बताई है, पहले दिन पे कंसिस्टेंट रहिए, आइए। मेरे को कंटेक्स्ट ऐसा नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ओके, आराम से अपन स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी कर सके, मतलब करते हैं भाई, अकेले भी बनाने की आदत है जिंदगी में। लेकिन पॉइंट ये है, जब अपन काम कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग, इट शुड बी वेरी क्लियर हाउ इट शुड बी डन। आप आइए, ये आपको 15 मार्क, ओके, ये तेरे को 35 दिन का लॉजिक आपको दिलाएगा भाई, ये बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। तू नोट्स पढ़, कुछ कर, तेरे को लग रहा है कि नोट्स पढ़ने में, नोट्स पढ़ना एक पॉइंट हो गया, नोट्स को अरे अगर इतना ही था या तो तेरा पहला इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाता। ओके, नोट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि इट इज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर्स, इट्स आउटसाइड द कंप्यूटर्स। तो आपको दो फॉर्मेट याद रखना है, यानी अगर मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन करवा रहा हूं, आपको रटा रहा हूं, लास्ट में जाके मिठू बाबर जैसा रट गया, ओके, वो सिर्फ 35 मार्क्स से है, उसे आंसर लिख पाएगा, लेकिन 15 मार्क्स उसे स्कोर नहीं कर सकता। आंसर से 15 मार्क्स, मतलब 15 में से कुछ 5 मार्क्स होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन बाकी तेरे को क्रैक करना पड़ेगा मालिक, तेरे को क्लास में ध्यान देना पड़ेगा तो ही जाके क्रैक होगा। ओके, अपने 5 चैप्टर के लॉजिक अपने अपने डिफाइंड वे से है। चैप्टर के नाम क्या है क्या नहीं है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आज मेरे को जो चीज आपको इंसर्ट करनी है वो आपको ये इंसर्ट करनी है कि हाउ ईआईएस हेल्प्स और ईआईएस का लॉजिक कैसे बैठता है। तो एक टेक्निकली बहुत अच्छे से चीज समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसे लेते हैं और वापस ये चैप्टर 2 का बेसिक है, जिसके बिना चैप्टर 2 का लॉजिक बैठता नहीं। तो चैप्टर 2 का जो बेसिक है वो डिस्कशन पॉइंट में अपना। तो मेरी सारी आत्मा इधर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं परचेज डिपार्टमेंट का। किसका डिस्कशन करते हैं मालिक? मेरे को बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं? आगे मल्टीपल डिपार्टमेंट के नाम बताइए, कौन से होते हैं? परचेज मैंने बताया, सेल्स है, ओके, एचआर होगा, आपने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स जो अपन कहते हैं, फाइनेंस, यानी रिलेटेड पॉइंट। इन शॉर्ट जो तेरे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, वही डिपार्टमेंट बन सकते हैं, तो उसी तरह और एक डिपार्टमेंट कौन सा होगा? ईआईएस 100% डिपार्टमेंट होगा मालिक। ओके, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके, पहले एक परचेज, इन शॉर्ट में एक परचेज डिपार्टमेंट की कहानी बता रहा हूं। आपका कॉस्टिंग कल रात को ही खत्म हुआ, जो ऑलरेडी हुए, जिनके एग्जाम दिए तो अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जाम में तो खत्म करके आया। तो परचेज ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं थोड़ा सा अपन एक टेक्निकली देखते हैं। हो सकता है किसी का आंसर कुछ प्लस माइनस आ रहा है इसमें, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग ए कस्टमाइज आंसर। कस्टमाइज मतलब अपने परसेप्शन से। तो एक पहला सीन, सबकी आत्मा इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला होता है परचेज रिक्विजिशन। क्या होता है बेटा पहला? व्हाट इज ए परचेज रिक्विजिशन? इट इज नॉट ए परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर इज डिफरेंट, परचेज रिक्विजिशन इज डिफरेंट। परचेज रिक्विजिशन मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? कौन? डिपार्टमेंट को जो गुड्स चाहिए वो स्टोर्स को बेचता है। ठीक है, अपन एक डिपार्टमेंट लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट होगा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। परचेज वाला क्या कर रहा है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, इधर इन्वेंट्री वाला क्या कर रहा है मेरे को लेना देना, तो मेरे को तो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेशन कौन भेजेगा? स्टोर मतलब क्या? इन्वेंट्री। एवरीबॉडी एग्री? अरे हाँ या ना? वो क्या भेजेगा मतलब रिक्वेशन भेजेगा, मतलब क्या बोलेगा? हमारे इधर इन्वेंट्री खत्म हो गई है या कम हो गई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन्वेंट्री ऑर्डर करिए। नहीं, हाँ ना? एवरीबॉडी? तो परचेज रिक्वेशन कौन भेजता है किसको? परचेज रिक्वेशन कौन किसको भेजता है? इन्वेंट्री। स्टोर्स, आप जो स्टोर्स बोल रहे हो मैं इन्वेंट्री यूज कर रहा हूं। ओके, और इन्वेंट्री यूज करना ईआईएस के अंदर वैसे इन्वेंट्री वर्ड है। इन्वेंट्री किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट को। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब दूसरा पॉइंट है मेरे को, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? कोटेशन मंगाएगा। एवरीबॉडी एग्री? क्या उसने डायरेक्टली कोटेशन मंगाना चाहिए या उसने पता करना चाहिए क्या ये इन्वेंट्री हमारे पास कुछ है क्या? ओके, तो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली मैं चेंज कर रहा हूं। आपको जो समझ में आया स्क्रीन पे बरोबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकली चेंज कर रहा हूं। सुनो, मैं इधर बोल रहा हूं परचेज रिक्वेशन भेजने वाला इन्वेंट्री की जगह मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। पहला चेंज मैंने किया। इसके बाद ओके, परचेज रिक्वेशन किसके पास आया? परचेज रिक्वेशन परचेज डिपार्टमेंट के पास। किसने भेजा? मैं नहीं, अभी मैंने चेंज किया ना, वो आंसर रखो। किसने भेजा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये नया कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूं इवैल्यूएशन ऑफ परचेज इक्वेशन। इवैल्यूएशन ऑफ मतलब क्या बेटा? परचेज रिक्वेशन इवैल्यूएशन करना मतलब क्या? तो कौन चेक करेगा? परचेज डिपार्टमेंट चेक करेगा। किसके पास? इन्वेंट्री के पास। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है थोड़ा सा टेक्निकली, मैं चेंज कर रहा हूं आंसर। हो सकता है आपका पॉइंट आए, मैंने इसलिए ब्लैक में किया है चेंज। तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा मेरे को पता? पहला स्टेप क्या है प्रोसेस में? अच्छा, ओके, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं लॉजिक छोड़ दो, आप मेरे साथ जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो बस। पहला पॉइंट है, क्या आया मालिक? परचेज रिक्वेशन। दूसरा क्या आया? इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेशन? कौन चेक करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। किसके पास चेक करेगा? इन्वेंट्री को क्या पूछेगा? ए इन्वेंट्री, क्या तेरे पास ये इन्वेंट्री है या नहीं? ओके, अब मेरे को पता इन्वेंट्री वाला क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्या दो बोलेगा ना, दो चीज कर सकता ना, हाँ या ना। अब मेरे को तो हाँ बोला तो वो इन्वेंट्री को बोलेगा, इन्वेंट्री एक काम कर प्रोडक्शन को दे दे, काम खत्म, ठीक है। अब मेरे को तो फिर दूसरा सिनारियो क्या होगा, नहीं ये बोला, नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी अब अपने को मंगाना पड़ेगा इन्वेंट्री। अपन इन्वेंट्री किससे मंगाते हैं, सप्लायर। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो अपने लिए आता है वो आता है सप्लायर को भेजना, इसको अपन बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब मेरे को बताओ कौन किसको भेज रहा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सप्लायर, मतलब कौन, अपन किसको भेज रहे हैं, मतलब कौन, परचेज डिपार्टमेंट टू सप्लायर। एवरीबडी क्लियर, सारी आत्मा मेरे साथ ही है ना? तो और बताओ, स्टेप बताओ मेरे को। अच्छा, मैं कौन से डिपार्टमेंट को फोकस करके कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अभी परचेज डिपार्टमेंट को फोकस करके पढ़ा रहा हूं। एवरीबडी विथ मी? पहला स्टेप परचेज रिक्वेशन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेजिशन। तीसरा स्टेप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो चौथा स्टेप आप मेरे को आंसर बताओ बेटा, आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन। आत्मा क्लियर। अब ये कौन किसको भेजेगा, सप्लायर टू परचेज डिपार्टमेंट। मेरे ख्याल से इधर तक सबको झेप रहा है मालिक, पक्का, ठीक है। अब यहां पर मेरे को बताओ क्या होगा, इवैल्यूएशन करने के बाद क्या होगा, इवैल्यूएशन करने के बाद क्या होगा, अभी क्या करूंगा मैं, ऑर्डर करूंगा, मैं कौन, परचेज डिपार्टमेंट, किसको ऑर्डर करूंगा, इसको बोलते हैं अपन पीओ। पीओ का फुल फॉर्म परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कौन किसको भेजता, परचेज डिपार्टमेंट टू सप्लायर। एवरीबॉडी क्लियर। छठा पॉइंट मेरे को बताओ क्या होगा, फिर अभी क्या होगा, इन शॉर्ट मटेरियल डिलीवरी। एवरीबॉडी, तो मटेरियल डिलीवरी यही होगा ना, मैंने परचेज ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर के बाद वो डिलीवरी करेगा, और डिलीवरी के बाद मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, यही होगा मालिक। एवरीबॉडी मेरे साथ ही है ना? तो मटेरियल डिलीवरी लिख रहा हूं मैं। हो सकता है इसमें एक आध दो पॉइंट अपन बाद में ऐड करें, मैं एक बार सिंप्लीफाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए मतलब ये लॉजिक बना रहा हूं। डिलीवरी कौन किसको करेगा, सप्लायर, किसको, परचेज को, परचेज को करेगा ये डिलीवरी। डिलीवरी मटेरियल डिलीवरी सप्लायर परचेज को करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को करेगा ये नहीं, किसको करेगा, इन्वेंट्री स्टोर्स, नहीं समझा, ये किसको करेगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को करेगा। आत्मा क्लियर। और मेरे को बताओ सातवां पॉइंट, क्या अपन पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कौन किसको करेगा, परचेज डिपार्टमेंट किसको बोलेगा, अकाउंट्स को बोलेगा, और अकाउंट्स सप्लायर को करेगा। आत्मा क्लियर। मेरे को बताओ साथ, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको मैं अमेंड करूंगा थोड़े टाइम के बाद, नेक्स्ट वीक में आप इसमें चेंज देखोगे। अभी के लिए जितना समझना उतना समझने के लिए ध्यान रखो, ओके। ऐसा नहीं कि पूरा चेंज होगा, एक आध पॉइंट मैं फिट करूंगा, ओके। उसके अंदर अभी मैं वो समझाते बैठूंगा तो मेरा वो टारगेट नहीं है अभी। अब मेरे को कुछ समझाना है, वो अच्छे से समझिए। आपने जो स्क्रीन में पढ़ाया मालिक, वो है प्रोसेस। एक प्रोसेस है, क्या है बेटा, प्रोसेस। एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है। EIS बोलता है ये प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन चलने का तरीका बहुत खराब हो जाएगा। अगर आप इमेजिन करो ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे को बताओ किसको किसको मंगाना है, क्या मंगाना है, कब ऑर्डर करना है, कुछ मालूम नहीं रहेगा। तो जब ये लिखित होता है, जब ये लिखित होता है, जो आपने देखा, तो हर जन को अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी आती है। तो EIS बोलता है कि भाई आपके पास ये लिखित होने चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जिंदगी में जब आपने काम पहली बार चालू किया तो शायद ये लिखित ना हो। एग्जाम्पल, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन लो, आज ही दुकान खोला मैंने, अब दुकान खोला, मेरे इसमें थोड़ा ना प्रोसेस लिखित होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे प्रोसेस लिखित बनाता है। लिखित बनाता मतलब रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अपन ये समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी मैच्योर्ड है, यानी ऑलरेडी अच्छे खासा बिजनेस कर रही है, एक्सपीरियंस आ चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे हो रहा है, तो अपन यहां पर ओके थोड़े से 3-4 डिपार्टमेंट की कहानी को लेते हैं। सारी आत्मा मेरे साथ रही है, 3-4 डिपार्टमेंट की कहानी को लेते हैं, ओके। 3-4 डिपार्टमेंट की कहानी क्या है, ओके। मेरे को बताओ कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पर। परचेज डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री तो समझ में आ गया, उसके अलावा प्रोडक्शन को भूल किधर रहे हो, प्रोडक्शन को भूल रहे हो। और चौथा अकाउंट्स और सप्लायर को क्यों भूल रहे हो। तो अपने पास कितने जन इन्वॉल्व है, 5, जिसमें से मैं इधर हूं, 4 जन मुझे चाहिए, दो जन कोई इधर आ जाओ, 4 जन चाहिए मेरे को। इधर आ जाओ भाई, कौन आ रहा है, 4 आ जा, 2 आ जा, तू या तो चुम है क्या, अभी मैसेज करो किधर को, और कौन आ रहा है, और 2 जन आओ, कौन आ रहा है, 2 डिपार्टमेंट कोई आओ, अरे आजा जा आजा, सुजल आ रहा, माँ कसम, थोड़ा और कौन आ रहा है, और एक जन चाहिए, किसको आना, आजा निकल आजा। अब तू बहुत टेक्निकली इसको समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये बेस है जिससे तेरे को समझ में आ जाएगा EIS क्या काम कर रहा है। आजा, तेरा नाम पंटर सुरजीत। अच्छा आजा सुरजीत, उसे सुजल को खड़ा रखने की जगह भाई। आ जाओ सर, हेलो सर, आइए भाई, आइए आइए। आगे क्या ये गायब हो जाएगा, मैं मेरे को पीछे रहने दे। हाँ ठीक है, आगे सब लोग दिख रहे हैं, इधर थोड़ा मेरे पास रहे। ठीक है, अब ये बंदे को बताते हैं अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसकी ताकत नहीं है पर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मजा कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मैं कौन सा डिपार्टमेंट? परचेस। मैं बाप डिपार्टमेंट है भाई, हमेशा मैं तोड़ बनेगा। तो मैं डिपार्टमेंट कौन सा? परचेस। ओके, ये डिपार्टमेंट, ये अच्छा ये प्रोडक्शन जो मैं इधर था क्या? हाँ, ये डिपार्टमेंट कौन सा? ये वाला तू उधर देख, सामने देख, तेरे को उधर सामने दिख रहा है, उधर देख तू टीवी में देख, समझा? ये कौन सा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वाला ये बंदा है, प्रोडक्शन इन्वेंट्री। इनके साथ मेरे का बोलचाल ज्यादा होने वाला है। ओके, ये बंदा सप्लायर और ये बंदा अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स लास्ट वाला पॉइंट, अकाउंट्स। ओके, पैसे वाला आदमी, तोड़ जेब रहना मालिक। तो सारी आत्मा मेरे साथ एक बार अच्छे से समझिए। सबसे पहले इसने मेरे को बोला, क्या बोला इसने? पहला स्टेप, पहला क्या नाम है पहले स्टेप का? परचेज रिक्वेशन। इसने मेरे को परचेज रिक्वेशन भेजा। तुम टेक्निकली समझो, प्रोसेस बोलता है, प्रोसेस क्या बोल रहा है वो मेरे को समझाओ। पहले ये मुझे बताएगा, फिर मैं इसके पास पता करूंगा, इसके पास नहीं मिला मैं इसको बोलूंगा, इसके साथ 3-4 बार मेरी बात होगी, इसके बाद फिर ये इसको भेज देगा, कुछ याद आ रहा है, और ये फिर इसको पेमेंट करेगा। कब करेगा ये पेमेंट? जब मैं बोलूंगा। एवरीबॉडी मेरे साथ? पक्का समझ में आया? तो मेरे को बताओ वापस स्टेप क्या होगा। सबसे पहले एक बार 7 स्टेप स्क्रीन के जो वापस रिपीट करो, दिख नहीं रहोगे लेकिन आपको दिखने चाहिए। पहला पॉइंट परचेज रिक्वेशन, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेशन, तीसरा परचेज कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, चौथा, पांचवा कोटेशन के बाद परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद मटेरियल रिसीट, मटेरियल इसका बीच का एक अलग कुछ मिलेगा, मैंने आपको बताया आगे। अभी के लिए इतना समझो, मटेरियल रिसीट एंड आखिरी कॉन्सेप्ट। पक्का क्लियर? प्लीज कान खुले, मैं आपको ये क्लियर समझाने वाला हूं और आप सिर्फ 15 मिनट मेरे को दीजिए। 15 मिनट तुम लोग को भैया, 15 मिनट अच्छे से दीजिए। 15 मिनट में आपको टेक्निकली बता दो IS क्या होता है और इन टेक्नोलॉजी क्या होता है और ये दोनों डिफरेंस कैसे है। ओके, प्रैक्टिकली समझना इसको। सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं हमारे पास मैनुअल कारोबार है। मैनुअल कारोबार मतलब लिखित कारोबार है, लिखित कारोबार है। थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। हमें बताओ सबसे पहले परचेज इक्वेशन कौन लिख के भेजेगा? ओके, तो ये बंदा मुझे भेजेगा। ओके, ये बंदा मुझे भेजता है रिक्वेशन। ओके, ये इमेजिन करो ये भेजता है दोपहर को 2 बजे। आपको टेक्निकली समझने की कोशिश करो, मेरे इधर प्रोसेस क्या है, मेरे इधर प्रोसेस क्या है, मेरे इधर मेरे को जैसे ही रिक्वेशन मिला ओके उसको चेक करना है, पर उसको उस दिन नहीं चेक करना, अगले दिन चेक करना है। क्या बोला मैंने? उस दिन नहीं चेक करना है, अगले दिन। यानी मेरे को आज अगर 2 बजे मिलता है या सुबह 10 बजे मिलता है तो आज कुछ नहीं करना है, खाली उसकी चेकिंग करनी है ऐसे ही कि बराबर फॉर्म आया कि नहीं। और इन्वेंट्री को कब पूछना है? यानी एग्जांपल अगर फर्स्ट को इसने मेरे को रिक्वेशन भेजा, मैं इसको कब पूछूंगा? सेकंड को इसको रिक्वेशन पूछूंगा, ए भाई इन्वेंट्री बता। अब इन्वेंट्री को तो चेक करना पड़ेगा, इन्वेंट्री जाएगा गोडाउन में देखेगा, ऐसे एक गुड्स देखेगा, टाइम लगेगा। इन्वेंट्री को भी कितने दिन का चाहिए मोहलत? 1 दिन। तो इन्वेंट्री 3 तारीख को मुझे बताएगा कि इन्वेंट्री नहीं है। अपन नहीं है कहीं डिस्कशन कर रहे हैं, समझ में आया? तो मेरे को बताओ 1 तारीख को इसने क्या किया? रिक्वेशन भेजा, किसमें? मैनुअल में। ओके, मैंने कितने दिन को, कौन से तारीख को किया? क्योंकि मेरे प्रोसेस में ऐसे लिखा है जिस दिन तेरे को मिला उस दिन नहीं, उसके अगले दिन। इसके प्रोसेस में लिखा है कि ये चेक करके फिर बताएगा। इसको चेक करने को कितना नहीं जा रहा? आत्मा क्लियर है? इसने 3 तारीख को मेरे को बताया कि इन्वेंट्री। अब जैसे ही मेरे को आया ओके 4 तारीख को मैं सप्लायर को बोलता हूं क्या? कोटेशन। ओके, एज्यूम करते हैं सप्लायर कितने दिन लेगा तू कोटेशन बनाने में? 1 दिन। एक दिन में नहीं है, 2-3 दिन लेते हैं। सप्लायर कितना दिन ले रहा है? 3 दिन। ओके, 3 दिन ले रहे भाई। थोड़ा कोटेशन अच्छे से ढूंढ भाई, ऐसे खाली किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करने का। ओके, इस कोटेशन दे रहा है कितने दिन में दे रहा है? 3 दिन। तो मेरे को बताओ 4 तारीख को मैंने इसको बताया तो ये कोटेशन कब भेजेगा मेरे को? 5, 6, 7 को मेरे को कोटेशन भेजा। मेरे को भेजा ना उसने 7 को कोटेशन आया, 7 को मैं डन नहीं करता, 8 को, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा मेरा प्रोसेस ही लिखा है। ये जो लिखा है ना स्क्रीन पे, इसमें ही लिखा है कि अगले दिन तूने करने का काम। इसमें लिखा तो मैं वैसे ही करेगा ना, मेरा मालिक जैसे बोल रहा है वैसे ही करेगा ना मैं। अरे हवा ना। तो अब मेरे को बताओ 7 को मेरे को आया, मैं इसको कब बोलूंगा बनाना चालू कर? 8 में से ही सप्लायर को फाइनल किया। ओके, अब इमेजिन करते हैं इसको बनाने और डिलीवरी करने में टोटल कितने दिन लगे? 5 5 दिन एग्जाम्पल लेते हैं, 5 दिन, ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तारीख को इसने डिलीवरी की। किसको? इसको डिलीवरी की। ये मालिक, अब इसको डिलीवरी हुई है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको बताएगा, जो कि स्क्रीन पे लिखा नहीं है, लेकिन ये बताएगा नहीं, तब तक मैं थोड़ा इसको बोलूंगा पेमेंट करने में। तो इसको डिलीवरी कब मिली? 13 को, ओके। ये 14 को मेरे को बताएगा, क्या बोलेगा? मटेरियल आ गया। और मैं 15 को, मेरे पास एक एक दिन का टाइम, अमित तेरे में, ओके, मैंने 15 को इसको क्या बोला? पेमेंट कर। और ये अगला दिन 16 को इसको पेमेंट किया। कितने दिन में ट्रांजेक्शन क्लोज हुआ? 16 दिन। आत्मा क्लियर? अब थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एवरीबडी सुनिए, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर, मैंने टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर। एज्यूम करते हैं जो इसने लिखित दिया उसकी जगह इसने ईमेल किया। अब मेरे को इसका ईमेल कौन से तारीख को आया? 1 तारीख को। मेरे पॉलिसी में लिखा है जिस दिन इसका ईमेल है उसके अगले दिन ही करना। तो मैं वापस इसको कब भेजूंगा? 2 को इसको मैंने भेजा। कैसे भेजा? ईमेल, मैनुअली नहीं किया, ईमेल, ओके। 2 को इसको भेजा। इसने कौन से दिन को मेरे को बताया? 3। मैंने 1 को भेजा, 2 को इसको भेजा, इसने कब मुझे बताया? 3। कैसे बताया? ईमेल। ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन है। आर वी यूजिंग सॉफ्टवेयर? यस और नो? इज देयर ऑटोमेशन? तो 3 तारीख को मेरे को मालूम पड़ गया। भारत माला गया, झेपरा के इधर रख, ओके मालिक। तो ऑटोमेशन हो रहा है, 3 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा। मैंने 4 तारीख को इसको बोला, कैसे बोला? ईमेल। के कोटेशन मंगा, इसने 7 तारीख को मुझे कोटेशन भेजे। कैसे हो रहा है? ईमेल। यानी अभी भी ड्यूरेशन कितने दिन लगेंगे? नहीं, टोटल अगर देखा जाए, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए, ऑलमोस्ट देखा जाए, मोटा मोटी अगर सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन भी यूज कर रहे हैं, तो उतना ही दिन लग रहा है। पॉलिसी प्रोसीजर वैसे मेरे EIS बोलता है, ये जो आपने अभी बताया या मैंने लास्ट 5-7 मिनट में आपके साथ जो डिस्कशन किया, इसको हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। आप इसको है ना इंटीग्रेटेड अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट के साथ मिक्स मत करना, नहीं तो मेरा मिक्सअप कर दोगे आप। मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा सिस्टम है? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम किसी से भी इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड करता हूं, यानी चैप्टर 2 इंटीग्रेटेड सिस्टम करता हूं, तो सर क्या होगा? ये मैं, ये सप्लायर और ये हमारा पूरा सिस्टम का डेटाबेस एक ही जगह रहेगा, सब कुछ एक सेंट्रलाइज हो जाएगा। सर कैसे होगा? सुनिए, मैं बताता हूं कैसे होगा, ओके। अब समझो, छोड़ो, मैं बोल रहा हूं पहले नॉन इंटीग्रेटेड था, यानी इसने कुछ किया तो इसको मेरे को बताना पड़ रहा था, मैंने कुछ किया तो इसको बताना पड़ रहा था, इसने कुछ किया तो मेरे को बताना पड़ रहा था, मैंने कुछ किया तो इसको बताना पड़ रहा था, इसने कुछ किया मेरे को बता रहा था, ये आगे कर रहा था। आत्मा समझा क्या? पर इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अब इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया तो क्या होगा मालिक? सारी आत्मा इधर ध्यान दे। अब जैसे ही ये करेगा, अगर हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या बोलेंगे? इधर जैसे ही परचेज रिक्वेशन हुआ, पहला वाला परचेज रिक्वेशन कौन भेजेगा? प्रोडक्शन सिस्टम में ऐसा हम बनाओ, हम, मैं वापस नहीं बोल रहा हूं, मैं सॉफ्टवेयर अलग चीज हो गई, सॉफ्टवेयर को अलग रखो, मैं बोल रहा हूं सिस्टम ऐसा होना चाहिए, यानी इधर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, इधर 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 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ही परचेज इक्वेशन आया उसी टाइम पे वो डिटेल किसके पास चली जानी चाहिए? इन्वेंट्री के पास, ओके। अब वो कैसे जाएगी समझने की कोशिश करो, ओके। जैसे ही इसने शूटअप किया ईमेल, इसने शूटअप किया ईमेल, सिस्टम, हमारे पास ऐसे सिस्टम होंगे, मेरे को जैसे ही ईमेल मिला मेरे से ओके उसी टाइम पे कराया लिया जाएगा, और ये ओके होके इमीडिएटली किसके पास जाएगा? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री बाहर जाके ढूंढेगा नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में रखा होगा कि ये इन्वेंट्री है कि नहीं है। समझ में कुछ आ रहा है? अब ये क्या करेगा? इसके बाद जब डेटा आएगा, 1 तारीख की बात हो रही है अभी तक, 1 तारीख को जब इसके पास डेटा पहुंचेगा 200 यूनिट चाहिए, तब इसका सॉफ्टवेयर बताएगा कि हमारे पास 200 यूनिट नहीं है, और उसी टाइम पे एक हार्डली 15 मिनट में मेरे को ये अपडेट आ जाएगा, क्या इन्वेंट्री नहीं है। समझ में आया? यानी अगर मैं पहला और दूसरा प्रोसेस जिसमें 3 दिन लग रहे थे, 1 दिन भी मत बोलिए, घंटे के अंदर काम कर दिया। मैं वापस बोल रहा हूं, तुम सॉफ्टवेयर, अगर तुम बोल रहे हो सर ये ऑटोमेशन से हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऑटोमेशन और इंटीग्रेटेड सिस्टम ये दोनों अलग अलग है। ऑटोमेशन से आपको पहले बताया, ऑटोमेशन मतलब क्या? मैनुअल को नहीं, ऑटोमेशन मतलब क्या? मैनुअल को ऑटोमेट करना। ऑटोमेशन क्या होता है? मैनुअल को ऑटोमेट करना। ये भारत माता की, समझ में आ रहा है क्या मालिक? नहीं, हाँ ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑटोमेशन तो है ही है, मैं ऑटोमेशन के साथ क्या कर रहा हूं? साथ में इंटीग्रेट। मैं बोल रहा हूं तू जब मेरे को बताएगा मैं इसको इमीडिएटली बताऊंगा, ये इमीडिएटली मुझे बताएगा, मैं इमीडिएटली इसके बाद भेजूंगा, लेकिन ये तो अपना टाइम लेगा ना मालिक। तो यानी मेरे को बताओ इसके पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कौन से तारीख को गया? 1 तारीख को गया। कैसे 1 तारीख को गया? तो आप समझिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अगर सॉफ्टवेयर भी कर रहा होगा ना, ये मेरे पॉलिसी में लिखा होना चाहिए, ये मेरे इसमें लिखा होगा कि ये उसी टाइम पे होना चाहिए तो होगा, तो तब जाके ये कार्यक्रम होगा। यानी अगर आज के डेट में अगर आपने ऑनलाइन अमेजोन से कुछ मंगाया, मेरे को बताओ क्या आपको जब ऑर्डर का प्रोसेस आता है अमेजोन, क्या अमेजोन मैन्युफैक्चरर है? पक्का ना? ओके, लेकिन आपको जैसे ही मेल आता है कि आपने ऑर्डर कर दिया, क्या वो टाइम पे वो इमीडिएटली एक मेल सप्लायर को भेजता है? वही तो डिस्कस कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, टेक्निकली समझो। अब मेरे को बताओ ओके इसको कितना दिन लगेगा? 3 दिन। ये लेगा ही अपना टाइम ना, इसका अपना सिस्टम है। 3 दिन को ये मेरे को बताता है, तो कौन सा तारीख को मेरे को बताया? 4 पर। लेकिन जैसे 4 तारीख आएगा, मेरे सिस्टम ऐसे होने चाहिए, मेरे सिस्टम ऐसे होने चाहिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम। जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ मतलब मेरे प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि वो इमीडिएटली इवेल्युएट करे और 4 तारीख को इसको, एग्जाम्पल ये एक सप्लायर है, मेरे पास 4 सप्लायर हो सकते हैं, 4 सप्लायर का डेटा आया, मेरे सिस्टम में ऐसा होना चाहिए 4 में से एक फाइनल उसी दिन हो, तो कौन से दिन इसके पास ऑर्डर चला जाएगा? 4 तारीख को। उसके बाद कितने दिन लगेंगे इसको? 5 दिन। ओके, तो यानी कौन से दिन पे ये डिलीवरी करेगा? 9th पे करेगा। 9th पे किसके पास किया? इसके पास। अब समझो, जैसे ही अपने सिस्टम में डालेगा ना, कान खुले में क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जैसे ही सिस्टम में डालेगा ना, हमारी पॉलिसी ऐसी होगी इमीडिएटली मेरे को नोटिफाई हो जाए कि डेटा आ गया है। कैसे करेगा? कुछ आइडिया कैसे करेगा? मेरा एक पीओ नंबर होगा, मेरा पीओ नंबर होगा। कौन सा पीओ नंबर होगा? मैंने इसके पास पीओ रेज किया ना, पीओ किसके पास, किसको देते हो पीओ रेज किया था? एवरीबॉडी एग्री? तो मैंने जब कार्तिक को दिया तो मैंने पीओ रेज किया, मैंने क्या रेज किया मालिक? पीओ। ओके, अब इसके पास ये जब आएगा, ओके गुड्स, कार्तिक जब इसके पास भेजेगा, ये वेयरहाउस वाला है, ये क्या चेक करेगा? पीओ नंबर चेक करेगा और ये एक अपना नंबर देगा, जीआरएन नंबर। व्हाट इज जीआरएन नंबर? गुड रिसीट नंबर। ये जनरेट करेगा ना, और जैसे ही गुड्स रिसीट नंबर जनरेट करेगा, इमीडिएटली मेरे को पॉप हो जाएगा इस पीआर के, पीओ के अगेंस्ट जीआरएन आ गया, क्योंकि ये जब सिस्टम में आ गया, मेरे को इससे पूछने की जरूरत, हमारे सिस्टम ही ऐसे होंगे। तो यानी जब ये जीआरएन लिखेगा, किसके अगेंस्ट जीआरएन लिखेगा? वो एग्जाम्पल मेरा पीओ नंबर 5 था, वो क्या करेगा सिस्टम में क्या सिलेक्ट करेगा? पीओ 5, और सामने क्या एंटर करेगा? जीआरएन 1। ये मैनुअली एंटर करेगा, सपोज जीआरएन 1 जेबरा के मालिक। जैसे ये जीआरएन 1 एंटर करेगा, मेरे को बताओ मेरे को क्या अपडेट आएगा? यानी पीओ का डिलीवरी नहीं। समझा? अब मेरे को बताओ, मेरे को जैसे ही अपडेट हुआ, मैं इसको थोड़ा ना फोन करूंगा, जैसे ही मेरे इसमें अपडेट होगा क्या क्या आया? जीआरएन। वो पीओ का लेजर क्रिएट हो जाएगा और वो अकाउंट वाले को अपने आप अपडेट हो जाएगा कि भाई लेजर, इसके गुड्स आ चुके हैं, इसको पेमेंट कर दो। कितने दिन में ट्रांजेक्शन खत्म हुआ? 9 डेज। कितने दिन स्टार्टिंग में लग रहे थे? ये इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड है। मैं वापस बोलो, ये आप मिक्स मत करना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये सबको लिया मैंने, किसके लिए बात किया? सिस्टम का। ओके, ये सब क्या हुए हम लोग 5 जन क्या हुए इसमें? इंटीग्रेट। यानी थोड़ा और एक लास्ट टाइम एक थॉट चला रही है। जब पहला वाला स्टेप मैंने बताया था जिसके अंदर कितने दिन लगे? 16 दिन। जब इसका खुद का डेटाबेस अलग था, यानी ये खुद अपने हिसाब से कर रहा था, मैं अपने हिसाब से कर रहा था, ये अपने हिसाब से कर रहा था, ये अपने हिसाब से कर रहा था, ये अपने हिसाब से कर रहा था। लेकिन अब हमने मिलकर डिसाइड किया कि अगर हमको रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूज करने हैं, ऑप्टिमल यूज वर्ड याद आ रहा है? किसमें पढ़ा आपने? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब मेरे को बताओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का लॉजिक अगर इसमें लगाओ, ओके थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, अगर इसमें लगा दिया, थोड़ा थॉट लगाओ रे, अगर इसमें लगा दिया, डोंट यू थिंक हम लोग अपना रिसोर्सेस बचा सकते हैं? अब इसका एक टेक्निकल एग्जांपल मैं और एक बताता हूं। मेरे को बताओ ये गुड्स किसको लग रहे थे? प्रोडक्शन को। ओके, आप समझो शुरू, क्या प्रोडक्शन का डाउन टाइम हो सकता है? व्हाट इज द डाउन टाइम? डाउन टाइम मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया? मेंटेनेंस। डाउन टाइम मतलब क्या होता है बेटा? डाउन टाइम मतलब मेंटेनेंस, यानी मेरे सिस्टम, इसकी मशीनरी खराब है या उसका ऑयलिंग कुछ चल रहा है, कुछ झेप रहे मालिक नहीं? हाँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं। अब इमेजिन करो, अभी ये ईआरपी के थ्रू कौन से दिन पे गुड्स आए? कौन से नहीं, ईआरपी के थ्रू, ईआरपी मतलब इंटीग्रेट के थ्रू, सॉरी ईआरपी इंटीग्रेट हुआ, कितने दिन में गुड्स मिले? 9 डेज में मिले। अब मेरे को बताओ 9 डे पे जब गुड्स आया किसके पास था? क्या इसका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा अभी? फिर ये बाद में इसके पास भेजेगा। अब टेक्निकली सोचो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सुनो, 10 तारीख को जब इसके पास गुड्स आने वाला होगा तब इसका डाउन टाइम है। कुछ समझ में आया? किसका? प्रोडक्शन का। अब थोड़ा टेक्निकली सोचो, अगर इसका डाउन टाइम है तो गुड्स का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो और 2 दिन बढ़ जाएगा। तो मेरे को बताओ ये सिस्टम में जैसे तुम इमेजिन करो ये कैसे होगा? ये सिस्टम में डालेगा कि 10 तारीख को मेरा डाउन टाइम है, ओके 10 तारीख को बना डाउन टाइम है। ओके इसको मालूम पड़ेगा इसके गुड्स कब जाने वाले हैं 10 को, तो 10 को बेच के फायदा है क्या, तो एक दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो ये इसका सिस्टम इसको अपडेट करेगा, भाई गुड्स की डिलीवरी 5 दिन पे मत कर, 1 दिन के बाद कर। डोंट यू थिंक गुड्स की डिलीवरी 1 दिन के बाद होगी, कैरिंग कॉस्ट मेरा बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड की वजह से, इंटीग्रेटेड की वजह से प्रोएक्टिवली। ओके ये स्ट्रक्चर बनता है इंटीग्रेटेड की वजह से। मेरे ख्याल से लॉजिक बैठा क्या, 2 सिस्टम है। ओके okay, आइए मालिक थोड़ा, थैंक यू मालिक, थैंक्स प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करेंगे, थैंक्स इन्वेंट्री, थैंक्स सप्लायर, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी मालिक सप्लायर, ध्यान रखना मालिक, गरीब के पेट, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक मेरे, नहीं नौकरी का सवाल है मालिक, 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे, 2 बच्चों को पालना होता है मालिक, 2 बच्चों को बड़ा करना, आप क्या समझो मालिक, दिन रात एक हो जाता है, चमड़ी उमड़ी ऐसे ऐसे निकाल के क्या हालत करनी पड़ती है, ऐसा अरे मेहनत करना वाला ऐसा अच्छा। तो आपको क्या समझा, ओके नॉन इंटीग्रेटेड होने चाहिए या इंटीग्रेटेड होने चाहिए, क्यों, टाइम बचेगा, और टाइम बचना 1 पॉइंट हो गया, और कॉस्ट कम होगी 100%, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, और एक चीज सोचो, अगर ये सिस्टम रहे क्या मैं तेरे को टाइमली डिलीवरी कर सकता हूं, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है ऐसे ही होने वाला है, तो मेरे को मालूम है गुड्स कब आने वाले हैं। अगर मेरे को किसी का ऑर्डर आया, सुनना किसी का ऑर्डर आया, ये एग्जांपल समझ, मेरे को एक ऑर्डर आया, इसके पास ऑर्डर आया, ये प्रोडक्शन वाले के पास ऑर्डर आया, इमेजिन कर उसको पता है ना कब के कौन से डेट पे इसके पास गुड्स आ जाएंगे और इसको 1 3 दिन लगेंगे, तो मेरे को इमेजिन करके बता ओके वो कौन सी तारीख देगा कस्टमर को, अगर अपने मतलब अगर इसको 3 दिन लगते हैं, मतलब ये सारा गुड्स पहुंचने के लिए अपने कौन सा डेट पे आया था 9 को, तो ये सामने वाले को क्या कमिट करेगा 12 तारीख, ये कमिट क्यों कर पा रहा है, जब उसके रिसोर्सेज बराबर काम करेंगे। अगर पहले वाले सीन में क्या था मालिक मेरे को बताओ, पहले वाले सीन में क्या था 16, अब 16 दिन का ठीक है छोड़ दो, 16 दिन का छोड़ दो, लेकिन डोंट यू थिंक 16 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि उसका प्लांट मेंटेनेंस में था, प्लांट मेंटेनेंस मतलब मालूम है ना प्रोडक्शन का, ओके गुड्स पड़े हुए हैं और उसका प्लांट मेंटेनेंस में और उसको मालूम ही नहीं और कस्टमर को कुछ भी कमिट कर रहे हैं अपन। अभी इमेजिन करो ओके थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर आज एसी का मेंटेनेंस होता है इस क्लासरूम का, आज ये अपनी क्लास चालू हो रही है ओके, अगर ये क्लास अपने चालू की है और एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, वो अभी आता अचानक बोलता है एसी का मेंटेनेंस करने का है, मैं बोलूंगा यार पागल लोग है क्या, पहले बताना चाहिए था, क्लास अगले दिन करते हैं। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में अपना पता जा जाता था, समझ में आया, जब नॉन इंटीग्रेटेड होता है तो ये पता नहीं चलता है क्योंकि गैप रहने की संभावना है। नॉन इंटीग्रेट में द सिस्टम्स डज हैव ए गैप, तेरे और मेरे कम्युनिकेशन में क्या रहता है मालिक गैप, और वही गैप को फिल करने के लिए कौन से सिस्टम की जरूरत है इंटीग्रेटेड। तो मेरे को बताइए कौन से होने चाहिए, 1 2 मिनट बताइए मालिक आत्मा चाहिए, कौन से सिस्टम ले इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड, नहीं समझा मेरे को, आया नहीं फील नहीं आया, कौन सा इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड, अच्छा मेरे को पहले बताओ समझा कि नहीं समझा। ओके एवरीबॉडी ओके, अगर किसी के कान में क्योंकि माइक की आवाज से अब मैं बोला ना आपको मैं चेंज नहीं हो सकता, किसी को क्या है कॉटन लेके आ जाइए, मतलब ऐसा होता है ना कान में कॉटन आवाज थोड़ी सा ऐसा हो सकता है, किसी को ऐसा लाउड सुनने की वो आदत नहीं है। और आप बोलोगे सर आप चेंज हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया दुनिया चेंज हो सकती है, तोड़ कभी चेंज नहीं होता। ओके तो मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट पक्का समझा या नहीं समझा, तो मेरे को बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया अभी आपने, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, आपने क्या बोला कौन सा होना चाहिए, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, कौन से स्मॉल एंटिटी, गुड मैन गुड मैन। ओके एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सुनिए, 1 2 मिनट ध्यान दीजिए जरा। आईफोन 14 14 प्रो, अरे कुछ नहीं है अब सुनना आगे तो सुन रहे आत्मा। ओके अब इमेजिन कर ओके अगले महीने में आईफोन 15 आता है, आईफोन 15 आता है, शुड आई परचेज, बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, 1 2 बेंच 2 बेंच भी नहीं है, 2 बेंच भी नहीं मतलब 1 बेंच, हाँ बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, शुड आई परचेज और नॉट, पक्का यही पॉइंट आपको समझना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आई या नया सिस्टम आया आपने लेना चाहिए ऐसा नहीं, बेवकूफी है। ओके डोंट इन्वेस्ट इन आईटी, कान खुले क्या बड़बड़ कर रहा हूं मैं, कान खुले सबके, डोंट इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अरे मेरे भाई, जब तेरे को रिक्वायर्ड होगी तब तू वो इन्वेस्ट करेगा, तब उसकी वैल्यू आएगी। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ वैल्यू नहीं आएगी। एग्जांपल बोल रहा हूं, नया आईफोन 15 में क्या है मालूम है? एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल ऐसे ही आईफोन 15 में है ना, समुद्र के अंदर 50 फुट डीप में भी गया डाइविंग करते हुए, मछली वछली क्या देखना तू देख सकता है। हाँ, ओके, ये एक फीचर है, बाकी सारे फीचर यही है। और उसकी वजह से 2 लाख रुपए दे, मेरे को बता, इन्वेस्ट करना बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। मैं बोल रहा हूँ बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, खर्च करने को रेडी हूं, लेकिन करना चाहिए क्या? अरे मैं किधर समुद्र में जाकर अपने को कोई टेंशन नहीं है। ओके, मछली मिलने के लिए बाहर आ जाइए, अपने को अपन मिल लेगी, जिसको मिलना है वो मिल लेगा ऊपर आके, और जिसको नहीं मिलना अपने को क्या करना, अपन थोड़ा ना पागल आदमी है क्या? चलो डूब गया तो ये एप्पल बच जाएगा, मैं जाएगा मालूम पड़ा आरआईपी फोन की जगह आरआईपी अमित। अरे यार, लॉजिक समझा क्या? तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज, तो आप मेरे को बताओ इंटीग्रेटेड करें या नॉन इंटीग्रेटेड? ब्लड में डालो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखो। और मैं आपको बता दूं, जब अपनी जिंदगी में एग्जांपल, कल तुम उठ के बिजनेस चालू करते हो, तुम्हारा पहला सिस्टम कौन सा होगा, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? 101% नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट के लिए मैच्योरिटी चाहिए रे, अपने को समझ में आना चाहिए कितना टाइम लगता है। तो हमेशा जिंदगी जब चालू होती है, यानी मतलब ये जब अपन बात करते हैं, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार प्रोसेस बनाता है, वो कहां से बनाता है? फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाता है, धीरे धीरे उसको समझ में आती है क्या ऐसे हो रहा है, फिर वो टाइम बचाने के लिए जाएगा। स्टार्टिंग में वो धंधा करने के लिए जाएगा बे, स्टार्टिंग में वो सेल बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिधर स्केल बड़ा होगा, अब इमेजिन करो, तब तो ये मैनेज करना ही पड़ेगा मालिक, तब किस में जाना चाहिए? इंटीग्रेटेड। तो इसीलिए याद रखना, कभी भी ये लॉजिक, आगे के 34 डेज में कभी बोलना भी मत, सर ले लो टेक्नोलॉजी। मैंने आपने पूछा टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। एक एग्जांपल आपको लास्ट वाला पॉइंट है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है। ओके, ब्लॉकचेन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से यूज कर सकती है, लेकिन नॉट एवरीवेयर, इट इज नॉट इजी फॉर ऑल गवर्नमेंट। पुणे गवर्नमेंट, पुणे पीएमसी इज स्टार्टिंग यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर लैंड प्रॉपर्टीज पेपर्स। ओके, वो आपको अगले 2 महीने के बाद से कंप्लीटली ब्लॉकचेन में जाएगा। यानी आपका जो अभी फॉर्मेट है ना, आपको प्रॉपर्टी के पेपर आ रहे हैं, ओके, आपको ये रखे जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी पेपर कहीं पर स्टोर है, ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। और ब्लॉकचेन, आप बोलोगे सर ब्लॉकचेन होता क्या, मां कसम मेरे को ही नहीं मालूम, ब्लॉक है, चेन है, कि ब्लॉकचेन है। तो सिलेबस में है, टेंशन मत ले। तो तुम्हारे सिलेबस में वो चीज है जो तुम्हारे लाइफ में काम आने वाली है। अभी अगर एग्जाम्पल है, ओके, कोई बंदा है जिसको टेक्नोलॉजी आई नहीं रही है, ब्लॉकचेन मालूम ही नहीं, घंटा मालूम नहीं है, अपने पापा मम्मी को अबे क्या मालूम होगा ब्लॉकचेन, उनको पापा मम्मी को टेक्नोलॉजी यूज करनी आ गई है, एप्पल आईफोन मिलेगा, लेकिन ब्लॉकचेन पूछ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ, चैट जीपीटी पूछ, बोले होगा कुछ यार। और वो सीखे भी क्यों? पर इमेजिन कर, अगले 2 महीने 3 महीने के बाद अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तुमको, वही चाहिए। यू नीड टू अडेप्ट। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते तभी नहीं मेरे को प्रॉपर्टी में तो वो मेरे को जैसे चाहिए था वैसे ही चाहिए। ओके, गवर्नमेंट बोलेगी तेरे लिए मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, मेरा टेक्नोलॉजी तरक्की का तरीका ये है, तू इसको सीख। तो व्हेन यू शुड इन्वेस्ट, हम मेरे को बता, अगर वो कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट कर रही है और उसकी वजह से आपने को सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा अभी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ऑप्शनल दे रही है, तो क्या करना चाहिए? अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अगर आपको लग रहा है इससे फायदा होगा तो करिए, नहीं होगा तो तोड़ मालिक। भारत माता की है, समझ में पक्का आया मालिक? टेक केयर मालिक। और अपन स्टार्ट करेंगे ओके 11:30 बजे विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, जैसे जैसे तोड़ मैम। होपफुली आपको समझा मालिक, भारत माता की जय। यार ये बंद हो गया यार, क्या पागल आदमी है, पागल हो गया है वो।